इन स्टैंडर्ड 36 इम्पेमेंट। तो ये स्टैंडर्ड आपको क्या बोलता है? बहुत सिंपल कहानी है, वो आपको बोलता है इम्पेमेंट, इम्पेमेंट लॉस तब होता है जब जो कैरिंग अमाउंट है वो रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है। जो कैरिंग अमाउंट है वो रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है तो फिर इसका मतलब इम्पेमेंट लॉस है। और कितना लॉस है, उन दोनों का डिफरेंस ही हमारा लॉस है। तो सर एग्जैक्टली ये स्टैंडर्ड की ज़रूरत क्या है हमको? तो देखो, हम क्या करते हैं, हम जब भी कोई पीपी खरीदते हैं या कोई इंटेंजिबल एसेट खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम उससे एक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ऑब्वियस ही बात है, बहुत ऑब्वियस है कि वो जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है उस एसेट को यूज़ करके या सेल करके विच एवर इज़ हायर से ज़्यादा ही होना चाहिए, विच एवर इज़ हायर से ज़्यादा ही होना चाहिए। मतलब मेरे बुक्स में एसेट 10 लाख का दिख रहा है तो मैं उससे 20 लाख की रिकवरेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अरे 20 छोड़ो, कम से कम 11 की तो एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ, ठीक है, जम रहा है काम। अगर मैं उससे नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, सपोज करो कि उसको यूज़ करने से रिकवरेबल अमाउंट 11 लाख आएगा, उसको यूज़ करने से रिकवरेबल अमाउंट 11 लाख आएगा और बेच दूंगा तो आज ही 12 लाख मिल जाएंगे, बेच दूंगा तो आज ही 12 लाख मिल जाएंगे, तो क्या करूँगा? यूज़ करूँगा कि बेच दूंगा? यूज़ करूँगा कि बेच दूंगा? अरे बोलो ना, मेरे बुक्स में एक एसेट है जिसका कैरिंग अमाउंट 11 लाख है, 10 लाख है, 10 लाख है, यूज़ करने से जो कैश फ्लो आएगा वो 11 लाख है और आज ही बेच दूंगा तो 12 लाख रुपए में बिक जाएगा। यूज़ करने से, उस एसेट को यूज़ करने से जो कैश फ्लो जनरेट होने वाला है बिजनेस के लिए वो 11 लाख आ रहा है और अगर आज ही सेल कर दूंगा तो 12 लाख रुपीज़ आने वाला है, तो क्या करेंगे? बहुत ऑब्वियस है कि सेल कर देंगे, ठीक है। एक राघव जी ने बीच में कुछ तो बोला है सर, वो इंडिया 1638 पूरा कर ही रहा था एज फेयर वैल्यू बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू, ये क्या बोल रहे हो आप? समझा नहीं राघव जी आप क्या बोल रहे हैं। चल तो ऑब्वियस ही बात है कि बेच देंगे, तो हमको दोनों में से जो भी ज़्यादा मिल जाए हम तो वही चाहते हैं कि भाई यूज़ करने से ज़्यादा पैसे मिल जाएँ या बेचने से ज़्यादा पैसे मिल जाएँ, हम तो यही चाहते हैं। इसको शब्द दिया गया है रिकवरेबल अमाउंट। आप जो इस इंटेंशन, अपनी मंशा की बात कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है। तो ये जो रिकवरेबल अमाउंट है ये हमेशा कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। बेचने से ज़्यादा मिल जाए तो वो, यूज़ करने से ज़्यादा मिल जाए तो वो, आप यूज़ करके जो कैश फ्लो निकाल रहे हैं उसको बोलते हैं वैल्यू इन यूज़, ठीक है, और बेच के जो निकाल रहे हैं उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, नॉट फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। बेचूंगा तो क्या मिलेगा? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। और वैल्यू इन यूज़ क्या हुआ भाई? यूज़ करूंगा फ्यूचर में तो उससे क्या कैश फ्लो आएगा? उसका प्रेजेंट वैल्यू। तो सर यूज़ करने के बाद भी तो बेचेंगे ना, जैसे 5 साल यूज़ किया, 5 साल बाद स्क्रैप में बेच देंगे, तो वो स्क्रैप वैल्यू भी वैल्यू इन यूज़ का पार्ट है, वो स्क्रैप वैल्यू भी वैल्यू इन यूज़ का पार्ट है। तो या तो आज बेचो, वो हो गया फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, या फिर यूज करके बेचो, विच एवर इज हायर को रिकवरेबल अमाउंट बोलते हैं। ये रिकवरेबल अमाउंट हमेशा कैरिंग अमाउंट से ज्यादा होना चाहिए। जिस दिन ये नीचे आ गया उस दिन हम बोलते हैं एसेट इंपेयर हो गया, ठीक है। सर वो इंडिया 1638 पूरा कर रहा था एज फेयर वैल्यू बेस्ड ऑन मार्केट, तो फिर 36 की जरूरत क्या थी? ओके, राघव जी बोल रहे हैं कि सर वहां था तो सही फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट, तो 36 की जरूरत ही क्या है? तो वहां पे आप रिवैल्यूएशन मॉडल लगाए तो लगाए, ऑप्शन है आपके पास, इच्छा आपकी, लगाना है रिवैल्यूएशन मॉडल तो लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ। कॉस्ट मॉडल का भी ऑप्शन था, ठीक है, कॉस्ट मॉडल है तो फिर फेयर वैल्यू अगर गिर भी गई तो आप करोगे नहीं कुछ। यहां पे वो आपको बोल रहा है कि नहीं, करना ही पड़ेगा अगर वैल्यू गिर गई तो। प्रूडेंस के लिए 36 का होना बहुत जरूरी है, ठीक है बड़े। ओके, अब मोटा मोटी सर ये स्टैंडर्ड किसको लगेगा? कई सारे स्टैंडर्ड्स के अंदर में ऑलरेडी बात की गई है इम्पेमेंट की, जैसे इंडिया 2 में कॉस्ट ऑफ एनआरबी विच इज लोअर, तो 2 को ये स्टैंडर्ड नहीं लगाना चाहिए, उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115 में अगर आपको ध्यान में होगा कि आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेवेन्यू प्रोबेबल है तो फिर आप उससे रिलेटेड रेवेन्यू दिखाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ऑफ एसेट वगैरह सब दिखाते हैं, अदरवाइज वहां पे भी नहीं दिखाना है। वहां अगर रेवेन्यू एक्सपेक्टेड ही नहीं है तो हम रेवेन्यू को नहीं कंसिडर कर रहे थे, आपको ध्यान में होगा, अगर कि प्रोबेबल नहीं है किसी तरह की रेवेन्यू तो हम वैसे ही रेवेन्यू को कम कर दे रहे थे। तो 115 भी उस तरह की इम्पेमेंट्स की बात करता है। इंडिया 12 हमने पढ़ा नहीं, 19 अभी पढ़ा नहीं, पर 19 में एक एक्चुअरियल लॉस कॉन्सेप्ट होता है, एक्चुअरियल लॉस, ठीक है। तो ये सब स्टैंडर्ड्स कुछ ना कुछ बात करेंगे, यहाँ एक लंबी लिस्ट है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आप सिर्फ 3 स्टैंडर्ड्स को, 16 को, 38 को और 40 को, सिर्फ इन 3 स्टैंडर्ड्स को आप ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36 का इम्पेमेंट लगाओगे। आप बस इतना ही याद रखो, बाकी जाने दो, आपके लिए इतना सफिशिएंट है कि इन 3 स्टैंडर्ड्स को ही हम लोग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36 लगाते हैं, ठीक है।
ये कंटेस्ट कर लो, क्योंकि 105 में और कैश जनरेटिंग यूनिट में, ये दो जगहों पे इंडिया स्टैटिस्टिक्स में कैश जनरेटिंग यूनिट कॉन्सेप्ट और 105 में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। क्या क्या नहीं है उसकी लिस्ट बड़ी है, किस पे लगेगा वो लिस्ट छोटी है, याद रखना ठीक है। चलो कोई कुछ पूछना चाहता है यहाँ तक? मैंने एक बेस आइडिया बता दिया आप लोगों को। तो कैरिंग अमाउंट अगर रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा हो जाए तो इम्पेमेंट लॉस है। इम्पेमेंट लॉस कितना होता है इन दोनों का डिफरेंस? सर इसे कहाँ डालते हैं? इसे पीएल में डालते हैं। सर अगर हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस अवेलेबल है तो भी क्या इसे पीएल में डाल देंगे? नहीं, पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस से एडजस्ट करो, बचा हुआ पीएल में डाल देना, बचा हुआ पीएल में डाल देना ठीक है। तो ये कुछ बेस आइडियाज है, ये बेस कॉन्सेप्ट है जो हमारे दिमाग में रहते हैं वैसे भी, यानी ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बहुत फोकस नहीं करना है, स्पेशल पॉइंट्स के ऊपर हम लोगों को फोकस करना रहेगा। तो सर क्या हम इम्पेमेंट हर साल करते हैं? नहीं, इम्पेमेंट की कुछ क्राइटेरियाज होती हैं, अगर वो सेटिस्फाई होता है तो ही इम्पेमेंट टेस्ट होता है, मतलब वो क्राइटेरिया से डाउट बनता है दिमाग में कि हाँ इम्पेमेंट टेस्ट करना है, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है ठीक है। जैसे अपन जब सीए का रिजल्ट देख रहे हैं, अपना रिजल्ट आने वाला है, अपन बस वहाँ लॉग इन कर रहे हैं, सडनली हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, नॉर्मल से ऊपर चली गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हार्ट अटैक आने वाला है, समझ रहे हो? तो कंडीशन सिचुएशन बहुत ज़रूरी है कि ये सिचुएशन हो सकती है, हार्ट बीट बढ़ गई तो एक सिचुएशन हो सकती है कि हार्ट अटैक आ सकता है, पर उस सिचुएशन पे थोड़ी हार्ट अटैक आने वाला है। वैसे ही इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36 आपको समझाता है कि ये सिचुएशन है, देख लो शायद इसके कारण इम्पेमेंट टेस्ट होगा ठीक है, पर जरूरी नहीं है कि इम्पेमेंट टेस्ट होगा ठीक है। चलो अच्छा एग्जाम्पल था ना, ध्यान में रहेगा ना। पर कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिनमें हम हर साल इम्पेमेंट टेस्ट करते हैं, कुछ भी हो हम इम्पेमेंट टेस्ट करेंगे ही करेंगे ठीक है। एक वो इंटेंजिबल एसेट जिसकी लाइफ इंडेफिनेट है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, एक गुडविल ठीक है। आप बस ये दो ध्यान में रखिए, बाकी यहाँ लिखा है जिसको अभी तक के आपने अवेलेबल फॉर यूज नहीं किया इंटेंजिबल एसेट, इस पर दिमाग मत लगाइए, कोई नहीं पूछने वाला है वो ठीक है। तो क्या है सर वो, कब देखेंगे वो जो हार्ट बीट बढ़ने वाला सिचुएशन है वो क्या है? ऐसे दो सिचुएशन होते हैं, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। एक इंटरनल पढ़ रहे हैं, यार मशीन चल रही थी और मशीन के अंदर किसी लेबर का हाथ घुसा और हाथ कट गया, सर ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कोई क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था कहीं तो भी, डीटी आईडीटी या एफआर में ही कहीं तो भी ऐसे क्वेश्चन नहीं था, एक लेबर का हाथ फंस गया और हाथ काटना पड़ा? तो जैसे क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं वैसे ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ ठीक है। तो अब मशीन डैमेज होगी ना, मशीन खराब हो गई उस चक्कर में ठीक है, तो ये जो मशीन डैमेज हो गई तो ये हो गया इम्पेमेंट टेस्ट करने का क्राइटेरिया पहला। दूसरा, अपन पहला क्या देख रहे हैं, इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, फिजिकल डैमेज, फिजिकल डैमेज। दूसरा भाई बजट रिपोर्ट से दिख रहा है कि अब ये मशीन्स को हम धीरे धीरे इनका यूजेज कम करने वाले हैं और दूसरी नई मशीन्स के अंदर में यूजेज बढ़ाने वाले हैं, यानी एडवर्स अफेक्ट है, एडवर्स अफेक्ट है ठीक है। एविडेंस अवेलेबल है इससे रिलेटेड या फिर एक्सपेक्टेड यूज ऑफ द एसेट से रिलेटेड, तो फिर ऐसे में हम लोग उसको ऑब्सोलीट कर देंगे ठीक है। चलो अब इसके अलावा होता है इकोनॉमिक यूसेज, कभी कभी गवर्नमेंट मना कर देती है कि आप ये मशीन्स को यूज नहीं कर सकते, जैसे कार वगैरह के लिए बोलती है ना, ये नए वाले बीएस के कार्स अब बनेंगे, पुराने वाले बीएस, अब पुराने बीएस अभी भी चल रहे हैं, इंडिया में आया नहीं अभी तक रूल, पर एक पॉइंट पे कभी ना कभी रूल जरूर आएगा कि BS3 या BS4 तक की कार्स को लोग बंद कर देंगे, कि भारत स्टेज 3 या 4 तक की कार्स को आप यूसेज बैन कर देंगे। अभी तो इंडिया की पोजीशन नहीं है कि इस तरह का रूल लाया जाए, पर मेन फंडा वैसा ही कुछ तो होता है। तो ये चीज़ें होती है जिसके अंदर हमको पता होता है कि हाँ मशीन ऑब्सोल्यूट हो गई। एक्सटर्नल एविडेंसेस देख रहे हैं, एक उस प्रोडक्ट का मार्केट वैल्यू बहुत सिग्निफिकेंटली गिर गया, तो आप सीए बने, आप बोले मैं लेटेस्ट लैपटॉप खरीदूंगा, अभी कौन सा जनरेशन चल रहा है, अभी कौन सा जनरेशन चल रहा है लैपटॉप्स में? 12th जनरेशन ठीक है। अरे i7 चल रहा है वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपको सर, i7 चल रहा है, 12th जनरेशन चल रहा है। तो i3 i5 i7 में भी जनरेशन आते हैं ठीक है ना, यहाँ तक के पता होगा। राघव जी पढ़ाई छोड़ के सब टाइम पास करते हैं, तो 12th जनरेशन का लैपटॉप चल रहा है और आप एकदम लेटेस्ट 12th जनरेशन खरीद के लेके आए, एकदम 80,000 रुपये दिए, बोले मेरे को लेटेस्ट चाहिए, एकदम i7 चाहिए, लीगल विंडोज चाहिए, लीगल माइक्रोसॉफ्ट चाहिए, उसके अंदर में सब कुछ लीगल रहना चाहिए, लेटेस्ट 80,000 रुपये का लेके आ गए, और अगले ही दिन 13th जनरेशन डिक्लेयर हो गया,
13th जनरेशन, और वही जो आपने 80,000 रुपये में खरीदा वो अब 60,000 रुपये में अवेलेबल है. सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन मार्केट वैल्यू. तो हो सकता है कि आपका लैपटॉप इम्पेयर हो गया होगा. आपको क्या लगता है, आपका लैपटॉप इम्पेयर हुआ है क्या? देखो सिचुएशन तो बन गई कि लैपटॉप इम्पेयर हुआ है, पर आपको क्या लगता है लैपटॉप इम्पेयर हुआ क्या? राघव जी ने बोला नहीं, अरुणा जी ने बोला हाँ, ऋषभ जी ने बोला नहीं, नहीं सर नहीं हुआ होगा. ये जो लोग हाँ बोल रहे हैं ना, अरे आप क्या ही कर लोगे, वो लैपटॉप में वही एक्सेल यूज़ करना है आपको, वही टैली यूज़ करना है, वही वर्ड यूज़ करना है. उसमें ज़्यादा ज़्यादा विनमैन डाल दोगे या ऐसा ही कोई स्पेक्ट्रम वेक्ट्रम सॉफ्टवेयर डाल दोगे. मतलब आपके जीवन से 7th जनरेशन, यानी मेरे पास तो अभी शायद 3rd जनरेशन है, मैं 3rd जनरेशन अभी तक के यूज़ कर रहा हूँ, 12th जनरेशन से क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा? तो आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप समझ रहे हो? एक बार का फील हुआ कि अरे यार 60,000 आ गया, ठीक है, पर आपको क्या फ़र्क पड़ना है, समझे? आपके जीवन का एक सत्य बताता हूँ. सीए बन जाओगे, उसके बाद ना कम से कम 1 साल तक ऐसा रात को बुरा सपना आएगा कि रिजल्ट आया और रिजल्ट में लिखा है फेल, और आप एकदम से रात को जाग जाओगे, अरे बोले फेल हो गया, याद है अरे अपन तो सीए बन गया यार, है ना? ये सब होने वाला है आप लोगों के साथ में, तो तैयारी रखो. वैसे ही लैपटॉप की कहानी है, मार्केट वैल्यू डिक्लाइन होने से कुछ नहीं होता, ठीक है? चलो बी, एडवर्स अफेक्ट इन टेक्नोलॉजिकल मार्केट्स. ठीक है, मार्केट में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, तो इसीलिए मे बी आपका जो सिस्टम है वो इम्पेयर हो गया होगा, मे बी. ठीक है, इंटरेस्ट रेट हाइक्स. इंटरेस्ट रेट हाइक के कारण क्या होता है, जो वैल्यू इन यूज़ आप निकाल रहे हैं, वो जो प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे थे, जो रेट से निकाल रहे थे, वो चेंज हो गया ना बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक. ठीक है, तो अभी फेड ने और 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया था आई थिंक, तो अब आरबीआई भी कुछ ना कुछ रिएक्ट तो करेगा. तो ये जो उन लोगों ने रेट हाइक्स किए हैं उसके कारण आपका मार्केट रेट बढ़ गया, तो हो सकता है पीवी कमाएगा, पीवी कमाएगा तो हो सकता है एसेट इंपेयर हो गया होगा. दिस इज जस्ट अ टेस्टिंग पॉइंट, जरूरी नहीं है कि एसेट इंपेयर हो गया होगा. ठीक है सर, मेरे को तो अभी अभी स्कूल के मैथ्स के सपने आते हैं, बताओ. कैरिंग अमाउंट ऑफ द नेट एसेट ऑफ द एंटिटी इज मोर देन मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये पॉइंट के बाद में बताऊंगा मैं आप लोगों को. तो क्या होता है, कभी कभी कैरिंग अमाउंट ऑफ द नेट एसेट्स, कैरिंग अमाउंट ऑफ द नेट एसेट्स, आप लोगों ने ऐसी कंपनीज के नाम सुने होंगे जिनकी बुक वैल्यू से मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, यानी वो बुक वैल्यू इज मोर और मार्केट प्राइस कम है, पढ़ा होगा देखा होगा कोई ना कोई कंपनी, पता भी होगा जो लोग शेयर ट्रेडिंग करते हैं. क्या बात कर रहे हो, नहीं पता है? अरे बाप रे. एक कंपनी जहां तक मेरे को याद है, एकदम मैं श्योर नहीं हूं, वो है बीसीजी. ठीक है ना, बीसीजी का बुक वैल्यू इज मोर देन उसका जो प्राइस चल रहा है. ठीक है, और भी ऐसी गवर्नमेंट की तो बहुत कंपनीज है, गवर्नमेंट की तो बहुत सारी कंपनीज है. एक बीच में ऑयल कर, ओआईएल करके एक जन का ये है एनएससी कोड, उनका भी था, अभी नहीं पता मेरे को प्रेजेंटली. और भी ऐसी 4-5 गवर्नमेंट की, तो आप मैक्सिमम कंपनीज को उठा के देखो, बुक वैल्यू मोर मिलेगा और मार्केट वैल्यू कम मिलेगा. आई थिंक नहीं, कॉस्मो फर्स्ट नहीं है, मेरे को लग रहा था बीच में कॉस्मो फर्स्ट भी है, कॉस्मो फर्स्ट नहीं आती है उसमें. ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिनका बुक वैल्यू इज मोर, यानी बुक के अंदर एसेट वैल्यू देखेंगे तो ज़्यादा है, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन में मार्केट के सारे शेयर्स खरीद लूँ तो जो वैल्यू बन रहा है ना वो उससे कम बन रहा है. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ टेस्ट ऑफ इंपेयरमेंट, कि भाई इंपेयरमेंट टेस्ट कर लो, ऐसी कंपनीज को तो इंपेयरमेंट टेस्ट करना चाहिए. ठीक है, तो ये बस कंडीशंस बनती है कि हाँ इंपेयरमेंट टेस्ट में भी करना है, ज़रूरी नहीं है कि एसेट इंपेयर हुए होंगे. ठीक है, कैसे प्रूडेंस फॉलो नहीं करते हैं, मतलब प्रूडेंस फॉलो नहीं करते इन द सेंस, शिवांगी जी प्रूडेंस तो फॉलो कर ही रहे ना यहाँ पे. सर क्या ये एक्सटर्नल इंटरनल कंडीशंस कभी पूछते हैं? तो आज तक पूछे नहीं, ओल्ड कोर्स में तो भी एक बार पूछ चुके हैं, न्यू में अभी तक नहीं पूछे, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि इससे रिलेटेड आपको कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा. वैसे भी थियरी पे, एफआर में थियरी पे इंस्टीट्यूट का फोकस बहुत कम है, थियरी पूछना है तो वो लोग 115 या 37 से ही पूछते हैं मोस्टली. चलो तो ये सिर्फ इंडिकेटर्स हैं इम्पेमेंट के. तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं कुछ वैल्यू इन यूज़ वगैरह पे. मैं एक ज़माने में मैथ्स की बात निकली थी, मैं एक ज़माने में सीए फाउंडेशन मैथ्स पढ़ाता था, नहीं तो भी 5 साल पढ़ाया मैंने, खूब मस्ती करते थे क्लास के बच्चे, दिन भर बस क्लास में मस्ती होती थी और मस्ती मस्ती में मैथ्स पढ़ भी लेते थे, दे वर गुड ओल्ड डेज. फिर मैं सीए फाइनल पढ़ाना शुरू कर दिया. फेयर वैल्यू इनकरेक्ट इज वायोलेशन ऑफ प्रूडेंस ना, फेयर
फेयर वैल्यू इनकरेक्ट होगी तो वायलेशन ऑफ प्रूडेंस है ना, पर फेयर वैल्यू इनकरेक्ट है ऐसा किसने कहा आपको शिवांगी जी, है ना? चल तो अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने देखा हायर ऑफ होता है रिकवरेबल अमाउंट, वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। आपको एक इलस्ट्रेशन दिया है, एक बिल्डिंग है जिसका कैरिंग अमाउंट है 300 लाख, वैल्यू इन यूज है 250 लाख, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है 238 लाख। तो रिकवरेबल अमाउंट कितना हुआ पहले तो ये बताओ, रिकवरेबल अमाउंट कितना हुआ? वैल्यू इन यूज दिया है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दिया हुआ है, तो 250, विच एवर इज हायर राघव जी, विच एवर इज हायर, नॉट विच एवर इज लोअर, ठीक है, विच एवर इज हायर। तो वैल्यू इन यूज ज़्यादा है 250, तो 250 को कंपेयर कर रहे हैं कैरिंग अमाउंट से, तो कैरिंग अमाउंट से तो कम ही है रिकवरेबल अमाउंट, कितने का इंपेमेंट है 50। शाबाश, तो पहला एकदम बेबी क्वेश्चन, फिर आएंगे कुछ वैल्यू इन यूज डिटरमाइन करने के क्वेश्चन। सर वैल्यू इन यूज कैसे डिटरमाइन करते हैं? जो भी कैश फ्लोज दिए रहेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू, सर प्रेजेंट वैल्यू क्या रेट से लेंगे? वो एसेट रिलेटेड कॉस्ट होगा, उस एसेट को जो कॉस्ट एप्लीकेबल होना चाहिए, डिस्काउंट रेट, एसेट रिलेटेड रेट। जैसे अगर आज आप कार लेने जाते हैं तो आपको कार के लिए जो रेट लगता है वो 9 से 8.5 से 9.5% के बीच में लगाते हैं वो लोग। वहीं पे अगर आप बाइक लेने गए टू व्हीलर तो 10 से 11% के बीच में लगता है। अब कुछ कंपनी सेल्फ फाइनेंस करती है वो कहानी अलग है, जावा कंपनी 5% पे दे रही है, पर नॉर्मली आप लेने गए तो 11 से 12% का रेट लगता है, ठीक है। चल एसेट स्पेसिफिक रेट की बात हो रही है, यहाँ हम जो डिस्काउंट रेट यूज़ कर रहे हैं वो प्री टैक्स है, नॉट पोस्ट टैक्स, प्री टैक्स, ठीक है। सर ऐसा क्यों कि प्री टैक्स क्यों यूज़ हो रहा है? बिकॉज इम्पेयरमेंट इज प्री टैक्स, इम्पेयरमेंट एक्सपेंस प्री टैक्स है, इसलिए उसका डिस्काउंट रेट भी प्री टैक्स है, ठीक है, यहाँ तक के ध्यान में रखना। तो अब हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं, इलस्ट्रेशन टू। सैटर्न इज रिव्यूइंग वन ऑफ द बिजनेस सेगमेंट्स फॉर इम्पेयरमेंट, द कैरिंग वैल्यू ऑफ द नेट एसेट इज 40 मिलियन, मैनेजमेंट हैज प्रोड्यूस्ड टू कंप्यूटेशंस फॉर वैल्यू इन यूज, ठीक है, दो कंप्यूटेशंस है वैल्यू इन यूज के। ये डिस्कशन हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद करेंगे, मैं चाहता हूँ आप सेल्फ जजमेंट लगाएं और कुछ नहीं। एक वैल्यू है 36 मिलियन विच एक्सक्लूड्स द बेनिफिट टू बी डिराइव फ्रॉम फ्यूचर रीऑर्गेनाइजेशन। वो बोलता है कि आज की डेट में जो सिचुएशन है उसके हिसाब से 36 मिलियन का कैश फ्लो होगा। सेकेंड है 44 मिलियन विच इंक्लूड्स बेनिफिट्स टू बी डिराइव फ्रॉम फ्यूचर रीऑर्गेनाइजेशन। वो बोलता है अगर हम फ्यूचर में कोई रीऑर्गेनाइजेशन करते हैं, यानी एसेट की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कुछ करते हैं, उसके साथ कोई और मशीन जोड़ते हैं फ्यूचर में, तो जो कैश फ्लो आएगा वो 44 मिलियन है। मतलब और हमारा बजट दिखा रहा है कि हम ऐसा कुछ खर्चा करेंगे, आप बजट्स बनाते हैं ना उसमें आप ऐसा दिखा रहे हैं कि हम ऐसा फ्यूचर में खर्चा करेंगे एसेट के एक्सपेंशन के पीछे। तो अभी हम जब इंपेयरमेंट टेस्ट कर रहे हैं तो हमें 36 कंसिडर करना चाहिए या 44, ठीक है? तो ये आपका सेल्फ जजमेंट है, ठीक है, कुछ लोगों ने तो पढ़ रखा होगा इंडिया 36, ये आपका सेल्फ जजमेंट है, मैंने नहीं बताया। तो सेल्फ जजमेंट को सेल्फ इंस्टिंक्ट पे ही याद रखना है, ऐसा कॉन्सेप्ट अलग से कुछ पढ़ा मत करो, ठीक है ना। अगर फ्यूचर रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे तो वो वैल्यू कंसिडर नहीं करना है क्योंकि ये फिलहाल कमिटेड नहीं है। कमिटेड रहे तो बात अलग है, कमिटेड नहीं है तो ऐसी चीज़ों को नहीं लेना है जब आप वैल्यू इन यूज डिटरमाइन कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड ये बोलता है, आपको वैसे भी ये बात पता है, ठीक है। चल तो आगे बढ़ रहे हैं, 36 से कंपेयर किया आपने, 4 का इंपेयरमेंट लॉस हो गया। फॉरेन करेंसी वाला एंड में पढ़ेंगे, ध्यान में रखेंगे, डिस्काउंट रेट प्री टैक्स रहता है। फाइनली हम लोग आ गए प्रेजेंट वैल्यू पे, बहुत दिनों से आप लोगों ने पीवी नहीं निकाला है, तो फाइनली वी आर एट इलस्ट्रेशन 3। आपको एक एसेट दिया है जिसका डिस्काउंट रेट 15% है, 1, 2, 3, 4, 5 साल का वैल्यू दिया और एंड का रेसिडुअल वैल्यू भी दिया हुआ है। एसेट खरीदा था 1 अप्रैल 2001 को, खरीदा था 20,000 लाख में, इसकी लाइफ थी 8 ईयर्स, ठीक है। रेसिडुअल वैल्यू है 500, रेसिडुअल वैल्यू है 500। तो सबसे पहला सवाल, मेरे को कैरिंग अमाउंट बताओ एसेट का, कब बताना है? 31 मार्च 2004 पे। कैरिंग अमाउंट बताओ एसेट का, कैरिंग अमाउंट, तो ऋषभ जी का आ गया, कंचन जी का आ गया, राघव जी आपका आंसर गलत है। किशन जी,
तो 20,000 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3, ये अभी तक का डिप्रिसिएशन है, इसको 20,000 से माइनस करना है। ठीक है, तो किशन जी गड़बड़ कर गए, आई थिंक आपने 4 ईयर्स ले लिया। चलो, अब आपको कैश फ्लो दिया, उसका पीवी निकालना था, तो वो निकाला है राघव जी ने 9,510। आई होप बाकियों को भी सेम आ रहा है। ठीक है, तो कैरिंग अमाउंट आ गया 12,687.5, वैल्यू इन यूज आ गया 9,510, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 10,000 दिया हुआ है। ठीक है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल या कॉस्ट टू सेल 10,000 दिया हुआ है, तो रिकवरेबल अमाउंट कितना हुआ, तो रिकवरेबल अमाउंट कितना हुआ, 10,000। रिकवरेबल अमाउंट 10,000 हुआ, तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना है, इम्पेयरमेंट लॉस कितना है, 2,687.5। शाबाश, टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे। पहला कैरिंग अमाउंट बताओ, दूसरा वैल्यू इन यूज, तीसरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, चौथा रिकवरेबल अमाउंट, पांचवा इम्पेयरमेंट लॉस, सॉरी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल तो दिया हुआ था, तो 4 हुए रिकवरेबल अमाउंट, इम्पेयरमेंट लॉस, पांचवा आएगा सब्सिक्वेंट फ्यूचर ईयर्स डेप्रिसिएशन, लास्ट फ्यूचर ईयर्स डेप्रिसिएशन। सर क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ मार्क नहीं भी करेंगे तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेल्फ सॉल्वेबल है, मतलब बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। फ्यूचर डेप्रिसिएशन निकालिए, फ्यूचर डेप्रिसिएशन कितना होगा, बस राघव जी यही गलती एग्जाम में होने वाली है। वेरी गुड कंचन जी, अजीम जी यही गलती एग्जाम में होने वाली है। अजीम जी मैं यही गलतियों के लिए आपको बोल रहा हूँ कि आप कॉशियस हो जाओ, ऐसी गड़बड़ आप करते हो। 1900 रेसिडुअल वैल्यू आप लोग भूल गए माइनस करना, जिन्होंने 2,000 निकाला था। ठीक है, एग्जाम में यही होने वाला है। चलो कोई नहीं, तो इम्पेयरमेंट लॉस को पीएल में डालना है, अगर रिवैल सरप्लस अवेलेबल है तो रिवैल सरप्लस में डालना है। कम डाउन टू पेज नंबर 7.290। किसी को भी कोई दिक्कत थी पिछले क्वेश्चन में तो बताना। अनिकेत जी स्पीड ठीक है, शिवांगी जी जम रहा है, आपके आंसर नहीं आ रहे, शिवांगी जी कब क्लास से भाग जाते पता भी नहीं चलता है। जुपिटर लिमिटेड अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टील हैविंग अ फर्नेस विच इज कैरीड इन द बैलेंस शीट एट 250 लाख, वॉज ऑन दैट डेट द वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू इज 200, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इज 13 लाख, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इज 13 लाख, वैल्यू इन यूज कितना है और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितना है, बताओ वैल्यू इन यूज कितना है और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितना है। तो ऋषभ जी 187 क्या है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 187 है, वैल्यू इन यूज 200 ही रहेगा। वेरी गुड, तो विच एवर इज हायर, रिकवरेबल अमाउंट बन गया, शानदार बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन के लिए अभी आप लोग प्रिपेयर्ड नहीं है, इलस्ट्रेशन 5 तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, डेफर्ड टैक्स से रिलेटेड है। अरे यार मेरे को एक क्वेश्चन कराना था रिवैल सरप्लस वाला, रिवैल सरप्लस वाला क्वेश्चन आया ही नहीं। चलो क्वेश्चन बैंक में देखते हैं एक बार, वहाँ पे है क्या। यही वाला क्वेश्चन आया थी, पेज नंबर 237 पे ही, कंपाइलर पेज नंबर 237। पीक्यूआर लिमिटेड इज अ कंपनी विच हैज़ परफॉर्म वेल इन द पास्ट, बट वन ऑफ द मेजर एसेट्स एंड आइटम ऑफ इक्विपमेंट सफर्ड अ सिग्निफिकेंट एंड अनएक्सपेक्टेड डेटेरिएशन इन परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स टू यूज द मशीन फॉर फर्दर 4 ईयर्स आफ्टर 31 मार्च 2020, बट एट अ रिड्यूस लेवल। द इक्विपमेंट विल बी स्क्रैप्ड आफ्टर 4 ईयर्स। द फाइनेंशियल अकाउंटेंट हैज़ प्रोड्यूस अ कैश फ्लो फॉर द इक्विपमेंट फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स, यानी वैल्यू इन यूज निकालने बोल रहा है आपको, रेंजिंग फ्रॉम ऑप्टिमिस्ट टू पेसिमिस्ट। सी एफ ओ ने कुछ कुछ डेटा दिया है, जाने दो, आपके 4 साल का कैश फ्लो दिया हुआ है, आप 4 साल के कैश फ्लो पे फोकस करो। द अबव कैश फ्लो शुड बी अज्यूम्ड टू अकर ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच ईयर, प्री टैक्स डिस्काउंट रेट 9%,
द मशीन कुड हैव बीन सोल्ड ऑन 31 मार्च 2020 आज 6 लाख पे और सेलिंग प्राइस 96,000 सेलिंग कॉस्ट सेलिंग एक्सपेंस. द मशीन वॉज रिवैल्यूड प्रीवियसली. यहाँ तक कि अब मैं आगे बाद में पढ़ूंगा, पहले यहाँ तक वैल्यू इन यूज निकाल लो, यहाँ तक वैल्यू इन यूज निकाल लो. कैरिंग अमाउंट नहीं दिया ना इन्होंने, कमाल करते हैं. 588236 या 235, ठीक है. फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, पांच लाख चार हजार, तो विच एवर इज हायर हम फेयर वैल्यू वैल्यू इन यूज ले लेंगे. द मशीन वॉज रिवैल्यूड प्रीवियसली ऑन 31 मार्च 2020 एंड एन अमाउंट ऑफ 36,000 वॉज हेल्ड अंडर रिवैल्यूएशन सरप्लस. द कैरिंग अमाउंट इज 6,60,000, कैरिंग अमाउंट 6,60,000, रिवैल्यूएशन सरप्लस 36,000. फाइनली बताइए इंपेयरमेंट लॉस कितना है. सेवन वन सेवन सिक्स फोर. तो कितना इंपेयरमेंट लॉस पीएल में जाएगा बोलो, पूरा डाल दूं, पूरा डाल दूं. थ्री फाइव सेवन सिक्स फोर. शाबाश, ठीक है. आरटीपी मई 20 में आया था, उसके बाद एमटीपी अक्टूबर 20 में भी आया था. बहुत बढ़िया, समझ गए आप लोग. पेज नंबर 235 पे आइए, पेज नंबर 235. अ मशीन इज अक्वायर्ड 15 ईयर्स एगो, 15 साल पहले लिया था, फॉर 20 करोड़ रुपीज. अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल 31 मार्च 2018 वॉज 16.6 करोड़. डेप्रिसिएशन एस्टिमेटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 इज 1 करोड़ रुपीज. एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑन 31 मार्च 2018 इज 1.2 करोड़ रुपीज. वॉट इज द एक्स वॉट विच इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाई 20% बाई द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. बड़ा अजीब डेटा दे रहे हैं, मतलब आप देखें तो 2 साल का डेटा दे रहा हो, आने वाले साल का डिप्रिसिएशन 1 करोड़ है, अभी तक का डिप्रिसिएशन 16.6 करोड़ है, ठीक है. तो एक काम करते हैं, इसको टैबुलेट कर देते हैं. ग्रॉस ब्लॉक 20 करोड़, अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन जो कि आपको दिया हुआ है 16.6, तो 3.4 का नेट ब्लॉक है 31 मार्च 2018 का. फिर नेक्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन वो बोल रहा है एस्टिमेटेड है 1 करोड़, तो 31 मार्च 2019 का हो गया 2.4. चलो फिर वो बोलता है 1.2 करोड़ एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है, जिसमें 20% का डिक्लाइन रहेगा. एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 31 मार्च 2018 का 1.2 और 31 मार्च 2019 का 0.96 वैल्यू इन यूज थोड़ी है. चलो फिर वो बोलता है वैल्यू इन यूज है 1.4 करोड़ 31 मार्च 2018 का. वैल्यू इन यूज 31 मार्च 2018 का 1.4 है, वो बोलता है विच इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाय 30%. तो 31 मार्च 2019 का कितना हुआ बोलो, 0.98. शानदार. व्हाट शुड बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ द मशीन ऑन 31 मार्च 2019. 31 मार्च 2019 को कैरिंग अमाउंट क्या होना चाहिए? तो पहला तो ये पूरा डेटा देख के अपने को ये समझ में नहीं आता कि यार मेरे को इंपेयर कब करना है, 31 मार्च 2018 को करना है कि 31 मार्च 2019 को. आप समझ रहे हैं कंफ्यूजन, तुमने 18 का भी डेटा दे दिया, तुमने 19 का भी डेटा दे दिया, मेरे को 18 में इंपेयरमेंट दिख रहा है. तो और तुम बोलते हो बताओ कैरिंग अमाउंट 1 अप्रैल 2019 को क्या होगा, यानी 31 मार्च 2019 के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो. तो इंपेयर कब करूं, 18 में करूं कि 19 में करूं? तो जब भी ध्यान में रहे ऐसा क्वेश्चन आया तो 19 में ही इंपेयर करना, ऐसा क्वेश्चन आया तो 19 में ही इंपेयर करना, ठीक है. तरीका गलत है मैं मानता हूं, पर वही वो चाहते हैं,
ठीक है, क्योंकि नहीं तो आपका रिवाइज डिप्रिसिएशन कैसे निकालोगे? आपने बोला चलो मैं 18 में इंपेयर करता हूँ, तो 18 में इंपेयर कर दो, फिर डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे अगले साल का? दिक्कत समझ रहे हो? चलो तो 31 मार्च 2019 का कैरिंग अमाउंट दिया है और रिकवरेबल अमाउंट आपको पता है, इंपेमेंट लॉस बताओ। चलो फोटो, किसी को दिक्कत हुई फर्स्ट पार्ट में? क्वेश्चन में इंटरप्रिटेशन में दिक्कत हो सकती है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, इंस्टीट्यूट ने ऐसा ही क्वेश्चन फ्रेम किया है। मैं बस इतनी मदद कर सकता हूँ, बता दूं कि आप ये करना है एग्जाम में, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन आया तो मैं बता सकता हूँ, कुछ अलग आ गया अतरंगी तो फिर मैं भी नहीं, मैं क्या कर लूंगा, आपको सिचुएशन हैंडल करना है। ठीक है, दंगल मूवी तो देखी ही होगी, आमिर खान रूम में बंद हो गया नीचे, लड़ाई अब खुद ही लड़नी है, वैसी कहानी है। हाउ मच विल बी द अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19? तो कैरिंग अमाउंट कितना है? 2.4। राइट ऑफ कितना करना है इंपेमेंट लॉस? आपने बताया 1.42। इफ द मशीन हैड बीन रीवैल्यूड 10 ईयर्स अगो एंड करंट रिवैल्यूएशन सरप्लस 48 लाख अवेलेबल है, तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? तो सीधी बात है, ये जो इम्पेमेंट लॉस निकला है, ये जो इम्पेमेंट लॉस निकला है, इसमें से 48 लाख रुपीज को मैं रीवैल सरप्लस में डालूंगा, बाकी का मैं पीएल में डालूंगा। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में मेरे को कभी कभी डाउट होता है, क्योंकि उन्होंने लिखा है क्वेश्चन 1 एंड 2 दोनों बताओ। अरे तो 1 का कैरिंग अमाउंट भी उतने से बढ़ गया होगा ना, अगर मैंने रिवैल्यू किया होता तो, पास्ट में रिवैल्यू किया होता तो मेरे 1 की भी कैरिंग अमाउंट बढ़ गई होती, तो 2 में इम्पेमेंट लॉस भी बढ़ गया होता, है कि नहीं? मे बी, मतलब पढ़ने में तो ऐसे ही समझ में आ रहा है। एक बार देख लेते हैं इंस्टीट्यूट ने क्या किया, कहाँ है थर्ड पार्ट? अरे कहाँ है थर्ड पार्ट? हाँ, रिवैल्यूएशन सरप्लस में 0.48 डालेंगे और फिर 0.94 डालेंगे, तो आप लोगों का आंसर सही है, आप लोगों का आंसर सही था। आई होप आप मेरा कंफ्यूजन समझे कि क्या दिक्कत हो रही है। एग्जाम हॉल में अगर ये क्वेश्चन नया नया आता है ना, तो ऐसे कंफ्यूजन आते हैं दिमाग में। बोला अगर मशीन को मैंने रिवैल्यू किया होता 10 साल पहले और रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाया होता 48 लाख का, तो मेरा आंसर 1 का क्या होता और 2 का क्या होता? तो 1 का क्या होता क्यों पूछ रहा है? 1 का क्या होता मतलब 1 में मेरा, फिर उसके बाद आप कैरिंग अमाउंट बढ़ा रहे हो, आप ये बोलना चाह रहे हो, तो 2.4 से और 0.48 से वैल्यू बढ़ गई होती। मैं तो ये सोचता, ऐसा नहीं सोचना है इस क्वेश्चन में, ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ बस। ठीक है, तो आप लोगों ने जो आंसर निकाला वो सही था, बेसिक आंसर निकाला आपने सीधा सीधा कि हाँ जो डिफरेंस है वो पीएल में जाएगा। इफ द वैल्यू इन यूज इज जीरो, ध्यान दीजिए, इफ द वैल्यू इन यूज इज जीरो एंड कंपनी वॉज रिक्वायर्ड टू इनकर अ कॉस्ट ऑफ 8 लाख टू डिस्पोज, डिस्पोज करने के लिए 8 लाख का खर्चा लग रहा होता, ठीक है, व्हाट विल योर रिस्पॉन्स इन 1 एंड 2 बी? अब इसमें एक छोटी सी दिक्कत है, तुम ये बोल रहे हो कि वैल्यू इन यूज जीरो है, ठीक है, वैल्यू इन यूज जीरो है, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में 8 लाख रुपए का खर्चा लगेगा एंड वॉज रिक्वायर्ड टू इनकर अ कॉस्ट ऑफ 8 लाख, मतलब क्या आप ये बोल रहे हो कि बेचने का तो कुछ नहीं मिलेगा, बेचने का कुछ नहीं मिलेगा, 8 लाख का खर्चा लगेगा, या तुम ये बोल रहे हो कि जो पुराना मेरा 96 था इसमें 8 लाख रुपए का खर्चा लग जाएगा, है ना? ये तो 0.96 करोड़ है, 0.96 करोड़, तो 8 लाख का खर्चा लग जाएगा, आपको क्या सही लग रहा है? दो पॉसिबिलिटीज है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 0.96 माइनस 0.08 है, या -0.08 ही है, यानी 0 माइनस 0.08, क्या सही लग रहा है? सेकेंड वाला मेरे को भी ना यही सही लग रहा है, जिन लोगों को सेकेंड ऑप्शन सही लग रहा है ना, मेरे को भी सेकेंड ऑप्शन सही लग रहा है, पर मैं श्योर नहीं हूं। ठीक है, मैं श्योर नहीं हूं, पर इंटरप्रिटेशन तो यही निकलता है, तुमने वैल्यू इन यूज नया दे दिया, तो मैं तो यही मान रहा हूं कि सेलिंग प्राइस भी जीरो है एक तरह से, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल दे दे रहे हो तुम सीधा, तो मैं मान रहा हूँ फ्रेश है मेरे लिए, तो मेरे लिए रिकवरेबल अमाउंट जीरो है, मेरे लिए इंपेमेंट लॉस 2.4 है। देख लेते हैं एक बार इंस्टीट्यूट का आंसर क्या है। ठीक है, आपका इंटरप्रिटेशन गलत है, मैं ये नहीं बोल रहा, आपका भी इंटरप्रिटेशन सही हो सकता है ना, सेलिंग प्राइस नहीं दिया है बॉस, तो अजम्पशन गलत नहीं है आप लोगों का, पर इंस्टीट्यूट ने क्या किया हमको नहीं पता, इंस्टीट्यूट ने वही किया, ठीक है, -0.08 को ही लिया इंस्टीट्यूट ने। तो मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में कितने कन्फ्यूजन पॉसिबल है, क्वेश्चन बहुत इजी है, देखेंगे आप तो बहुत इजी है, कंफ्यूजन
कंफ्यूजन सिर्फ लैंग्वेज इंस्टीट्यूट ने गलत लिखा उसके कारण है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लैंग्वेज इशू है क्वेश्चन में, बस इतना इस क्वेश्चन के सामने लिख देना लैंग्वेज इशू, अदरवाइज क्वेश्चन इज इजी। अवेलेबल रीवैल सरप्लस का क्वेश्चन हमने कर लिया, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, पेज नंबर 239, पेज नंबर 239। ग्रेट लिमिटेड अक्वायर्ड अ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2012 फॉर 7 करोड़, एस्टिमेटेड लाइफ 7 ईयर्स, मशीन इज डेप्रिशिएटेड स्ट्रेट लाइन एंड डज नॉट हैव एनी रेसिडुअल वैल्यू। ऑन 1 अप्रैल 2016 द कैरिंग वैल्यू ऑफ द मशीन इज रीअसेस्ड एट 5.1 करोड़ एंड सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ रिवैल्युएशन बींग क्रेडिटेड टू रिवैल्युएशन रिजर्व्स, ठीक है। तो उसने आपको पहले तो बोला कि 1 अप्रैल 2012 को मशीन खरीदा था, 1 अप्रैल 2016 को आपने रीअसेस किया और 5.1 पे वैल्यू कर दिया, तो पहले तो मेरे को 1 अप्रैल 2017 तक की सिचुएशन पे लेके आओ जरा सा। 7 करोड़ डिप्रिसिएशन, 12 से 13 14 15 16, 4 साल में 4 करोड़, तो 3 करोड़ पे एसेट दिख रहा है, शाबाश। 3 करोड़ को आप 5.1 पे वैल्यू कर रहे हो, मतलब 2.1 का रिवैल्यूएशन सरप्लस, शाबाश। रिमेनिंग लाइफ 3 ईयर्स है ना, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 18, और 2 साल बाद, और 2 साल बाद, तो 2 साल और एसेट के बीत गए, 5.1 का एसेट दिख रहा था, कितना डिप्रिशिएट कर दिया बोलो। थ्री पॉइंट फोर और डिप्रिशिएट कर दिया, तो 1.7 का वैल्यू दिख रहा होगा। आगे बढ़ रहे हैं, इंडिकेटिंग इंपेयरमेंट एग्जिस्टेड एंड रिकवरेबल अमाउंट इज ओनली 79 लाख रुपीज, तो रिकवरेबल अमाउंट हो गया 79 लाख। रिवैल्यूएशन सरप्लस में ऑप्शन ऑफ ट्रांसफरिंग सरप्लस टू पीएल एक्सरसाइज किया है क्या, ये देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। पढ़ रहे हैं, कैलकुलेट द इंपेयरमेंट लॉस एंड हाउ शुड द सेम बी ट्रीटेड इन द बुक्स, शुड बी ट्रीटेड इन बुक्स, हैज फॉलोड द पॉलिसी ऑफ राइटिंग डाउन रिवैल्यूएशन सरप्लस बाय इंक्रीज चार्ट टू रिवैल्यूएशन, फॉलो कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो आपने मेरे को यहां पे बताया कि सर अब हमारा डेप्रिसिएशन 1.7 हो गया है पर एनम, ठीक, ये सबने किया था कैलकुलेट, 1.7 पर एनम हो गया है, जबकि पहले हमारा डेप्रिसिएशन 1 था, 1, तो सरप्लस डेप्रिसिएशन 0.7 है, 0.7, ठीक है ना। देखो रिकवरेबल अमाउंट 0.79 है, इंपेयरमेंट लॉस तक के तो आपने निकाल दिया, इंपेयरमेंट लॉस का प्रॉब्लम नहीं है। रिवैल सरप्लस कितना अवेलेबल है मैं वो जानना चाहता हूँ आप लोगों से। रिवैल सरप्लस पहले 2.1 था, ये एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद, 2 साल का ये सरप्लस चार्ज करने के बाद रिवैल सरप्लस में फाइनली कितना रह गया, शाबाश। 0.7 0.7 अगर मैं माइनस कर दूं तो 0.7 रह गया है, ठीक है। इम्पेमेंट लॉस आप लोगों का था 0.91, तो 0.7 रिवैल सरप्लस से एडजस्ट हो जाएगा और बचा हुआ पीएल में चला जाएगा, शाबाश। वही दिया हुआ, किसी को कोई दिक्कत यहां तक? अनिकेत जी जम रहा है, शिवांगी जी है कि भाग गए ना, आंसर आने तो बंद ही हो गए उनके। किशन जी हो, है शिवांगी जी, जैसे क्लास में नाम बोल बोल के ऐसे बिठा के रखना पड़ता है बच्चों को। किशन जी भाग गए। एक्स परचेज अ पीपी 4 ईयर्स एगो फॉर 150 लाख एंड डेप्रिशिएट्स इट एट 10% पर एनम, एट द एंड ऑफ 4th ईयर इट हैज रिवैल्यूड द एसेट टू 75 लाख एंड हैज अ रिवैल्यूएशन एंड हैज रिटर्न ऑफ द लॉस ऑन रिवैल्यूएशन टू पीएल। चलो देखते हैं, तो हमारे बुक्स में एक एसेट था 150 का जिसे 10% डेप्रिशिएट कर रहे थे, 4 साल पहले लिया था, तो एसेट बुक्स में कितने का दिख रहा होगा? सर एनहेंस्ड डेप्रिसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन इज चार्ज टू रिवैल्यूएशन सरप्लस इज चार्ज फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग। हर्षल जी इंडिया 16 की क्लास नहीं अटेंड किए थे क्या? हमने डिस्कस किया था कि एक्सेस को रिवैल सरप्लस से डेबिट करना है और रिटेन अर्निंग में क्रेडिट करना है, ठीक है।
हर्षल जी, ओके, तो 4 साल पहले लिया था 10% का डिप्रिसिएशन, आपने 60 चार्ज कर दिया अभी तक के, तो एसेट 90 का दिख रहा है। अब आपने बोला 67.5 का रिकवरेबल अमाउंट है, ठीक है, रिकवरेबल अमाउंट ही लिखा है ना, नहीं मार्केट प्राइस लिखा है, फेयर वैल्यू लिखा है, फेयर वैल्यू लिखा है। तो आपने 22.5 को पीएल में डाल दिया, ये इंड एस 16 के हिसाब से किया, 16, ठीक है ना, इम्पेमेंट नहीं था ये। हाउएवर ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, अरे एक मिनट, मैं खुद तो गलती कर रहा हूँ, 75 था, सॉरी 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 सॉरी, 75 था, एसेट 90 का दिख रहा था, मार्केट वैल्यू 75 था, तो आपने 15 को पीएल में डाल दिया एज पर इंड एस 16, ठीक है। अब आगे पढ़ो, हाउएवर ऑन दैट डेट द मार्केट प्राइस इज 67.5 एंड एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इज 3, इम्पेयरमेंट टेस्ट, इम्पेयरमेंट टेस्ट, तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना है, इम्पेयरमेंट लॉस कितना है, रिकवरेबल अमाउंट बताओ, पहले रिकवरेबल अमाउंट बताओ, एक काम करो, अरे हाँ 67.5 - 3 कर देंगे ना, 64.5, 64.5 को जो नया कैरिंग अमाउंट है 75 उससे कंपेयर करो, ठीक है। तो चलो, अरे इसका आंसर नहीं लिखा है, हमको लिखना पड़ेगा, इसका आंसर नहीं लिखा हुआ है। तो देखो, ग्रॉस ब्लॉक 150, डेप्रीसिएशन फॉर 4 ईयर्स 150 पे 10% इंटू 4 तो 90, मार्केट वैल्यू एक नीचे लिख रहा हूँ, मार्केट वैल्यू 75, तो लॉस ट्रांसफर टू पीएल एज पर इंड एस 16, 15 का लॉस, फिर हम बोल रहे हैं रिकवरेबल अमाउंट, तो आप सबने बताया 64.5, तो इम्पेयरमेंट लॉस एज पर इंड एस 36 10.5, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, चलो एक बहुत ही जबरदस्त सवाल इंस्टीट्यूट की तरफ से, पेज नंबर 241, बहुत मजा आएगा आपको, गुड ओल्ड डेज ऑफ एफएम, इंटर एफएम में बजट, बजेटरी कंट्रोल था या कैपिटल बजेटिंग करके चैप्टर था, वो याद आएगा। ईस्ट लिमिटेड ओन्स अ मशीन यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग स्टेयरिंग व्हील्स विच इज सोल्ड डायरेक्टली टू अ मेजर कार मैन्युफैक्चरर, ये क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में आया था, मैं शायद डेट लिखना भूल गया हूँ, ये एग्जाम में पूछा गया है, आई बिलीव मई 22, मैं एकदम कॉन्फिडेंटली नहीं बता रहा हूँ, पर हाँ मई 22 मोस्टली। द मशीन वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2001 एट अ कॉस्ट ऑफ 5 लाख, तो आपने एक मशीन खरीदा 5 लाख रुपए की थ्रू अ वेंडर, ऑन विच द इंटरेस्ट इज बींग चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2003, 2 साल बाद आपने 10,000 स्टेयरिंग व्हील सेल किए एट अ प्राइस ऑफ 190 पर व्हील। द मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल बजट, यानी हम बैठे हैं इस दिन 31 मार्च 2003 पर, हम बैठे हैं इस दिन, हम बात कर रहे हैं, द मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल बजट अप्रूव्ड बाई ईस्ट मैनेजमेंट कवरिंग द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल 2003 टू 31 मार्च 2008, 5 साल, इंक्लूडिंग दैट द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू सेल द स्टेयरिंग व्हील फॉर ₹200 ड्यूरिंग द ईयर 3-4, करंट ईयर में हम स्टेयरिंग व्हील को ₹200 के भाव पे बेचेंगे, ₹200 के, द प्राइस राइजिंग इन लेटर ईयर्स इन लाइन विद फोरकास्ट इन्फ्लेशन ऑफ 3% पर एनम,
3% के रेट से इंक्रीज होगा, ठीक है? चलो चलो, क्या मार्ट 21 को लेके कुछ है क्या? कोई नहीं, चलो जाने दो, अभी यहाँ पे ध्यान दो, आया है नहीं आया है वो जाने दो, यहाँ पे ध्यान दो। ये आपको वैल्यू इन यूज निकालने बोलेगा, आप एंड में देखो, अज्यूम टैक्स रेट, व्हाट इज द वैल्यू इन यूज, व्हाट इज द वैल्यू इन यूज। तो क्वेश्चन के साथ साथ अपने को टेबल बनाना शुरू करना पड़ेगा, कॉपी में साथ साथ सॉल्व करेंगे तो बड़ा मजा आएगा, ठीक है? तो आप लोग भी टेबल बनाएं, टेबल में बहुत सारा डेटा लगने वाला है। तो पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का है, उसके बाद में मैं लिख रहा हूँ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 और 2008। इस दिन सेलिंग प्राइस 200 है, ये उन्होंने बोल दिया, और हर बार सेलिंग प्राइस 3-3% से बढ़ेगा। तो आगे के सेलिंग प्राइस बताएं, आगे के सेलिंग प्राइस बताएं। सर 206, 212.18, तो हम 212 रखते हैं, हमारे लिए बेटर रहेगा। 218.54, तो मैं 219 कर रहा हूँ, और आखिरी वाला 225, शाबाश। चल, फिर उन्होंने बोला ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2004, यू एक्सपेक्ट टू सेल 10,000 व्हील्स, द नंबर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5% ईच ईयर अंटिल 2008। तो अब अगला है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है 10,000, इसके नेक्स्ट ईयर हर साल ये 5-5% से बढ़ेगा, बताओ 10,500, 11025, 11576, 12155, शाबाश। सर आप राउंड ऑफ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप समझिए, मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, फिर एक्चुअल में भी राउंड ऑफ में होना चाहिए, फिर उसके बाद पीवी निकालूंगा, तो वैसे भी अल्टीमेट आंसर में बहुत डिफरेंस नहीं रह जाएगा अगर मैं डेसिमल्स कंसिडर करूंगा तो, ठीक है? चलो, ईस्ट एस्टिमेट दैट ईच स्टेयरिंग व्हील कॉस्ट 160 रुपीज टू मैन्युफैक्चर, विच इंक्लूड्स 110 वेरिएबल कॉस्ट, 30 रुपीज फिक्स कॉस्ट एंड 20 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 1% ड्यूरिंग द ईयर 45 एंड 2% ड्यूरिंग अंटिल 31 मार्च 2008। 4-5 से, तो 3-4 में कॉस्ट एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज नहीं है, पहले 3-4 का कॉस्ट दिया हुआ है 160। अब इंस्टीट्यूट ने वेरिएबल और फिक्स को अलग अलग नहीं किया, इंस्टीट्यूट ने सिंगल कॉस्ट मान के उसी पे परसेंटेज लगा दिए। हम भी वही करेंगे, हम भी वही करेंगे, ठीक है? तो नॉर्मल कैपेसिटी वगैरह कुछ नहीं सोचने का है, सीधा सीधा कॉस्ट 160 है, क्यों दिया बाइफर्केशन पता नहीं, हमें सीधा 160 को आगे अज्यूम लेके चलना है। तो 1% बढ़ेगा अगले साल, तो 161.6, और उसके बाद हर साल 2-2% से बढ़ना शुरू हो जाएगा, 2-2% से। तो 161.6 को अपन 162 कर देते हैं, 165, 168, 171, ठीक है? चलो बढ़िया। ड्यूरिंग द ईयर 56 द मशीन इज सब्जेक्ट टू अ रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ ₹50,000। तो अब इस पे थोड़ी देर बाद आते हैं, पहले अपन निकाल लेते हैं प्रॉफिट पर यूनिट, ₹40, ₹44, अगला बताओ ₹47, ₹51, 51, और आखिरी वाला 54 है ना? ठीक है, फिर निकालेंगे प्रॉफिट, सिंपली मल्टीप्लाई करना है यूनिट से, तो 10,000, 4 लाख। फिर अगला बताओ, 4,62,000, 518,175, 656,370, 356, ये भगवान, 5,90,000,
376। बहुत तेज हो रहे हो। चलो यहाँ पे ध्यान दो, अब कुछ खर्चा हुआ मेंटेनेंस का 50,000 रुपये, 56 में, फिर उन्होंने बोला 3-4 एक्सपेक्ट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी कॉस्टिंग 1 लाख रुपीज टू इन्वेस्ट इन न्यू टेक्नोलॉजी। ये लेना है क्या? ये लेना है 3-4 का? नहीं, इसको इग्नोर करेंगे। अब आप डेप्रिशिएट कर रहे थे स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर द 10 ईयर पीरियड। द करंट एस्टिमेट ऑन डिस्पोजल, द करंट एस्टिमेट ऑफ द डिस्पोजल प्रोसीड फ्रॉम सेलिंग द मशीन इज 80,000 लेस कॉस्ट, नेट ऑफ कॉस्ट। द एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू डिस्पोज द मशीन एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2008। ये क्या बोल रहा है? ईस्ट इज डेप्रिशिएटिंग द मशीन ओवर 10 ईयर पीरियड। द करंट एस्टिमेट बेस्ड ऑन सिमिलर एसेट दैट हैज रीच द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ द डिस्पोजल प्रोसीड फ्रॉम सेलिंग द मशीन इज 80,000 नेट ऑफ डिस्पोजल कॉस्ट। ईस्ट एक्सपेक्ट्स टू डिस्पोज द मशीन एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2008। तो ये कब का है? ये 2004 का वैल्यू दे रहा है 80,000 की, 2008 का दे रहा है? दो हजार आठ का, ठीक है। तो मैं मेंटेनेंस और डिस्पोजल वैल्यू दोनों ले ले रहा हूँ, यहाँ हम माइनस कर रहे हैं और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, नीचे वाले में हम ऐड कर देंगे 80,000 रुपये। चलो तो अब नेट निकल जा रहा है 4,62,000, 4,68,175, 5,90,376, और आखिरी वाला हो रहा है 6,7,36,370। ठीक है, आखिरी वाले में ऐड करना था राघव जी, बस यही तो गलती करोगे एग्जाम में। चल अब उन्होंने आपको टैक्स रेट दिया 30%, टैक्स रेट को यूज नहीं करना है। हम प्री टैक्स लेते हैं तो टैक्स रेट अज्यूम नहीं करना, इग्नोर करना है टैक्स रेट को, ध्यान रखना एग्जाम में। प्री टैक्स रेट 8% है, 8% से सॉल्व करना है। सर इसको समझ के पढ़ने में ही 10 मिनट लग जाएंगे, फर्स्ट टाइम देखा तो सॉल्व कब करेंगे, कितने मार्क्स का है ये क्वेश्चन? आएगा 8 से 12 मार्क्स का अनिकेत जी, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, जब भी आप लोगों को इतना बड़ा क्वेश्चन आता है ना तो सॉल्व करना शुरू कर दिया कीजिए, पहले लास्ट लाइन पढ़ना। कभी भी बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है ना, कभी भी लास्ट लाइन पढ़ना क्या चाहिए? बोलता वैल्यू इन यूज चाहिए, तो कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है और आएगा तो यही आएगा वर्ड टू वर्ड, मतलब इसमें क्या ही बदल देंगे, फिगर्स बदल देंगे ज़्यादा ज़्यादा, बाकी यही क्वेश्चन पूछ लेंगे आप लोगों को, ठीक है। जब भी इतने बड़े क्वेश्चन आते हैं ना तो फर्स्ट रीडिंग के साथ ही सॉल्व करना शुरू कर दिया कीजिए। मैं तो हमेशा हर स्टूडेंट को यही बोलता हूँ, फर्स्ट रीडिंग से पहले लास्ट लाइन पढ़ लो क्या ढूंढना है, फर्स्ट रीडिंग से शुरू कर दिया करो सॉल्व करना। अब इसके आगे तो यार पीवी निकालना है, पीवी आप लोग निकाल लेंगे, पीवी के आप एक्सपर्ट है, पीवी मैं नहीं निकाल रहा। हम वैल्यूज देख लें, 4,460, 468, 175 मैच हो गया अपना, 590, 376 वो भी मैच हो गया अपना, 736, 370 तो इंस्टीट्यूट ने भी राउंड ऑफ किया था जैसे हमने राउंड ऑफ किया, तो यहाँ तक के पूरा मैच हो गया अपना, बाकी पीवी आप लोग निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर 80,000 ऐड क्यों हुआ? डिस्पोजल वैल्यू है राघव जी, बेच के पैसा मिलेगा, खर्चा नहीं है जेब का, ठीक है। चल तो अभी तक हमने टाइम पास किया, अभी तक अपन ने कुछ पढ़ा ही नहीं, इंपेयरमेंट इंपेयरमेंट यहाँ तक के तो आप लोगों को आता था, मैथमेटिकली हम सॉल्व कर रहे थे। अब हम लोग कुछ एक नया पढ़ना शुरू कर रहे हैं, कंसेप्ट है कैश जेनरेटिंग यूनिट का, ठीक है, और उसके अंदर में गुडविल का इम्पैक्ट। तो सर ये सीजीयू क्या होता है? सीजीयू, सीजीयू आर मिनिमम नंबर ऑफ एसेट्स दैट कैन बी हेल्ड टुगेदर एंड कैन इंडिपेंडेंटली जेनरेट कैश फ्लो। ये लो, सर कंसोल कब स्टार्ट करेंगे ये बताओ सर, ये सब टाइम पास बंद करो अभी। आई थिंक अभी हमारा सिर्फ 105 और 41 बचा है, तो कल कल का दिन और पकड़ लीजिए या परसों का दिन और पकड़ लीजिए, उतना चलेगा, उसके बाद शुरू हो जाएगा। कल या परसों तक एसेट बेस स्टैंडर्ड खत्म हो जाएंगे, मैक्सिमम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ परसों से शुरू ही हो जाना चाहिए कंसोलिडेशन, ठीक है। परसों ट्यूसडे नहीं, वेडनेसडे ही पकड़िए, ट्यूसडे हमारी क्लास का टाइम वैसे भी कम रहेगा तो वेडनेसडे पकड़िए आप लोग। चलो तो कैश जनरेटिंग यूनिट क्या होता है, समझ रहे हैं आप? सीए बन गए और तीन दोस्त सीए बने, तीन दोस्तों ने बोला चलो साथ में प्रैक्टिस शुरू करेंगे, तो एक ऑफिस की जगह खरीदी,
ऑफिस को कुछ इस तरीके से बांट दिया, ठीक है, ये पर्सन वन का, ये पर्सन टू और ये पर्सन थ्री, और यहाँ बिठाएंगे सेक्रेटरी प्लस आर्टिकल्स, ठीक है, सब लोग यहाँ बैठेंगे, ये आप लोगों का एंट्री पॉइंट है। तो आपने ये पूरा का पूरा ऑफिस बनाया, ऑफिस के अंदर में तीन लोगों के चेंबर है, क्लाइंट्स आ रहे हैं, क्लाइंट कॉमन है, पहले बंदे ने डिसाइड किया कि मैं ना जीएसटी का पूरा काम देखूंगा, दूसरे ने डिसाइड किया मैं पूरा इनकम टैक्स का काम देखूंगा, और तीसरे वाले ने डिसाइड किया कि मैं पूरा फाइनेंस का काम देखूंगा, ठीक है। तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के अंदर घुस गए तीनों के तीनों उठ के, और तीन अलग अलग स्पेशलाइजेशन के साथ में अपना खुद का ऑफिस बना दिया। क्लाइंट आता है पहले जीएसटी के काम के लिए, पहले पर्सन बंदे से मिलता है, फिर इनकम टैक्स के काम के लिए दूसरे बंदे से मिलता है, फिर जैसे ही उसको लोन चाहिए वो तीसरे बंदे से मिलता है, फिर फाइनली अपने घर जाता है। तो क्लाइंट को चाहिए सब सर्विस एक ही जगह, क्लाइंट्स को एक ही, ऐसा नहीं कि हर एक के लिए अलग अलग जगह भाग रहा है, नहीं, क्लाइंट को सारी सर्विस चाहिए एक ही जगह, यानी क्लाइंट इसीलिए आपके पास आ रहा है क्योंकि आपके यहाँ तीनों सर्विसेज हैं। ओके, अब मेरे को एक बात बताइए, अगर मेरे को ये जानना है कि ये जो ऑफिस है, ऑफिस में लगा हुआ एसी है, पंखा है, डेस्क बेंच है, क्या मैं हर एक जन, हर एक एसेट का वैल्यू इन यूज, इंडिपेंडेंटली उसके लिए कैश फ्लो चाहिए, वो एसेट से क्या कैश जनरेट कर रहे हैं ये बता सकते हैं क्या? यानी क्लाइंट आया 10,000 रुपये दिया, बता सकते हैं 10,000 में से 2,000 तो एसी लगाया इसलिए दिया उसने, 300 रुपये इसलिए दिया कि पंखा लगा हुआ है, हाँ बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, जाहिर सी बात है, पॉसिबल ही नहीं है। यानी ये एसेट एज अ होल कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, ये पंखा, ये एसी, ये फ्रिज, अगर फ्रिज तो क्या ही लगाओगे आप लोग, फ्रिज का क्या काम आप लोगों को वहाँ पे, ठीक है, फैन, डेस्क बेंच यानी टेबल, कुर्सी, जो भी कुछ आप लगा रहे हैं, ये सबके सब मिलके कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं। तो ये मिनिमम नंबर ऑफ एसेट्स बन जाते हैं जो कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं, मतलब इनका इम्पेमेंट इंडिपेंडेंट एसेट वाइज नहीं हो सकता, ये सब एसेट्स का मिलके ही होगा, ये सब एसेट्स का मिलके ही होगा, क्लियर है सब लोगों को? तो ऐसे मिनिमम नंबर ऑफ एसेट्स को बोलते हैं कैश जनरेटिंग यूनिट। सर एक छोटा फ्रिज तो लगाएंगे ही ना, चाइल्ड के लिए, चाइल्ड के लिए मतलब कौन से चाइल्ड के लिए, चिल्ड के लिए, मैं आपकी मंशा समझ रहा हूँ राघव जी, बहुत गलत आदत होती है ये जो आदत आप लगा के बैठे ना, बहुत बुरी आदत है वो, जो आपको चिल्ड पीना है, छोड़ दो ये आदत, चलो चलो ध्यान दो। सपोज करो कि आपने बोला नहीं यार ट्रेडिशनल प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मॉडर्न प्रैक्टिस करेंगे, तो एक बोला मैं ना सब्सिडी का काम करूंगा, एक बोला मैं ना इंड एस का काम करूंगा, और एक जन ने बोला कि मैं इंटरनल ऑडिट्स संभालूंगा। अब आप बोलोगे सर इंटरनल ऑडिट तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, आज की डेट में स्पेशलाइजेशन हो गया इंटरनल ऑडिट्स कि आप एक दो या तीन क्लाइंट पकड़ लेते हो, आप उससे ज़्यादा का काम ही नहीं करते हो, तो इंटरनल ऑडिट एक तरह से स्पेशलाइजेशन में आ चुका है, और यहाँ बैठेंगे सेक्रेटरी प्लस आर्टिकल्स, हाँ ठीक है, फॉरेंसिक भी डाल सकते थे, बात तो सही है, ठीक है, तो चलो यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। अब ये जो पर्सन वन है इसने अपने यहाँ पे फ्रिज भी लगा के रखा है चिल्ड पीने के लिए, चलो कोई नहीं उसका कुछ काम नहीं है ऐसे ही। तो अब मेरे को बताओ हर एक जन के क्लाइंट तो इंडिपेंडेंट है, सब्सिडी वाले के अपने इंडिपेंडेंट क्लाइंट है, इंडियस वाले के अपने इंडिपेंडेंट क्लाइंट है, वो जो इंटरनल ऑडिट वाला है उसके अपने इंडिपेंडेंट क्लाइंट है, क्लाइंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, तीनों केस में एसी है, तीनों केस में टेबल है, तीनों केस में फ्रिज है, एक फ्रिज नहीं है, तीनों केस में टेबल है, डेस्क है, बेंच है, एसी है, पंखा है, ठीक है, कंप्यूटर है, सबसे मेन तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर बार बार भूल जा रहे हैं, एक के पास फ्रिज है, उसको चिल्ड पीना है इसीलिए। तो मेरे को ये बात बताओ, अब ये जो पर्सन थ्री का ऑफिस है क्या ये इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट कर सकता है, ये पर्सन थ्री का ऑफिस इंडिपेंडेंटली? हाँ कर सकता है, ठीक है, वैसे ही पर्सन टू का भी अभी इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट कर सकता है, बराबर है? अब ऐसा है क्या कि इन दोनों के क्लाइंट्स जो आ रहे हैं उनको चिल्ड पीना है इसीलिए वो पर्सन वन के पास जाएंगे ही जाएंगे, ऐसा होने वाला है क्या, बोलो आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फालतू बातें हैं ये सब, तो अपने को जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है ठीक है। तो फाइनली ये इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं, तो इनको इंडिपेंडेंट सीजीओ बोलेंगे, ये ऑफिसर्स को इंडिपेंडेंट सीजीओ बोलेंगे। इस कहानी में एक छोटी सी दिक्कत है, वो जो सेक्रेटरी का चेंबर है क्या वो इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट कर रहा है? नहीं जनरेट कर रहा। तो अब वो जो सेक्रेटरी का डेस्क है, बेंच है, कंप्यूटर है, आर्टिकल्स वगैरह के, उनका क्या होगा?
तो इन्हें कहते हैं एलोकेबल एसेट्स, इनको कहते हैं एलोकेबल एसेट्स, यानी ये बाकी के तीनों में एलोकेट होंगे। कौन से बेसिस पे एलोकेट होंगे? वैसे तो कैरिंग अमाउंट के रेशियो में एलोकेट कर देंगे, पर बाई चांस ऐसा हो सकता है कि आर्टिकल्स को यूज सिर्फ इंटरनल ऑडिट वाला कर रहा है, इंड एस वाला अपना खुद का स्पेशलाइजेशन काम कर रहा है, सब्सिडी वाला अपना खुद का काम कर रहा है, तो उनको क्यों एलोकेट करें ना उसके डेस्क बेंच वगैरह। तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो वैसे नॉर्मली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैरिंग अमाउंट के रेशियो में बांट देते हैं, प्रैक्टिकली कहानी थोड़ी सी अलग हो सकती है। इन्हें कहते हैं एलोकेबल एसेट्स। तो हम कैश जनरेटिंग यूनिट को अब तक के दो एंगल से देख रहे हैं। चलो चलो यहाँ पे ध्यान दो, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, लोग अपनी इसमें लगे पड़े हैं। चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और अच्छे से करने के लिए। देखो मेरे को ऐसी कोई आड़ी टेढ़ी आदत नहीं है, मूड तो आप लोग बना रहे हैं तो मैं आप लोगों का मूड थोड़ा सा और कर रहा हूँ ताकि नींद खुल जाए आप लोगों की। हाँ बोले सर कुछ ऐसा बोल रहे हैं, मेरे को तो आप लोगों की नींद खुलने से मन है मतलब है। चलो एग्जाम्पल 2 एंड 3 देखो, यहाँ पे ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। एग्जाम्पल 2 एंड 3, अ माइनिंग एंटिटी ओन्स अ प्राइवेट रेलवे, ठीक है, टू सपोर्ट द माइनिंग एक्टिविटी। ध्यान दो, द प्राइवेट रेलवे कुड बी सोल्ड ओनली एज स्क्रैप एंड डज नॉट जनरेट कैश फ्लो, खुद का कोई कैश फ्लो जनरेट नहीं करता। इट इज नॉट पॉसिबल टू एस्टिमेट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ प्राइवेट रेलवे बिकॉज द वैल्यू इन यूज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो जो माइन है, माइन के अंदर प्राइवेट रेलवे लगाया, वो प्राइवेट रेलवे को कैश फ्लो जनरेट करने के लिए, यानी सॉरी उसको इंपेमेंट टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे उसका इंपेमेंट टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे? नहीं ना, अरे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकाल लेंगे। वो डज नॉट हैव एनी स्क्रैप वैल्यू लिखा हुआ है। अच्छा, इट कैन ओनली बी सोल्ड फॉर स्क्रैप लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं होगा, अपन उसको माइन के साथ सीजीयू का पार्ट बना देंगे, उसे माइन के साथ सीजीयू का पार्ट बना देंगे, समझ में आया? ऐसा ध्यान रखना है, अगर कोई एसेट अपने आप में इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट नहीं कर सकता तो वो किसी और एसेट के साथ जो इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट कर सकता है उसके साथ सीजीयू बन जाता है, सीजीयू बन जाता है, ये ध्यान रखना है, यही समझ रहे हैं। ये देखिए, अ बस कंपनी प्रोवाइड सर्विस टू म्यूनसिपैलिटी दैट रिक्वायर्स मिनिमम सर्विस ऑफ ईच ऑफ 5 सेपरेट रूट्स, कम से कम 5 रस्तों पे चाहिए। ये म्यूनसिपैलिटी की कचरा उठाने वाली चलती है गाड़ियां, बराबर है, हम उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, चौथा रास्ता और पांचवा रास्ता, ऐसे 5 रास्तों के ऊपर कचरा उठाने के लिए निकलती है। वन ऑफ द रूट ऑपरेट्स इन सिग्निफिकेंट लॉस, एक रास्ते के ऊपर उनको नुकसान हो रहा है, बाकी 4 में वो लोग प्रॉफिट में है। सिंस द एंटिटी डज नॉट हैव ऑप्शन टू कर्टेल एनी वन ऑफ द बस रूट, कोई भी एक बस रूट को कर्टेल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोल सकते ऑर्गेनाइजेशन को, कॉर्पोरेशन को, कि यार वो एक रास्ते पर हम नहीं जाएंगे कचरा उठाने, वहां के लिए आप किसी और को ढूंढ लो। तो नहीं, कॉर्पोरेशन ने बोला नहीं, मिनिमम 5 रूट्स तो आपको पकड़नी पड़ेंगे। तो ये पांचों बस इंडिपेंडेंटली इंपेमेंट टेस्ट हो सकता है या ये पांचों मिलके सीजीयू बनेंगे? ऑल आर वन सीजीयू, 5 एज 1 सीजीयू, करेक्ट करेक्ट, ये सब मिलके सीजीयू बनेंगे, शाबाश। तो ये 5 अलग अलग नहीं है, ये सब मिलके एक सिंगल सीजीयू बन रहे हैं, क्योंकि वो एक कैश फ्लो नहीं निकाल सकते ना, आप एक का निकाल भी दो तो भी वो इंडिपेंडेंटली यूजेबल नहीं है, इसीलिए। शानदार, वेरी गुड। तो आप लोग एक कॉन्सेप्ट समझ गए हैं इसका कि सीजीयू का क्या होता है। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, इलस्ट्रेशन 6 थोड़ी देर में देखेंगे। क्या होता है गुडविल? जब आप किसी एंटिटी को अक्वायर करते हैं तो एंटिटी का गुडविल होता है, ठीक है। हिमालय कंपनी के बारे में सुना होगा, मैं हर बैच में सेम एग्जांपल देता हूँ हिमालय कंपनी का। क्या सुना है आपने हिमालय के बारे में? सर हिमालय का फेस वॉश आता है, नीम फेस वॉश, बहुत फेमस एड चली थी, नीम फेस वॉश। और कुछ? सर हिमालय का सोप आता है, हिमालय की क्रीम आती है। तो हिमालय के ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं, अपने को ये पता है। अपन ने हिमालय के बेबी प्रोडक्ट्स के बारे में भी थोड़ा बहुत सुना होगा, ठीक है। एक दवाई आती है लिव 52, बहुत फेमस है हिमालय की दवाई, लीवर का जिसको भी कभी कोई प्रॉब्लम हो गया कुछ भी, या जॉन्डिस जब होता है तो लिव 52 खाने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत फेमस दवाई है उन लोगों की। तो मेजरली हिमालय का अगर मैं बोलूँ गुडविल क्या है, तो मेजरली गुडविल इन्हीं 3 चीज़ों का है। वैसे तो हिमालय ब्रांड का ही अपने आप गुडविल है, पर गुडविल 3 चीज़ों का है। तो अगर मैं उनको बोलूँ कि उनके सीजीयू क्या क्या है, तो उनके सीजीयू बहुत सारे हो सकते हैं। एक सीजीयू हो सकता है ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर फेस वॉश आ गया, एक आ गया किड्स, एक हो गया ये लिव 52, और फिर उसके अलावा अदर्स।
तो लेट से कि हर एक की अपनी अपनी वैल्यू है, इसका 100 करोड़ है, इसका 20 करोड़ है, इसका 15 करोड़ है, इसका 150 करोड़ है। गुडविल सपोज करो कि इन तीन को ही एलोकेबल है, इसको 10 करोड़, इसको 20 करोड़, वैसे सबसे ज़्यादा उनका एक्चुअली न्यू फेस वॉश का है 30 करोड़, लिव 52 का सेकेंड हाइएस्ट है, किड्स का थर्ड हाइएस्ट है, ठीक है। तो सपोज करो कि गुडविल एलोकेट हुआ है और सिर्फ ये तीन को एलोकेट हुआ है, ठीक है सर, क्या सी जी यू को गुडविल के बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे? हाँ, अब जो गुडविल होता है वो गुडविल भी तो एक तरह का एलोकेबल एसेट है, तो गुडविल भी एलोकेट होता है, उन्हीं को एलोकेट होता है जिनसे वो रिलेटेड होता है, जिसके लिए सही मात्रा में, सही में किसी ने, सही में ये रीज़न होगा उसके गुडविल का, एक रहता है ना कि हाँ यार यही रीज़न है उसके गुडविल का, जैसे रिलायंस का पिलो भी आता है आप लोगों को पता है, पर रिलायंस का गुडविल क्या उस पिल्लो से रिलेटेड होगा? किसी को पता है रिलायंस का पिल्लो आता है? नहीं पता था आप लोगों को? बहुत बिकता है, जबरदस्त बिकता है, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, रेक्रॉन, रेक्रॉन करेक्ट, बहुत बिकता है वो पिल्लो, नहीं ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है उसमें, पिल्लो है वो बस, पर वो पिल्लो बहुत बिकता है, मार्केट में कहीं पे भी चले जाएंगे तो मिल जाएगा आप लोगों को, नहीं मेरे पास नहीं है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो गुडविल है ये हमने तीन इनको एलोकेट किया, अब मेरे को बताओ मेरे को सिर्फ गुडविल पे इंपेमेंट टेस्ट लगाना है, सिर्फ गुडविल पे, तो गुडविल का वैल्यू इन यूज बता सकते हो आप लोग? सिर्फ गुडविल का वैल्यू इन यूज चाहिए, बता पाओगे? नहीं, मतलब हिमालय कंपनी का एक गुडविल है फेस वॉश से रिलेटेड, अरे तो फेस वॉश के सेल पे डिपेंडेंट है ना, आप समझ रहे हैं, किड्स से रिलेटेड तो किड्स के सेल पे डिपेंडेंट है, किड प्रोडक्ट के सेल के ऊपर, तो लिव 52 के सेल के ऊपर डिपेंडेंट है, तो किसी पे डिपेंडेंट है वो, मैं ये समझा रहा हूँ आपको। तो ऐसे में जो गुडविल है वो जब एलोकेट होता है तो सिर्फ गुडविल का वैल्यू यूज नहीं निकल सकते, इसलिए गुडविल को एलोकेट होने पे वो पूरे सीजीयू का इंपेमेंट टेस्ट होता है, वो पूरे सीजीयू का इंपेमेंट टेस्ट होता है, कहानी समझ गए, पूरे सीजीयू का। अब शिवांगी जी बोल रहे हैं मुश्किल है, मुश्किल क्या है, इम्पॉसिबल है, आप निकाल ही नहीं सकते, गुडविल का इंडिपेंडेंट वैल्यू यूज कभी नहीं होता। मतलब देखो लिवाइस है, लिवाइस के ब्रांड का वैल्यू है, आप सब लोग, आप में से कई लोग लिवाइस की जीन्स पहनते होंगे, तो मेरे को सिर्फ लिवाइस के गुडविल का पैसा देना है, यानी बोले सिर्फ तू मेरे को लिवाइस का टैग बेच, बिकता है क्या बोलो मेरे को? आपको चाहिए नहीं, मेरे को सिर्फ लिवाइस का टैग दे, मैं जीन्स तो सड़क से ले लेगा उसके ऊपर लिवाइस का टैग लगा देगा, पॉसिबल है? नहीं बिकता ना यार, गुडविल अलग से नहीं बिकता, प्रोडक्ट बिकता है उसमें गुडविल एम्बेडेड होता है। तो अब सवाल क्या आ रहा है, मैं इस सीजीयू पे जब इंपेमेंट टेस्ट कर रहा हूँ, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि गुडविल पे हर साल इंपेमेंट टेस्ट होगा, गुडविल पे हर साल इंपेमेंट टेस्ट होगा, तो इसका मतलब क्या सिर्फ गुडविल पे हर साल इंपेमेंट टेस्ट करे कैसे जब वो सीजीयू का पार्ट है? तो इसका मतलब वो सीजीयू पे हर साल इंपेमेंट टेस्ट होगा, समझ रहे हैं, वो पूरे सीजीयू पे हर साल इंपेमेंट टेस्ट करना पड़ेगा, समझ गया सब लोग? तो सर वो सीजीयू जिसको कुछ भी गुडविल एलोकेट नहीं हुआ है, क्या उसको भी अब इसका मतलब हर साल इंपेमेंट टेस्ट करना पड़ेगा? नहीं, उसका तो एक्सटर्नल इंटरनल कंडीशन टेस्ट ही होगा, एक्सटर्नल इंटरनल कंडीशन एग्जिस्ट करता है तो इंपेमेंट टेस्ट होगा, पर जिन सीजीयू को गुडविल एलोकेटेड है वो सीजीयू पे हर साल इंपेमेंट टेस्ट कंपलसरी है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था, थियोरेटिकली हम लोगों ने देखा, अब हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे, प्रैक्टिकली इनफैक्ट पहले थियोरेटिकल क्वेश्चन ही देखना चाहिए उसके बाद प्रैक्टिकल पे आना चाहिए, रुको पहले कुछ और थियोरेटिकल क्वेश्चन देखेंगे, मजे पूरे लेना है हम लोगों को, रुक जाओ मैं ढूंढता हूँ क्वेश्चंस है कहाँ पे, एक्चुअली इंस्टीट्यूट ने प्रॉपर सीक्वेंस में क्वेश्चन नहीं दिए हैं सीजीयू के, हाँ पेज नंबर 7.318 पे आ जाइए, पेज नंबर 7.318। तो ऋषभ जी का कहना है मींस इधर सिर्फ लिव 52 पर टेस्ट होगा, अरे मैंने बाकी दोनों में भी तो गुडविल लिखा था, मैंने गुडविल बाकी दोनों को भी तो दिया था, उन दोनों में भी इंपेमेंट टेस्ट होगा, ठीक है। चलो तो लोग शुरू हो गए, ब्रेक चाहिए, चुप रहो, चलो इलस्ट्रेशन 14। अ पब्लिशर ओन्स 150 मैगजीन टाइटल्स ऑफ विच 70 आर परचेज एंड 80 आर सेल्फ क्रिएटेड, तो ये जो 80 सेल्फ क्रिएटेड है क्या मैं इन्हें अपने बुक्स में इंटेंजिबल एसेट दिखा सकता हूँ? ये जो 80 सेल्फ क्रिएटेड है क्या मैं इन्हें अपने बुक्स में इंटेंजिबल एसेट दिखा सकता हूँ? नहीं, हमने पढ़ा था सेल्फ क्रिएटेड मैगजीन टाइटल्स इंटेंजिबल एसेट नहीं दिखते, शाबाश। द प्राइस पेड फॉर परचेज मैगजीन टाइटल इज शोन एज इंटेंजिबल एसेट, द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग मैगजीन टाइटल एंड मेंटेनिंग द एक्जिस्टिंग टाइटल आर रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड, कैश फ्लो फ्रॉम डायरेक्ट सेल्स एंड एडवर्टीजमेंट आर आइडेंटिफाइबल फॉर ईच मैगजीन। तो ऐसी कौन सी मैगजीन है जो आप लोग पढ़ते हैं बताइए, कोई ना कोई मैगजीन तो पढ़ते होंगे, ICI बुलेटिन मत बोलना बस, वो नहीं सुनना है मेरे को, फोर्ब्स, शाबाश अरुणा जी, आई एम प्राउड ऑफ यू,
फोर्ब्स इज द बेस्ट मैगजीन जो सभी स्टूडेंट ने पढ़ना चाहिए, कोई नहीं पढ़ते। शेह मैगजीन्स भी नहीं पढ़ते आप लोग यार। तो एक मैगजीन है इंडिया टुडे है ना, और एक है फोर्ब्स, और दोनों एक तरह की न्यूज़ देते हैं, पता होगा आप लोगों को। रोलेक्स घड़ी के बारे में सुना है? रोलेक्स, रोलेक्स वॉचेस, रोलेक्स की मिनिमम सबसे सस्ती घड़ी कितने की आती है? करो जरा गूगल करो, चीपेस्ट, फर्स्ट कॉपी नहीं, फर्स्ट कॉपी नहीं, चीपेस्ट रोलेक्स वॉच 2 लाख रुपए। ये रोलेक्स के नाम पे इज्जत गिराना हो गया राघव जी की, 2 लाख रुपए की सबसे मिनिमम आती है। चलो चलो, 30 लाख रुपीज़ का एक प्राइस आया है अपने पास, तो मैं 30 लाख को बेस मान रहा हूँ। रोलेक्स इज वेरी कॉस्टली, टू कॉस्टली। एक होती है रेडो, रेडो आ जाती है 50 से 60 हज़ार रुपये में सबसे चीपेस्ट, और रोलेक्स, रोलेक्स बहुत महंगी आती है। ठीक है, तो अपन मान रहे हैं $5,300 आ रहा है उसका प्राइस, 50 यानी 5,30,000। चलो ठीक है, जो भी है महंगी आती है अच्छी खासी, तो रोलेक्स को ऐड देना है। तो रोलेक्स किस में ऐड देता होगा आपको क्या लगता है? फोर्ब्स में देता होगा कि इंडिया टुडे में देता होगा? फोर्ब्स में, बहुत लॉजिकल है कि इंडिया टुडे में नहीं देगा, इंडिया टुडे वाला रोलेक्स नहीं खरीदने वाला है। ठीक है, तो आपको मिलेगी भी नहीं ऐड। मैं क्या बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि ना कस्टमर्स ना आइडेंटिफाइबल होते हैं। आपने देखा होगा लुक्जे अपार्टमेंट्स, एकदम ऐसा लुक्जे वर्ड यूज़ करते हैं, बहुत महंगे महंगे अपार्टमेंट्स आते हैं मुंबई वगैरह के अंदर में। तुम्हारे घर के अंदर ही स्विमिंग पूल रहेगा, तुम अपने घर के अंदर ही स्विमिंग वगैरह सब कुछ कर लो। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये भी सब महंगी मैगजीन्स में आते हैं, इनके ऐड सस्ती मैगजीन्स में नहीं आता। लुई विटन, नाम सुना होगा, लुई विटों या विटन, खुद तो भी ऐसे ही अजीब सा प्रोनाउंस करते हैं उसको। आपके मरने पे आपकी बॉडी को किस में रखा जाएगा उसका भी उनका कवर आता है, और बहुत भयानक महंगा होता है वो कवर। ठीक है, बहुत चला था, बहुत लोगों ने खरीद के रखा है वो कवर को। क्रिश्चियंस में तो बॉडी को मतलब दफनाते हैं ना, जलाते नहीं है, तो वो वाले फंडे के ऊपर में लुई विटन अपनी ऐड कहाँ करेगा, आप सोच के देखो। मतलब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हर एक का टारगेट ऑडियंस वाला कॉन्सेप्ट ना अलग अलग होता है। जैसे आप लोग सब फेसबुक वगैरह यूज़ कर रहे हो, आप लोगों की भी बहुत सारी एड्स दिखती है, आपको कभी लुई विटन की इस कवर की ऐड नहीं आई? अरे वो छोड़ो, लुई विटन की कभी आप लोगों को ऐड नहीं है, उनका आप टारगेट ऑडियंस कभी थे ही नहीं, पर बनोगे, सीए बन जाओ, उसके बाद देखो तुमको लुई विटन की ऐड पे ऐड, ऐड पे ऐड आएगी, बोलेगा हमारा कवर खरीद लो, हमारा कवर खरीद लो, हमारा बैग खरीद लो, हमारा बैग खरीद लो, ऐसा आता रहेगा आप लोगों को। ठीक है, चलो लुई विटन की आती है आप लोगों को ऐड, इंस्टा पे आती है। शिवांगी जी, आप बहुत रईस फैमिली को बिलोंग करते हो, आपको लुई विटन की ऐड आती है, हम बेचारे गरीब, हमको तो फर्स्ट कॉपी की ऐड आती है, फर्स्ट कॉपी ये वाली घड़ी खरीद लो बोले, फर्स्ट कॉपी ये वाला मोबाइल खरीद लो। चलो चलो चलो, तो मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूँ कि हर एक का ना जो कस्टमर बेस है वो आइडेंटिफाइड है। जैसे आप सब लोग आ रहे हैं, अरे देखो अभी रोल्स रॉयस आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि हर एक जन का ना कस्टमर बेस आइडेंटिफाइड है। तो हर मैगजीन का कस्टमर बेस आइडेंटिफाइड है, तो हर एक मैगजीन अलग अलग इंडिपेंडेंट CGU है या सब मैगजीन मिलके CGU बनती है? मेरा सवाल बस इतना सा था, उसके लिए मैंने इतना टाइम पास करा दिया आप लोगों का। बोलो, देर आर 70 मैगजीन टाइटल्स, हर एक इंडिपेंडेंट CGU है या सब मिलके CGU है? तो सारे इंडिपेंडेंट है, सबका यही कहना है। शाबाश, बस बस यही समझ रहे थे हम, यही समझ रहे थे, फालतू में इतना टाइम पास किया। इलस्ट्रेशन 15 हो चुका है, माइंड से रिलेटेड है कॉन्सेप्ट, हम पढ़ चुके हैं, 16 भी हम पढ़ चुके हैं, 17 पे ध्यान दे रहे हैं। अ सिग्निफिकेंट रॉ मटेरियल यूज फॉर वाइस प्लांट प्रोडक्शन इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बॉट फ्रॉम प्लांट एक्स ऑफ द सेम एंटिटी, एक्सेस प्रोडक्ट आर सोल्ड टू वाई एट अ ट्रांसफर प्राइस दैट पासेस ऑल मार्जिन्स टू एक्स। तो एक ट्रांसफर प्राइस है जिसके अंदर में ट्रांसफर हो रहा है, उसके अंदर सारे के सारे जो प्रॉफिट्स है, सारे के सारे जो मार्जिन है वो एक्स को पास ऑन हो जा रहे हैं, यानी प्रॉफिट पूरा एक्स कमा ले रहा है, वाई बेचारा प्रॉफिट ही नहीं कमा पा रहा। 80% ऑफ वाइस प्रोडक्शन इज सोल्ड टू कस्टमर्स आउटसाइड द एंटिटी। तो हो क्या रहा है, एक्स से जा रहा है वाई को और वाई से जा रहा है आउटसाइड, आउटसाइड जा रहा है 80%, मतलब 20% अभी भी इंटरनल ट्रांसफर है। 60% ऑफ एक्सेस प्रोडक्शन, 60% ऑफ एक्सेस प्रोडक्शन इज सोल्ड टू वाई और जो रिमेनिंग 40% है वो आउटसाइड सेल हो रहा है। फॉर ईच ऑफ द केसेज वेदर एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट CGU, जिसमें ए को बोल रहा है एक्स कैन सेल द प्रोडक्ट इट सेल्स टू वाई इन एन एक्टिव मार्केट, इन एन एक्टिव मार्केट, यानी ये जो 60% वो वाई को बेच रहा है ये बाहर भी बेच सकता है वो,
पॉसिबल है कि वो बाहर बेचे, ठीक है? तो आपको बताना है कि एक्स इंडिपेंडेंट सीजीयू है या नहीं, वाई यानी एक्स और वाई अलग अलग सीजीयू है या एक्स और वाई मिलके सीजीयू है, एक्स और वाई अलग अलग सीजीयू है या एक्स और वाई मिलके सीजीयू है। अलग अलग है क्योंकि दोनों अलग अलग मार्केट में सेल कर सकते हैं, ठीक है? अब एक बात याद रखना, सपोज करो वाई को जो एक्स से रॉ मटेरियल लगता है वो और कोई बेचता ही नहीं है, वाई को एक्स से जो रॉ मटेरियल मिल रहा है ये और कोई बेचता ही नहीं है, एक्स की मोनोपोली है इसमें, यानी वाई को अगर चाहिए ये प्रोडक्ट तो उसको एक्स से ही मिलेगा और कोई बाहर सप्लायर ही नहीं है उसका, तो भी एक्स और वाई इंडिपेंडेंट सीजीयू ही कहलाएंगे। हम कभी भी सेल देखते हैं कि क्या आप इंडिपेंडेंटली सेल कर सकते हैं, आप रॉ मटेरियल के लिए किसी पे डिपेंडेंट है वो हमारा क्राइटेरिया ही नहीं है चेक करने का। क्राइटेरिया टू चेक इज वेदर यू कैन सेल इंडिपेंडेंटली और नॉट, ठीक? ये ध्यान में रखना है सबको। बी पार्ट, देर इज नो एक्टिव मार्केट फॉर प्रोडक्ट एक्स, एक्स का कोई एक्टिव मार्केट ही नहीं है। अब कैसे बनेंगे सीजीयू, अब कैसे बनेंगे सीजीयू, सिंगल दोनों मिलके सीजीयू बन रहे हैं, शाबाश शाबाश। अब आएंगे असली मजे, इलस्ट्रेशन 18 इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया ना, मतलब आप समझ गए सीजीयू कॉन्सेप्ट। ये जो का नहीं जवाब दिया तो मैं बस बोलूंगा कोई बात नहीं आगे समझ जाएंगे, पर आप नहीं समझे ये समझ लेना। एक्स वाई जेड लिमिटेड प्रोड्यूसर्स अ सिंगल प्रोडक्ट एंड ओन्स 3 प्लांट 1, 2 एंड 3, ईच इज लोकेटेड इन अ डिफरेंट कंट्री, अलग अलग कंट्रीज है, ये तो कंट्री बोल रहे हैं, मैं तो कॉन्टिनेंट ही अलग अलग कर देता हूँ। चलो आपका एक प्लांट है अफ्रीका में, आपका एक प्लांट है एशिया में, एशिया नहीं रखेंगे अभी अपन, एक प्लांट है ऑस्ट्रेलिया में, आपका एक प्लांट है यूरोप में, ठीक है? चलो आगे पढ़ रहे हैं। प्लांट वन प्रोड्यूसेस अ कंपोनेंट दैट इज असेंबल्ड इन आइदर प्लांट टू और प्लांट थ्री। तो यहां पे है प्लांट वन, इसका प्रोडक्ट या तो यहां असेंबल होगा या फिर यहां पे असेंबल होगा, ये प्लांट टू ये प्लांट थ्री। फिर वो बोल रहा है द कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ टू एंड थ्री इज नॉट फुल्ली यूटिलाइज, यानी अंडर यूटिलाइज है दोनों के दोनों। एक्स वाई जेड प्रोडक्ट आर सोल्ड वर्ल्ड वाइड फ्रॉम आइदर प्लांट टू और प्लांट थ्री, फॉर एग्जाम्पल टूज प्रोडक्शन कैन बी सोल्ड इन थ्रीज कंट्री इफ इट कुड बी डिलीवर्ड फास्टर। यूटिलाइजेशन डिपेंड्स ऑन एलोकेशन ऑफ सेल बिटवीन द टू साइड्स, दोनों के बीच में जो एलोकेशन हो रहा है उसके बेसिस पे एलोकेट कौन कर रहा है, एलोकेट शायद एक्स वाई जेड कर रहा होगा, तो एक्स वाई जेड कहाँ बैठा है उसको अपन इंडिया में बिठा देते हैं। यानी कि जो ऑर्डर आते हैं वो ऐसे नहीं आते हैं कि कस्टमर पहले अफ्रीका वाले प्लांट पे कॉल कर रहा है, हाँ भाई तू कितने दिन में यूनिट भेजेगा, उसने बोला 3 दिन, फिर कस्टमर ऑस्ट्रेलिया वाले प्लांट पे कॉल कर रहा है, बोला हाँ तू कितने दिन में भेजेगा, 4 दिन, तो फिर आपने अफ्रीका वाले प्लांट को ऑर्डर दे दिया। नहीं, आप कॉल कर रहे हो एक्स वाई जेड को और एक्स वाई जेड एलोकेट कर रहा है कि अफ्रीका से ऑर्डर भेजना है कि अमेरिका से, सॉरी अफ्रीका से भेजना है, ठीक है? समझ गए आप लोग पूरे तरीके से। अब ये फुल्ली यूटिलाइज नहीं है, ठीक है? फाइनल कंक्लूजन पे मैं पहुंच जा रहा हूँ जी। इफ देर इज नो एक्टिव मार्केट फॉर वन प्रोडक्ट, ऐसा कोई एक्टिव मार्केट वन के प्रोडक्ट का तो नहीं है, वन जो है ना जिसका असेंबली हो रहा है या तो टू में या तो थ्री में, तो उसका कोई एक्टिव मार्केट नहीं है। तो मेरे को पहले तो ये बताओ, वन को छोड़ दो एक बार का, पहले टू और थ्री का बताओ, टू और थ्री अपने आप में इंडिपेंडेंट सीयू है या नहीं है, टू और थ्री अपने आप में इंडिपेंडेंट सीयू है या नहीं है, दोनों की कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज्ड है, ठीक है? दोनों की कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज्ड है। ऑर्डर कौन आज से आता है, एक्स वाई जेड से आता है। अब कैसे आता है कि अफ्रीका का क्लाइंट अगर प्लांट टू से प्रोडक्ट चाहता है और उसको 4 दिन में मिल रहा है, पर प्लांट थ्री से ऑस्ट्रेलिया से 3 दिन में पहुंच सकता है, तो प्लांट थ्री से आ जाएगा, प्लांट थ्री से आ जाएगा, ये क्वेश्चन में लिखा है, मैं वही चीज़ को हिंदी में बोल रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है? ऑर्डर जाता है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड एलोकेट करता है कि किससे बनवाना है, अफ्रीका से बनवाना है कि ऑस्ट्रेलिया से बनवाना है। तो क्या ये इंडिपेंडेंट सीयू है? अब सब लोगों ने बोला कि हाँ ये इंडिपेंडेंट सीयू है, प्लांट टू प्लांट थ्री इंडिपेंडेंट सीयू है, ये सभी लोगों ने बोला, ठीक है? नहीं है, नहीं है। कैसे बताओगे इंडिपेंडेंट कैश फ्लो, बताओ अफ्रीका वाले का इंडिपेंडेंट कैश फ्लो बता सकते हो, कैसे प्रेडिक्ट करोगे बताओ? पॉसिबल ही नहीं। अरे क्वेश्चन में नहीं दिया है क्या, पॉसिबल भी नहीं है। आप बोलोगे सर हम फोकस करेंगे बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड, अरे पास्ट ट्रेंड में तो एलोकेट किया था एक्स वाई जेड ने, वो एलोकेशन चेंज भी तो कर सकता है, उसकी इच्छा है कि नहीं पूरा ऑस्ट्रेलिया से बनाओ, बाद में कुछ रह जाता है तो अफ्रीका के प्लांट से बनाना, तो भी पॉसिबल है, दोनों की कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज्ड है। आप समझ पा रहे हैं, मेरे को सिर्फ इंडिपेंडेंट कैश फ्लो अगर चाहिए प्लांट टू का तो मैं बता ही नहीं सकता, सेल ओवरऑल बता सकता हूँ कि कितना आने वाला है, वो एक्स वाई जेड को पता है बेस्ड ऑन इट्स पास्ट फोकास्ट, पर अफ्रीका से कितना होगा वो पास्ट फोकास्ट पे आप जज ही नहीं कर सकते, ना ही आप ऑस्ट्रेलिया वाले से जज कर सकते हैं,
ठीक है ऋषभ जी, जाने पहले जो क्वेश्चन है वो तो समझ लो सर, ऐसा होता तो। अरे ये तो समझो कि इसमें क्या हो रहा है, तो क्योंकि अंडर यूटिलाइज्ड है, अपन दोनों को बोलेंगे दोनों इंडिपेंडेंट सीजीयू पॉसिबल नहीं है, प्लांट टू प्लांट थ्री मिलके सीजीयू बन रहा है। प्लांट वन का प्रोडक्ट एक्टिवली मार्केट में सेल ही नहीं होता, प्लांट वन का कोई एक्टिव मार्केट ही नहीं है, तो बताओ क्या होगा, तीनों मिलके सीजीयू बनेंगे या प्लांट वन अलग सीजीयू है, प्लांट टू प्लांट थ्री अलग सीजीयू है? ठीक है तीनों मिलके सीजीयू बन रहा है, शाबाश। तो पिछले बैच तक के इस क्वेश्चन का आंसर करीब सिर्फ 20% बच्चे गलत देते थे, इस बार फाइनली हमको बैच मिली जिसमें 100% बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। हाँ मतलब ये आंसर अब सही है कि हाँ तीनों मिलके सीजीयू बनेंगे, जो पहले आप लोग बोले थे कि हाँ टू अलग सीजीयू है थ्री अलग सीजीयू है, वो आंसर के लिए बोल रहा हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ रहे हैं। एक सवाल पूछा ऋषभ जी ने, सर फुल्ली यूटिलाइज कैपेसिटी होती तो फिर तो आप कैश फ्लो बता सकते हैं प्लांट टू प्लांट थ्री का, अगर फुल्ली यूटिलाइज होती तो फिर वो अपने आप में इंडिपेंडेंट सीजीयू बन जाते हैं, पर फिलहाल तो अंडर यूटिलाइज है, तो अंडर यूटिलाइज के कारण वो इंडिपेंडेंट सीजीयू नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है राघव जी बोल रहे सर एक बार और बताइए। अब देखो क्या हुआ, आप ओनर हो दो प्लांट्स के, एक अफ्रीका में आपका प्लांट है, एक प्लांट ऑस्ट्रेलिया में। कस्टमर यूएस का आया, यूएस का कस्टमर आपको फ़ोन करता है कि राघव मेरे को चाहिए इतने यूनिट्स, अब आपको डिसाइड करना है कहाँ से भेजेंगे। कॉस्ट इफेक्टिव तो आपके लिए यही है ना राघव जी कि आपको अफ्रीका से भेजना है, ठीक है कॉस्ट इफेक्टिव तो यही है, पर अफ्रीका से भेजने में 7 दिन लग रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया से भेजने में 5 दिन लग रहे हैं, आप क्या करोगे, आप अफ्रीका से भेजोगे कि ऑस्ट्रेलिया से? ऑस्ट्रेलिया से जल्दी पहुंचाना है प्रोडक्ट को, आप समझ रहे हैं, तो अल्टीमेटली ऑर्डर जाना चाहिए था वैसे तो अफ्रीका से, पर जा रहा है ऑस्ट्रेलिया से। अब आप सेल कैसे प्रेडिक्ट करोगे, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे मेरे यूएस के पूरे ऑर्डर्स को अफ्रीका सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं उसके बेसिस पे सेल प्रेडिक्ट कर रहा था, पर अभी आपने उसे गलत प्रूव कर दिया, तो इंडिपेंडेंट सेल कैसे बताओगे प्लांट टू का, इंडिपेंडेंट सेल कैसे बताओगे प्लांट थ्री का, बताओ बताओ, बोलो राघव जी बता पाओगे, नहीं बता पाओगे, बस कहानी खत्म। ठीक है चलो सर बहुत हो गया, सर बहुत हो गया, अब ब्रेक दो, अब नहीं झेला जा रहा है। तो चलो 9:08 हो रही है मेरी घड़ी में, 9:11-12-13 तक के आप लोगों का ब्रेक है।
चलो आ जाओ वापस, पेज नंबर 7.294, इलस्ट्रेशन नंबर 6। कंपनी ऑपरेट्स अ माइन इन अ कंट्री वेयर लेजिस्लेशन रिक्वायर्स दैट द ओनर मस्ट रिस्टोर द साइट ऑन कंप्लीशन ऑफ माइनिंग ऑपरेशंस। द कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन इंक्लूड्स रिप्लेसमेंट ऑफ ओवरबर्डन विच मस्ट बी रिमूव्ड बिफोर माइनिंग ऑपरेशंस कमेंस। डीकमिशनिंग लाइबिलिटी के बारे में बोल रहा हूँ आपको। द प्रोविजन फॉर कॉस्ट टू रिप्लेस द ओवरबर्डन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज सून एज ओवरबर्डन इज रिमूव्ड। द कम अमाउंट प्रोवाइडेड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द माइन इज बीइंग डेप्रिशिएटेड ओवर द यूजफुल लाइफ। द कैरिंग अमाउंट ऑफ रिस्टोरेशन कॉस्ट इज 500 रुपीज। द एंटिटी इज टेस्टिंग द माइन फॉर इम्पेमेंट। द कैश जनरेटिंग यूनिट फॉर द माइन इज माइन एज अ होल। द एंटिटी हैज रिसीव्ड वेरियस ऑफर्स टू बाय द माइन फॉर अराउंड 800। 800 का अमाउंट मिला हमको। द प्राइस रिफ्लेक्ट्स द फैक्ट दैट बायर विल अज्यूम दैट ऑब्लिगेशन टू रिस्टोर द ओवरबर्डन। ओवरबर्डन को लेने का कॉस्ट बायर अपने ऊपर ले रहा है, ठीक है। बायर बोलता है मैं खर्चा करूंगा ओवरबर्डन हटाने का, ठीक है। अब डिस्पोजल कॉस्ट इज नेग्लिजिबल। द वैल्यू इन यूज ऑफ द माइन इज अप्रॉक्सीमेटली 1200 एक्सक्लूडिंग रिस्टोरेशन कॉस्ट। वैल्यू इन यूज है 1200 एक्सक्लूडिंग, यानी रिस्टोरेशन कॉस्ट को कंसिडर नहीं किया है, आफ्टर डिडक्टिंग नहीं लेके गया, एक्सक्लूडिंग बिना कंसिडर किए, ठीक है, बिना कंसिडर किए एक्सक्लूडिंग है 1200। कैरिंग अमाउंट ऑफ द माइन है 1000। चलिए मैं फिगर्स लिख दे रहा हूँ आपके सामने। तो आपको कैरिंग अमाउंट दिया है 1000, वैल्यू इन यूज बिना इस कॉस्ट के 1200 दिया हुआ है, 1200 दिया हुआ है, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हो, लेस कॉस्ट टू सेल, क्योंकि ऑब्वियसली सामने वाला वो पूरा का पूरा खर्चा अपने ऊपर ले रहा है, तो 800 है। बताओ इसमें इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो क्या रिकवरेबल अमाउंट के लिए? पहले तो ये कंपेरेबल है क्या फिगर्स, पहले तो ये बताओ। नहीं, ये कंपेरेबल नहीं है, ठीक है, कंपेरेबल नहीं है, तो कंपेरेबल कैसे करें बताओ। फाइव हंड्रेड रेस्ट लेस करना पड़ेगा, दोनों से लेस कर दूं वंशिका जी, लेस करना है 500, यहाँ तक तो ठीक है, पर बाकी के लोग बताएं कि किससे करना है। कुसुमाक्षी जी ने बोला सर उसको 700 करो, तो शानदार, इसको 700 कर देंगे, वेरी गुड वेरी गुड। अब रिकवरेबल अमाउंट कंपेरेबल है, तो इन दोनों में हायर है 800। क्या ये 800 को 1000 से कंपेयर करना है? क्या ये 800 को 1000 से कंपेयर करना है? ठीक है, कुछ लोग समझ पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। देखो पहली बात तो क्या हुआ, आपने जब कैरिंग अमाउंट निकाला तो आपके बुक्स में कैरिंग अमाउंट है 1000, पर इससे रिलेटेड एक डीकमिशनिंग लाइबिलिटी भी दिख रही है 500। जब आप बोलते हो सेलिंग प्राइस मेरा 800 है, तो एक बार का जर्नल एंट्री के एंगल से सोचो। आपने लिखा कैश डेबिट 800 टू कैरिंग अमाउंट, माइन को हटा दिया, तो आप बोल रहे हो 200 का नुकसान, पर आप सोचो आप डीकमिशनिंग लाइबिलिटी भी तो हटा दोगे। आपको डिकमिशनिंग लाइबिलिटी की काय की लाइबिलिटी, आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो कायदे से देखा जाए तो आपको तो गेन हो गया 300 का। आप समझ रहे हैं, 800 पे बेचने पे नुकसान नहीं है, 800 में बेचने में फायदा है, तो 800 कंपेरेबल नहीं है आपके लिए। तो सेलिंग प्राइस एक तरह से 1300 हुआ, 800 का सेलिंग प्राइस 500 से कंपेयर कीजिए तो देखो 300 का फायदा है। सर 500 कहाँ से आया? ये 1000 में से 500 हटा दो, ये 1000 में से 500 हटा दो, आपके लिए तो कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू 500 है। कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू 1000 नहीं है, कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू 500 है। आप समझ पा रहे हैं, कैरिंग अमाउंट ऑफ द सीजीयू इज 500, तो 1000 इज नॉट कंपेरेबल, कंपेरेबल है 500, ठीक है, समझ में आया? अभी तो 500 को कंपेयर कर रहे हैं 800 या 700, विच एवर इज हायर, 800 से, तो अपन देख रहे हैं किसी तरह का इंपेमेंट नहीं है। किसी को अब दिक्कत, किशन जी हैं कि भाग गए? सब लोगों को जम रहा है? हर्षल जी जम रहा है? भाई किसी को नहीं जम रहा है तो पूछ लो। देखो नहीं पूछ रहे हो तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। राघव जी बोले सर वापस बताओ। कंचन जी बोले नहीं समझा, बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हो। चलो ठीक है, देखो क्या हुआ,
अपने बुक्स में कैरिंग अमाउंट 1,000 है माइन का, अब आप कंपेयर कर रहे हो इसको रिकवरेबल अमाउंट से, तो रिकवरेबल अमाउंट के लिए पहला कंपैरिजन मैंने सेलिंग प्राइस से किया कि आपने 800 में बेच दिया, एक बार मान लो कि 800 में बेच दिया, तो आप जर्नल एंट्री क्या पास करोगे, यानी जर्नल एंट्री से समझ में आ जाएगा, क्लिक हो जाएगा कि मेरे को कैश डेबिट हुआ 800, कैरिंग अमाउंट 1,000 हटा दिया, पर डिकमिशनिंग लाइबिलिटी भी तो हटा दिया, अब वो खर्चा तो सामने वाला करेगा ना, अगर वो खर्चा आपको करना है तो वो आपको 1,300 देता ना, अगर वो खर्चा आपको करना है तो 1,300 देता, खर्चा वो कर रहा है इसीलिए 500 उसने माइनस करके ले लिया, तो अल्टीमेटली आपकी लाइबिलिटी तो जीरो हो गई ना। तो आपके लिए माइन जो है वो 500 का ही है ना बुक्स में, 1,000 का एसेट दिख रहा है, 500 की लाइबिलिटी दिख रही है, आपके लिए तो माइन 500 का ही है, तो 500 के माइन का सेलिंग प्राइस 800 है और 500 के माइन का वैल्यू इन यूज 700 है, 500 के माइन का वैल्यू इन यूज 700 है, 1,200 मिल रहा था, डिकमिशनिंग लाइबिलिटी हटाओ आप, ठीक है, तो डिकमिशनिंग लाइबिलिटी हटना चाहिए कभी भी, तीनों से माइनस होना चाहिए, तीन फिगर तभी कंपेरेबल होंगे जब तीनों से माइनस हो रहा है। तो आप बोल रहे हैं कैरिंग अमाउंट है 1,000 माइनस 500, वैल्यू इन यूज है 1,200 माइनस 500, सेलिंग प्राइस में आप वापस 800 में से 500 थोड़ी माइनस करोगे, क्योंकि ऑलरेडी माइनस हो गया आया हुआ फिगर है, बोल रहा है मैं लाइबिलिटी लूंगा, सामने वाला बोलता है वो लाइबिलिटी लेगा, अगर आप ले रहे होते तो आपको 1,300 देता ना, तो आपको 1,300 देता, ये फंड है, ठीक है कंचन जी, ओके। तो फाइनली वी आर मूविंग एट, अपन ये क्वेश्चन समझ गए, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना है, ये एग्जाम में आता है। पेज नंबर 7.297, एन एंटिटी सेल्स रुपीज 100 एन ऑपरेशन दैट इज पार्ट ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट टू विच गुडविल हैज बीन एलोकेटेड, द गुडविल एलोकेटेड टू द यूनिट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड और एसोसिएटेड विद द एसेट ग्रुप एट अ लेवल लोअर दैन दैट यूनिट एक्सेप्ट आर्बिट्रैरली द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द कैश जनरेटिंग यूनिट इज रुपीज 300। तो क्या करना चाहता है, अच्छा एग्जाम्पल है, मैं गलत पढ़ रहा हूँ, मैं इलस्ट्रेशन समझ के पढ़ रहा था, सॉरी, वो बस एलोकेशन ऑफ गुडविल के बारे में बात कर रहे हैं, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, गुडविल कैसे एलोकेट होता है, तो जनरली आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा किसका कितना गुडविल है, अगर नहीं बता सकते तो गुडविल इज स्टिल एलोकेटेड, इट इज एलोकेटेड आर्बिट्रैरली, तो आर्बिट्रैरली मतलब कैरिंग अमाउंट के रेशियो में, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तरीका तो होता ही है, एलोकेट तो होगा ही, इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन पूछा आरटीपी एमटीपी में जिसमें उन्होंने एलोकेट किया ही नहीं और नॉन एलोकेशन बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया, हम देखेंगे, मैं सॉल्व वैसे ही करूंगा जैसे आईसीआई ने कराया, पर वो गलत है, ये मैं आप लोगों को पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ क्लियरली लिखा है कि आर्बिट्रैरली गुडविल एलोकेट होता है, अगर आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड और एसोसिएटेड विद एसेट, इट इज स्टिल एलोकेटेड आर्बिट्रैरली, ठीक है, ये आगे बोलेगा, देयरफॉर 25% ऑफ द गुडविल इज एलोकेटेड बेस्ड ऑन कैरिंग अमाउंट, ठीक है। चलो हम इलस्ट्रेशन 7 देख रहे हैं, ए अक्वायर्स एंटिटी बी फॉर 50 मिलियन, ऑफ इट 35 मिलियन इज द फेयर वैल्यू, द एक्विजिशन ऑफ बी इज इंटीग्रेटेड इन टू टू ऑफ एसेट्स एलोकेटेड एज अंडर, तो आपके सामने दो सीजीओ है, तो आपको दिख रहा है कि गुडविल है करीब करीब 15 का, इन एडिशन टू द नेट एसेट्स अक्वायर्ड असाइंड टू सीजीओ टू, अक्वायरिंग एंटिटी एक्सपेक्ट सी जी यू टू टू बेनिफिट फ्रॉम सर्टेन सिनर्जीज रिलेटेड टू एक्विजिशन, देयरफॉर नहीं, देयर इज नो सिनर्जिस्टिक गुडविल एट्रीब्यूटेबल टू अदर सी जी यूज, ठीक है, उन्होंने बोला गुडविल किसी और सी जी यू से रिलेटेड नहीं है, ए एलोकेटेड द परचेज कंसिडरेशन ऑफ अक्वायर्ड बिजनेस 1 एंड 2 एज 33 एंड 17 मिलियन रेस्पेक्टिवली, मतलब मेरे को कभी कभी इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज नहीं समझती, वो पहले बोल रहा है गुडविल पूरा सीजीओ टू से रिलेटेड है और किसी का गुडविल है ही नहीं, फिर वो बोलता है कि हमने इसको पीसी एलोकेट किया है 733 और फिर इसको बोलता है कि इसको पीसी एलोकेट किया है 17, भाई तुम क्या कर रहे हो, ऐसे तो तुमने गुडविल एलोकेट कर दिया 8 और 7, ठीक है, तो ये गलती है, पर ठीक है हम लास्ट लाइन के बेसिस पे सॉल्व कर दे रहे हैं, समझ गए, ये पैरा में गड़बड़ है, ये पैरा डालने के बाद में ये लाइन का मतलब नहीं बनता कुछ, पर लास्ट लाइन स्पेसिफिक है इसलिए उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, सब लोग समझ गए, कंफ्यूजन है पर बीच का पैरा छोड़ दिया और हमने देखा हाँ पीसी तुमने बता दिया कि 1 का कितना है 2 का कितना है, तो हमने उसके बेसिस पे उनको एलोकेटेड गुडविल निकाल दिया। हाँ आप शिवांगी जी बोल रहे सर वहां लिखा है सर्टेन गुडविल है ना, तो पूरा गुडविल थोड़ी हो गया, पर लास्ट लाइन भी तो है ना, देर इज सो नो सिनर्जिस्टिक गुडविल एट्रीब्यूटेबल टू अदर सीजीओज, किसी और सीजीओ का कुछ भी नहीं है,
ये भी तो है, आप समझ रहे हैं, गड़बड़ भी है। कोई बात नहीं, छोड़ दो। तो ये तो सिर्फ एलोकेशन का क्वेश्चन था, इम्पेमेंट का क्वेश्चन था ही नहीं। कॉर्पोरेट एसेट्स मैंने आपको समझा दिया था, सेक्रेटरी का ऑफिस। मैं क्वेश्चंस ढूंढ रहा हूँ, क्वेश्चंस मिले तो वो करें, नहीं तो सीधा हम लोग कंपाइलर के क्वेश्चन शुरू कर देंगे। अर्थ इंफ्रा हैज टू सीजीयूज ए एंड बी। देर आर नो गुडविल विद इन द यूनिट्स। द कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयूज, सीजीयू ए इज 20 एंड सीजीयू बी इज 30। द कंपनी हैज एन ऑफिस बिल्डिंग विच इज यूजिंग एज हेड क्वार्टर एंड हैज नॉट बीन एबल टू इंक्लूड इन अबव वैल्यूज एंड कैन बी एलोकेटेड टू सीजीयूज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरिंग वैल्यू। कैरिंग वैल्यू के रेशियो में एलोकेट करना है, तो कितना कितना एलोकेट होगा बताओ बताओ। ऑफिस बिल्डिंग है 10 मिलियन का, ऊपर दो सीजीयू दिए हैं 20 और 30, तो कितना कितना एलोकेट होगा? 4 और 6, खत्म कहानी। इतना आसान है ना? फिर उन्होंने बोला वैल्यू इन यूज है 18 और 38, तो आपने वैल्यू निकाला 24 36, इसका 18 इसका 38, तो यहाँ इम्पेमेंट निकल गया, बोलो कितना? 6। यहाँ इम्पेमेंट निकला, बोलो कितना? 0। कई बार बच्चे बोल देते हैं 2, ठीक है, तो ऐसे अपने को टेस्ट करना पड़ता है। 0, शाबाश। अब ये एलोकेट कैसे होगा? ध्यान रखिए, अगर गुडविल अवेलेबल है तो सबसे पहले इम्पेमेंट लॉस पूरा गुडविल को दे दो। गुडविल अवेलेबल है तो सबसे पहले पूरा इम्पेमेंट लॉस गुडविल को दे दो। बचा हुआ बचे हुए एसेट्स में प्रोरेटा, बचा हुआ बचे हुए एसेट्स में प्रोरेटा। यहाँ दो एसेट्स हैं, उन दोनों में गुडविल प्रोरेटा बटेगा। प्रोरेटा का रेशियो ध्यान रखो 20:4। आप बोलोगे सर बिल्डिंग तो 10 की है, एलोकेट इसको 4 की हुई है, तो रेशियो 20:4 ही रहेगा, 20:4, ठीक है। तो 6 का एलोकेशन 20:4 के रेशियो में हो जाएगा, 4/24, 20/24। चलिए मैं सीधा सोच रहा हूँ कि एक बार कंपाइलर पे आ जाता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। कंपाइलर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत मज़ा आएगा सॉल्व करने में आप लोगों को। पेज नंबर 246, पेज नंबर 246, इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन, बार बार रिपीट करता रहता है इंस्टीट्यूट, बहुत मज़ा आएगा सॉल्व करने में। सर क्या नॉन एलोकेबल हेडक्वार्टर एसेट्स भी होते हैं क्या? आपने एलोकेबल तो बता दिया, क्या नॉन एलोकेबल भी होते हैं? तो हाँ, नॉन एलोकेबल भी होते हैं। तो सर उन पे इम्पेमेंट टेस्ट कैसे करेंगे? उन पे एंटिटी एज अ होल इम्पेमेंट टेस्ट करेंगे। तो देर आर टू स्टेप इम्पेमेंट जब नॉन एलोकेबल एसेट्स आते हैं, टू स्टेप इम्पेमेंट, ठीक है। हम इस क्वेश्चन में वही समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, एक्स वाई जेड हैज 3 कैश जनरेटिंग यूनिट एक्स वाई एंड जेड। द कैरिंग अमाउंट्स आर गिवन टू यू और उनकी रिमेनिंग लाइफ दी हुई है। एक्स वाई जेड हैज कॉर्पोरेट एसेट्स विथ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 20 ईयर्स एज गिवन बिलो। ए यू, जिसका कैरिंग अमाउंट 800 है, वो बोलता है ए यू कैन बी एलोकेटेड ऑन अ रीजनेबल बेसिस टू इंडिविजुअल कैश जनरेटिंग यूनिट्स। रीजनेबल बेसिस, 246 पेज नंबर। तो रीजनेबल बेसिस पे अपने को एलोकेट करना है। तो रीजनेबल बेसिस क्या है, तुमने कुछ बताया नहीं। तो या तो कैरिंग अमाउंट के रेशियो में बोलना चाहते हो तुम, या तो लाइफ के बेसिस पे बोलना चाहते हो तुम, या फिर दोनों का वेट ले लो, दोनों का कंबाइंड वेटेज। तो जब भी ऐसा लिखा है रीजनेबल बेसिस और लाइफ अलग अलग दी हुई है, तो कंबाइंड वेटेज लो। लिखा है कैरिंग अमाउंट तो कैरिंग अमाउंट के रेशियो में ही ले लेना चुपचाप। अगर वहां लिखा रहता कैरिंग अमाउंट तो चुपचाप कैरिंग अमाउंट के रेशियो में ले लेना, दिमाग नहीं लगाना अपना, ठीक है। पर अगर कुछ नहीं दिया रीजनेबल बेसिस तो कंबाइंड वाला लो। तो कंबाइंड रेशियो कैसे बनता है? ये मल्टीप्लाई होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। 8,800 × 20, 16,000, 10,000, 24,000, ये रेशियो बन गया 16:10:24, 16:10:24, ये रेशियो बन गया, ठीक है। चलो कॉपी में लिखना शुरू कर रहा हूँ मैं। तो अपने पास है 3 CGU, CGU के नाम है एक्स वाई जेड, कैरिंग अमाउंट दिए हुए हैं 800, 1,000, 1,200। अपन AU का एलोकेशन कर रहे हैं, क्या रेशियो में कर रहे हैं? तो AU का एलोकेशन का रेशियो था 16,000:10,000:24,000, ठीक है। ये कैसे आया? वर्किंग नोट वन। तो वर्किंग नोट वन में हम लोग लिखेंगे एक्स वाई जेड का कैरिंग अमाउंट 800, 1,000, 1,200, ठीक है। फिर
फिर उसके बाद में हम लिख रहे हैं उनकी लाइफ, 2010-20 क्यूमुलेटिव 16,000, 10,000, 12,000, 24,000, तो ये रेशियो बन गया। ठीक है, चलो ये रेशियो पे आप लोगों ने मेरे को एलोकेशन बताया, 32-20-48, 32-20-48, टू फिफ्टी सिक्स, 160 और 384। चलो ठीक है, ये एलोकेशन हो गया। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताइए। ठीक है, फिर उन्होंने बोला बीयू कैरिंग अमाउंट कैन नॉट बी एलोकेटेड, तो नहीं एलोकेट कर सकते ना, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, यहां तक के टोटल ले लो, बताओ। वन जीरो फाइव सिक्स, 1160, 1584, इनके रिकवरेबल अमाउंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, 1,000, 1,200, 1,400, तो इम्पेयरमेंट लॉस फर्स्ट वाले में 56 का निकला, सेकंड वाले में ध्यान रखेंगे जीरो, ठीक है 184। अब एलोकेट कर रहे हैं, एक्स को एलोकेट करना है, वाई को एलोकेट करना है और एयू को एलोकेट करना है। पहले 56 को एलोकेट करो, पहले 56 को एलोकेट करो, बताओ कितना कितना एलोकेट होगा। फोर्टी टू, फोर्टीन, 42 और 14, शाबाश। अब 184 को एलोकेट करो, एक्स और जेड लिखना है यहाँ पे। वन फोर्टी और 24, हाँ वन थर्टी नाइन और 140, 139 और 45, ठीक है 139 और 45, 140-44, जो भी लेना चाहे, चलो ठीक है इतना तो चल जाएगा। तो अब क्या करो, अभी जो इम्पेयरमेंट निकाला इसके बाद रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट्स निकाल लो सबके, एक जगह लिखना है हमको रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। एक्स का नया वाला कैरिंग अमाउंट 800 में से आपने 42 माइनस कर दिया, 758। वाई का कुछ भी नहीं था तो 1000। जेड का 1200 में आपने 139 माइनस कर दिया, थाउजेंड सिक्सटी वन। एयू में आपने जितना भी इम्पेमेंट था पूरा माइनस कर दो, सेवन फोर्टी वन। अब यहां बीयू भी लिख दो 400, तो एंटिटी एज अ होल कैरिंग अमाउंट आ गया आपके पास, ये एंटिटी एज अ होल कैरिंग अमाउंट है। आया किसी का? 3960 रहेगा, 2960 नहीं, टोटलिंग एरर। ध्यान रखो राम जी, एग्जाम में यही गलतियां होती है। क्वेश्चन में आपको एंटिटी एज अ होल रिकवरेबल अमाउंट दिया रहेगा 3900, तो हमको दिख रहा है इम्पेमेंट लॉस है 60 का, इम्पेमेंट लॉस है 60 का, रीएलोकेशन होगा, वापस से एलोकेशन होगा इम्पेमेंट लॉस का, एक्स वाई जेड ए यू बी यू पांचों में वापस से इम्पेमेंट लॉस का एलोकेशन होगा। इम्पेमेंट का रेशियो ऊपर जो दिया हुआ है वो रहेगा एक्स वाई जेड ए यू और बी यू, निकालो फटाफट कितना कितना है। निकालो निकालो, नेक्स्ट लेवल आलस आ चुका है सब लोगों को। नहीं सर अब नहीं निकालेंगे, बस हो गया, बोले क्या एक ही चीज बार 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 करना।
अच्छा इंस्टीट्यूट ने यहीं पे छोड़ दिया 60 पे लाके। ओहो क्या यार, इंस्टीट्यूट ने खुद ही सॉल्व नहीं किया, मैं आप लोगों से करवा रहा हूँ, बताओ। सही में नहीं किया ना शे। 11, 15, 16, 11, 6, ये आप लोगों ने राउंड फिगर में बताया, एग्जाम में राउंड फिगर में मत करना, डेसिमल तक के करना है ही, कितने छोटे छोटे तो फिगर्स है। ठीक है चलो बढ़े आगे, समझ गए। ये नहीं दिया हुआ है, ये एक बार का लिख लेना वहां पे। किसी को दिक्कत है यहां तक तो पूछ लो। सर स्क्रीनशॉट दो लास्ट पेज का, लो एग्जाम में करना चाहिए, करना चाहिए मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। ठीक है चलो, तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, पेज नंबर 248 पे, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। एलिया लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डील्स इन मैन्युफैक्चरिंग कोल्ड ड्रिंक्स, इट हैज वेरियस प्लांट्स अक्रॉस इंडिया, देर इज अ मशीन ए इन प्लांट विच इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ बॉटलिंग, देर इज वन मोर मशीन बी क्लब्ड विद ए, क्लब्ड विद ए, ए कैन इंडिविजुअली हैव एन आउटपुट एंड ऑल्सो बी सोल्ड इंडिपेंडेंटली इन ओपन मार्केट, उसका अपना इंडिपेंडेंट आउटपुट है, ओपनली सोल्ड हो सकती है। बी कैन नॉट बी सोल्ड इन आइसोलेशन एंड विदाउट क्लबिंग विद मशीन ए, इट कैन नॉट प्रोड्यूस आउटपुट एज वेल। तो बी ए पे डिपेंडेंट है, ए अपने आप में इंडिपेंडेंट है, तो दो सी जी होगी एक सी जी यू, दो सी जी होगी एक सी जी यू, एक सी जी हुए। द कंपनी कंसिडर्स द ग्रुप ऑफ एसेट्स एज कैश जनरेटिंग यूनिट एंड इन्वेंट्री अमाउंटिंग टू ₹2 लाख, गुडविल अमाउंटिंग टू ₹1 लाख 50,000। तो अपने पास गुडविल है, अपने पास मशीन ए है, मशीन बी है, अपने पास इन्वेंट्री है 2 लाख रुपए की, अपने पास गुडविल है 1.5 लाख रुपए का। मशीन ए वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2013, ठीक है 10 लाख रुपीज पे, रेसिडियल वैल्यू 50,000। बी परचेज किया था 1 अप्रैल 2015 5 लाख पे, नो रेसिडियल वैल्यू, दोनों की लाइफ 10 साल है। अब अपन ये सब कर कौन से डेट को रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 31 मार्च 2018। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, हाँ तो क्वेश्चन में लिखा है बताओ इम्पेयरमेंट लॉस ऑन 31 मार्च 2018, तो 31 मार्च 2018 पे पहले तो कैरिंग अमाउंट निकालो, ए का कैरिंग अमाउंट, बी का कैरिंग अमाउंट। सर 5 लाख 25 हजार, शाबाश। तीन लाख 50 हजार, शाबाश। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लाख कुत्तों भी आ रहा है टोटल। बारह लाख 25 हजार ये हो गया कैरिंग अमाउंट। द यूजफुल लाइफ ऑफ ए एंड बी इज गिवन, द कंपनी एक्सपेक्ट्स द फॉलोइंग कैश फ्लो फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स पर्टेनिंग टू मशीन ए। अब कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझो, इस क्वेश्चन में आपको दो तरह के कैश फ्लोज दिए रहेंगे, एक ए का दिया रहेगा और ए एंड बी का कंबाइंड दिया रहेगा, यानी एंटिटी एज अ होल एक कैश फ्लो दिया रहेगा और एक सिर्फ ए से अगर कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं तो कितना दिया रहेगा। ठीक है हमें एक बात समझनी होगी, ऐसा कोई और क्वेश्चन नहीं है, ऐसा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जिसमें आपको दो तरह के कैश फ्लो दिए हैं, एक ये जो एसेट है ये इतना कैश फ्लो जनरेट कर सकता है और ये एसेट किसी और एसेट के साथ मिलकर कितना कैश फ्लो जनरेट कर सकता है, ये दो अलग अलग दिए हुए हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है तो हम जब इम्पेमेंट टेस्ट करते हैं तो एंटिटी एज अ होल करते हैं, एंटिटी एज अ होल इम्पेमेंट टेस्ट होगा क्योंकि सीजीयू है, सीजीयू पे इम्पेमेंट टेस्ट हो रहा है। तो जब इम्पेमेंट टेस्ट हुआ उस सीजीयू के ऊपर तो इम्पेमेंट लॉस निकला, लॉस का एलोकेशन कैसे होगा, लॉस का एलोकेशन कैसे होगा, तो मेरे पास जब ए का कैश फ्लो अवेलेबल है तो मेरे को ये पता है कि ए कितने से इम्पेयर हुआ है, मेरे पास अगर ए का कैश फ्लो अवेलेबल है तो मेरे को ये पता है कि ए कितने से इम्पेयर हुआ है। ठीक है मैं उतना ही लॉस एलोकेट करूंगा, यानी उसका जितना इम्पेमेंट लॉस है मैं उतना ही लॉस एलोकेट करूंगा ए को, बचा हुआ एलोकेट होगा बी को।
अगर ए में जीरो इंपेयरमेंट निकल रहा है, जीरो बिकॉज ऑफ द कैश फ्लो ऑफ ए, अगर इंपेयरमेंट जीरो निकल रहा है तो कुछ भी लॉस एलोकेट नहीं होगा ए को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लेटेस्टली एग्जाम में पूछा गया था, अभी अभी जो एग्जाम गई उसमें पूछा गया था, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कमिंग एग्जाम के लिए, पर आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है ये। तो फटाफट यहाँ पे ए का, यहाँ एक्सक्लूडिंग रेसिडियल वैल्यू दिया हुआ है, ऊपर रेसिडियल वैल्यू आपको बताई गई थी, फटाफट ए का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए, वैल्यू इन यूज का पीवी। डिस्काउंट रेट क्या है? डिस्काउंट रेट 10% है, ठीक है। ये रहा 10%, फटाफट निकालिए। ये क्वेश्चन को हमें इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करना है क्योंकि ये कमिंग एग्जाम में आ चुका है, इसलिए और कोई रीजन नहीं है। 489, 730 या 672, ठीक है चल जाएंगे दोनों ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीवी फैक्टर्स दिए हुए नहीं है आपको इस क्वेश्चन में। एक बार का यहाँ लिख दे रहा हूँ, वैल्यू इन यूज ऑफ ए 489, 650 लिख दे रहा हूँ मैं एक बार का, ठीक है 650। चलो, ऑन 31 मार्च 2018 द प्रोफेशनल वैल्यूअर हैज एस्टिमेटेड दैट करंट मार्केट वैल्यू ऑफ ए इज 7 लाख, वैल्यूएशन की फीस थी 1 लाख, देर इज अ नीड टू डिसमेंटल द मशीन बिफोर डिलीवरिंग इट टू द बायर, डिसमेंटलिंग कॉस्ट रहेगा 1.5 लाख, स्पेशलाइज पैकिंग कॉस्ट लगेगा 25,000, लीगल फीस लगेगा 75,000। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल चार लाख पचास हजार, ये बात ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं। ये 1 लाख माइनस नहीं करना है, वैल्यूएशन फीस माइनस नहीं करना है, ये संक कॉस्ट है। भाई मैंने वैल्यू कराने के लिए पैसा दे दिया, ये फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट नहीं है, तो इसे इग्नोर करना है, बाकी सारी की सारी कॉस्ट कंसिडर करना है। ये गलती बहुत बच्चे एग्जाम में करके आए हैं, इसको भी माइनस कर दिया था 1 लाख रुपीज़ को, ठीक है। तो चलिए यहाँ लिख रहा हूँ, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल ऑफ ए 4,50,000। आगे बढ़ रहे हैं, इन्वेंट्री हैज बीन वैल्यूड एज पर इंड एस टू, रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सी जी यू इज 10 लाख, रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सी जी यू इज 10 लाख। तो ये जो सी जी यू है इसका रिकवरेबल अमाउंट 10 लाख है, तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे इम्पेमेंट लॉस 2,25,000 है, समझ गए यहाँ तक? कैसे एलोकेट करें 2,25,000 को बताएं, बताएं, ट्राई करें ना, अपन ने जो भी डिस्कस किया है, अपन ने जो भी डिस्कस किया है उसके बेसिस पर ट्राई करें। ये वैल्यूज ऊपर लिखा ना, 525, 350, 2 लाख, 150, 1,225, तो ओवरऑल सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट 10 लाख है, तो इम्पेमेंट लॉस है 2,25,000। चलो देखो, सबसे पहला एलोकेशन मैं आपसे जो आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये वाला, सबसे पहला एलोकेशन तो गुडविल को ही होगा, सबसे पहला एलोकेशन गुडविल को ही होगा 1,50,000, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, सबसे पहला एलोकेशन इसी को। इन्वेंट्री को कुछ भी एलोकेट नहीं होगा क्योंकि इन्वेंट्री पे इंड एस 36 नहीं लगता, इन्वेंट्री पे इंड एस 36 नहीं लगता, इन्वेंट्री को कुछ भी एलोकेट नहीं होगा, ठीक है। अब इसके आगे मैं समझा रहा हूँ, मेरे को आपसे सिर्फ आंसर चाहिए था, सर पहले गुडविल राइट ऑफ कर दो, मैं आपसे सिर्फ इतना ही आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था। 1,50,000 आपने माइनस कर दिया, बचा 75,000, तो 75,000 का एलोकेशन कैसे हो? ए को कितने से इंपेयर करना है आपको पता है, हाँ दिख रहा है कि ए को कितने से इंपेयर करना है, कितना आएगा ए का इंपेमेंट? 35,350 सभी को आ रहा है, 35,350, ओके। तो ए का इंपेमेंट लॉस हमने निकाला 5,25,000 माइनस 4,89,650, तो 35,350, तो जो बचा हुआ एलोकेशन है वो पूरा का पूरा हम बी को कर दे रहे हैं, बचा हुआ पूरा का पूरा एलोकेशन बी को कर देंगे, खत्म कहानी। आसान है, किसी को दिक्कत है तो बोलो भाई, ये दिक्कत है, कितना हो रहा है एलोकेशन बी को बताओ। थर्टी नाइन सिक्स फिफ्टी, ऋषभ जी को नहीं आया, देखो ऋषभ जी 2,25,000 तो आए कि वो भी नहीं आए, 2,25,000 आया,
हाँ, तो 2,25,000 के लॉस का एलोकेशन सबसे पहले गुडविल, सबसे पहले गुडविल राइट ऑफ कर दो। रूल क्या है, सबसे पहले गुडविल दिख रहा है हटा दो, गुडविल दिख रहा है 1.5 लाख का हटा दो, डिलीट कर दो, ठीक है। अब उसके बाद देखना बचा हुआ एलोकेशन, बचे हुए एसेट्स को प्रोरेटा। इन्वेंट्री पे तो इंड एज 36 लगता ही नहीं, तो इन्वेंट्री हट गया, स्कोप से ही बाहर है इन्वेंट्री, तो सिर्फ ए और बी को एलोकेट कर रहे हैं। ए को कितना एलोकेट करना है, ए का रिकवरेबल अमाउंट पता है, ए को कितना एलोकेट करना है, ए का रिकवरेबल अमाउंट पता है। अगर नहीं पता होता तो प्रोरेटा बांट देते, नहीं पता होता प्रोरेटा बांट देते, पता है इसीलिए वो रिकवरेबल अमाउंट ले रहे हैं ए का, और बोल रहे हैं ए इतने से एम्पेयर हुआ, ए इतने से एम्पेयर हुआ, 489,650 से कंपेयर किया आपने, ठीक है। तो वो गया ए का, अब जितना लॉस बचा वो बी को ही जाएगा ना, और एसेट ही कोई नहीं बचा ना, और कोई एसेट ही नहीं बचा, ठीक है, जम गया। चलो, और किसी को और कोई दिक्कत? कंचन जी आ गया था, आप कौन सर? राघव जी आ गया था, चलो ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं। किशन जी है कि भाग गए हैं? कहानी का सेकंड पहलू है रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस से रिलेटेड। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, क्या रिवर्स हो सकता है इम्पेयरमेंट लॉस? तो इम्पेयरमेंट लॉस का रिवर्सल में पहली बात, गुडविल एक बार इम्पेयर हो गया तो रिवर्स नहीं होता, गुडविल वंस इम्पेयर्ड कैन नॉट बी रिवर्स्ड, फिक्स्ड रूल। क्या बाकी एसेट्स पे इम्पेयरमेंट रिवर्स हो सकता है? एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। किशन जी हैं तो सही, चलो चलो यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है अपना, ठीक है, पर बीच में एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने बैठ गए, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, फिर उस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस में क्या होगा, दो कहानियाँ हैं, ये व्हाट इफ के ऊपर चलता है, एक ओरिजिनल स्टोरी और एक व्हाट इफ स्टोरी, दोनों करके आना है एग्जाम में। एक एसेट है 10 लाख का, आपने इम्पेयर कर दिया 1 लाख रुपए से, तो 10 लाख रुपए इम्पेयरमेंट लॉस, 1 लाख रुपए, तो आपके बुक्स में नेट एसेट दिख रहा है 9 लाख रुपए का, लाइफ है 10 ईयर्स की, लाइफ है 10 ईयर्स की। तो अब हमने इसको नेक्स्ट ईयर डिप्रिशिएट कर दिया 90,000 रुपये से, ठीक, तो एसेट दिख रहा है 8,10,000 रुपये का। केस वन, रिकवरेबल अमाउंट नाउ, यानी ये जो 1 साल हो गया उसके बाद का जो रिकवरेबल अमाउंट है वो है 9,10,000 रुपये, 9,10,000 रुपये। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अगर हमने इम्पेयर किया ही नहीं होता, अगर हमने इम्पेयर किया ही नहीं होता तो ये एसेट आज कितने का दिख रहा होता, यानी इम्पेयर नहीं हुआ होता तो आज कितने का दिख रहा होता, तो आपने कितना डिप्रिशिएट किया होता, ठीक है, सब लोग फाइनल आंसर निकाल चुके हैं, 1 लाख डिप्रिशिएट कर चुके होते हैं, 9 लाख रुपए दिख रहा होता, 10 लाख पे 1 लाख रुपए डिप्रिशिएट कर चुके होते हैं, 9 लाख रुपए दिख रहा होता, है कि नहीं? तो मैक्सिमम रिवर्सल इतना ही परमिटेड है, दिस इज द मैक्सिमम रिवर्सल परमिटेड, समझ गए, दिस इज द मैक्सिमम रिवर्सल परमिटेड, कितना रिवर्स कर सकते हैं, नब्बे हजार रुपये। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक? सर ये रिवर्सल कहाँ से होगा? पीएल से होगा। सर अगर हमने पहले इम्पेयरमेंट लॉस को रिवैल सरप्लस में डाला था तो अब रिवर्सल कहाँ से होगा? रिवैल सरप्लस से होगा, यानी पीएल से था तो पीएल से रिवर्स करो, रिवैल सरप्लस से था तो रिवैल सरप्लस से करो। सर कुछ रिवैल सरप्लस से था और कुछ पीएल से था, कुछ रिवैल सरप्लस, हमने तो ऐसे ही क्वेश्चंस किए, कुछ रिवैल सरप्लस कुछ पीएल, ये एग्जाम में नहीं आएगा आपको, कुछ रिवैल सरप्लस कुछ पीएल एग्जाम में नहीं आएगा, पर क्वेरी दिमाग में आ सकती है इसीलिए क्लियर कर रहे हैं। कुछ रिवैल सरप्लस से था कुछ पीएल से था, तो रिवर्सल आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए, आपके हिसाब से कैसे होना चाहिए रिवर्सल? ऐसे ही अंदाजा, तुक्का तो मार ही सकते हो, लॉजिक कुछ तो बिठाओगे। सर पहले रिवैल सरप्लस में डाल दो और जो बैलेंस है उसको पीएल में डाल देना। अजीम जी बोल रहे पूरा पीएल से करो, पहले रिवैल सरप्लस से करो, ये वंशिका जी का कहना है। कुसुमाक्षी जी बोल रहे दोनों प्रोरेटा, है ना, ऋषभ जी बोल रहे प्रोरेटा, फर्स्ट रिटेन अर्निंग से फिर पीएल से, उल्टा चलना है, पहले पीएल से फिर रिवैल सरप्लस से, पहले पीएल से फिर रिवैल, मतलब क्या सर ये क्या लॉजिक हुआ? देखो तुमने पीएल में अगर कोई लॉस डाला है और अब वो लॉस एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वो लॉस रिवर्स हो जाना चाहिए,
पहले पीएल में अगर कोई भी लॉस डाला था ऐसा, ये नोशनल लॉस हो गया, अगर रिवर्स हो गया तो, रिवर्स हो गया तो नोशनल लॉस हो गया तो पीएल का लॉस तो पहले हटाओ, क्योंकि पीएल का लॉस शेयरहोल्डर को दिख रहा है रिपोर्ट हुए, रिवाइल सरप्लस तो उसी आएगा लॉस है, मतलब उससे क्या ही फर्क पड़ जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो ईपीएस तक का पार्ट नहीं होता, आप समझ रहे हैं, ईपीएस में भी ओसीआई को कंसिडर नहीं करते, तो इसीलिए वो उसको बोलता है कि पहला हमेशा इंपैक्ट पीएल से लो, फिर जो बैलेंस है वो रिवाइल सरप्लस से होगा, ठीक है। ओहो आ गए वापस, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं अभी? ठीक है, जिन लोगों का अभी भी हैंग्ड है आप बाहर निकल के अंदर आ सकते हैं वापस, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, पहले लॉस आप पीएल से डिडक्ट करेंगे, पहले लॉस आप पीएल से डिडक्ट करेंगे एंड रिवर्स करेंगे, डिडक्ट क्यों बोल रहा हूँ, रिवर्स करेंगे, फिर बचा हुआ रिवाइल सरप्लस से, पहले पीएल से रिवर्स करेंगे फिर रिवाइल सरप्लस से, ठीक है। पर ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, सो यू डोंट नीड टू वरी। केस टू, रिकवरेबल अमाउंट अब हो गई है 8,50,000, तो अब रिवर्स कितना होना चाहिए, रिवर्स तो करेंगे ऑब्वियसली, पर क्या मैं पूरा 90,000 रिवर्स कर दूं, क्या मैं पूरा 90,000 रिवर्स कर दूं, बोलो बोलो सोचो कि रिकवरेबल अमाउंट अगर 850 हो गया होता, 850, तो क्या मैं पूरा 90,000 रिवर्स कर सकता था, सोचो जवाब दो, कितना रिवर्सल करना है, सोचो जवाब दो। अरुणा जी की तरफ से 50,000, अजीम जी की तरफ से 50,000, राम जी की तरफ से 40,000, कंचन जी की तरफ से 50,000, कीर्ति जी की तरफ से 40,000, तो दो जवाब क्यों आ रहे हैं, जवाब तो एक ही आना चाहिए था। अरे ये 8,10,000 है, ये 8,50,000 से कंपेयर कर रहे हो, समझ रहे हो, 8,50 को 9 से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, 8,50 को 8,10 से कंपेयर कर रहे हैं, जो लोग 8,50 को 9 से कंपेयर करके 50,000 का रिवर्सल बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, 8,10 को 8,50 से कंपेयर करो, रिवर्सल ऑफ इंपेमेंट लॉस 40,000 होगा, समझ रहे हो, रिवर्सल ऑफ इंपेमेंट लॉस 40,000 होगा, ठीक ना, ये ध्यान में रखेंगे एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल रिवर्सल ऑफ इंपेमेंट लॉस का आप लोगों के बहुत काम आएगा। चलो पिछले क्वेश्चन पे वापस जा रहे हैं, एलिया को बीच में छोड़ दिया था हमने, आगे बढ़ेंगे। इन द नेक्स्ट ईयर कंपनी हैड डन एन असेसमेंट ऑफ रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू एंड फाउंड दैट वैल्यू ऑफ सच सीजीयू इज 11 लाख, दैट इज 31 मार्च 2019, द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ ए इज 4,50,000 एंड कंबाइंड ए एंड बी इज 7,60,000, आप समझ रहे हैं, आपको पूरे सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट उन्होंने 11 लाख दे दिया, और उन्होंने बोला कि रिकवरेबल अमाउंट जो है, रिकवरेबल अमाउंट वो ए की 4,50,000 है और ए एंड बी कंबाइंड की 7,60,000 है, ठीक है। अब यहाँ तीन फिगर्स है मेरे पास, मेरे को 11 यूज करना है, 4.5 यूज करना है, 7.6, इसमें बहुत कंफ्यूजन है, तो कभी भी हम सी जी यू एज अ होल देखते हैं तो मेरे हिसाब से तो 11 यूज करना है, हम कभी भी सी जी यू एज अ होल देखते हैं तो मेरे हिसाब से आप लोगों को 11 यूज करना है, पर अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, इन्वेंट्री का डेटा नहीं दिया है, आप समझ रहे हैं, इन्वेंट्री का डेटा मिसिंग है, तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, तो पहला पॉइंट है इन्वेंट्री, मान लो जो पुरानी अमाउंट थी वही वाली कंटिन्यू हुई होगी, मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूँ अपन बाद में इंस्टीट्यूट का आंसर कंपेयर कर लेंगे कि इंस्टीट्यूट ने क्या लिया है, अभी मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूँ उसको ध्यान में रखेंगे। हमारे पास है पहले तो ए, तो ए हमारे बुक्स में दिख रहा था 489,650, ठीक है, 489,650, इसको आपने कुछ डिप्रिशिएट किया होगा, उसके बाद इसकी वैल्यू आई होगी, बताओ डेप्रिशिएट कितना किया, बताओ डेप्रिशिएट कितना किया, निकालो निकालो, चलो मेहनत करो, इसकी लाइफ 10 साल थी, 50,000 रेसिडुअल वैल्यू था, 5 साल हो चुके थे मेरे हिसाब से, तो 5 साल और बचे थे, अरे करो करो, 87,930, उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोगों ने सही किया है, करेक्ट 87,930, तो 401,720, फिर बात कर रहे हैं बी की, बी की वैल्यू आपकी थी 3,50,000, उस पर आपने 39,650 माइनस कर दिया, तो 3,10,350, ठीक है,
इसका डेप्रिसिएशन बताओ। अरे बताओ ना, लाइफ आई थिंक 7 ईयर्स बचे थे। इसकी भी लाइफ 10 साल थी, पर ये 1 अप्रैल 2015 को लिया था, तो 7 ईयर्स बचे थे। ठीक है, डिवाइड बाय 5 कर दिया कुसुमाक्षी जी आपने, 4 4 3 3 5। चलो लिख रहा हूं मैं। अब देखो यही लिख लेते हैं, इफ नो इम्पेमेंट लॉस अर्लियर, अगर इम्पेमेंट लॉस नहीं होता तो ए की वैल्यू कितनी होती है और बी की वैल्यू कितनी होती, निकालो। अगर इम्पेयर नहीं हुआ होता तो ए की वैल्यू कितनी होती है और बी की वैल्यू कितनी होती, बताओ बताओ। ये यहां पे अगर इम्पेयर नहीं हुआ होता तो आज ए कितने पे दिख रहा होता, ए दिख रहा होता 4,30,000 पे। करेक्ट, और बी 3,00,000। क्या ये सबको आया, कोई है जिसको नहीं आई ये वैल्यूज? 5,25,000 माइनस 5,25,000 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स, ठीक है, और यहाँ 3,50,000 डिवाइडेड बाय 7 ईयर्स इंटू 6 ईयर्स, 2,80,000। तो इस तरह से हम लोगों को ये वैल्यूज आई, यानी यहाँ पे मैक्सिमम रिवर्सल जो हो सकता है वो इतना ही हो सकता है इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, कितना रिवर्सल हो सकता है, ट्वेंटी 8,280 मैक्सिमम रिवर्सल। ए का आप बता रहे हैं 28,280, और बी का मैक्सिमम रिवर्सल कितना हो सकता है, बी का 13,085। इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, 13,895, 13,985। इतने सारे आंसर्स ला दिए, क्या माइनस कर रहे हो यार आप लोग, 13,985। ठीक है, तो इतना इतना रिवर्स कर देंगे। अब अगर आप देखेंगे तो दोनों के रिकवरेबल अमाउंट इम्पेमेंट यानी रिवाइज कैरिंग अमाउंट इफ देयर वाज नो इम्पेमेंट, तो आ रहा है 4,5,6,7,10,000। तो आ रहा है 7,10,000 दोनों का, अगर आप टोटल ले रहे हैं तो 7,10,000 आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी हुई है वो दी हुई है रिकवरेबल अमाउंट 7,60,000 और 11 लाख। आइदर वे इट इज हायर, तो वी डोंट नीड टू वरी। अब वो 11 लाख के लिए इन्वेंट्री का 2 लाख और ऐड हो रहा है इसमें, ठीक है, तो अपने को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि अपने को सॉल्व करना था, एग्जाम में थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया था, कल हम लोग एग्जाम क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेंगे। कैरिंग वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट 489,350, मशीनें मशीन बी इन्वेंट्री टोटल। देखो ये इन लोगों ने पहले तो अज्यूम कर लिया सेम फिगर कि इन्वेंट्री इज अनचेंज्ड, उन्होंने उसके बेसिस पे टोटल निकाला। ठीक है, फिर उन्होंने 11 लाख से कंपेयर किया और उन्होंने बोला हम रिवर्सल करेंगे, तो रिवर्सल कितना होगा, 6,226 टोटल इम्पेमेंट रिवर्सल है, टोटल रिवर्सल 6,226। आई थिंक हमारा टोटल नहीं, हमारा टोटल इतना नहीं हो रहा, विल बी लिमिटेड टू है वो, सॉरी विल बी लिमिटेड टू। तो फाइनल कैरिंग अमाउंट 4,30,000, मशीन बी का 3 लाख, इन्वेंट्री का 2 लाख। उन्होंने बताया ही नहीं कि कितना कितना रिवर्स किया, उन्होंने यहाँ बताया ही नहीं कि कितना कितना रिवर्स किया, उन्होंने बोला मैक्सिमम रिवर्सल इतना ही हो सकता है बस। ठीक है, उतना बोल के छोड़ दिया, हमने निकाल भी दिया कि कौन कौन से एसेट में कितना कितना रिवर्सल होगा। ठीक है, जम गया। चलो इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बोलो। सर मुझे इंड एस 23 में कंपाइलर के क्वेश्चन में डाउट है, पेज नंबर 145, उसमें इंटरेस्ट का मंथली लिया है, मैंने ईयरली लेके मंथ का प्रो रेटा लिया, वो नहीं समझ आया। उन्होंने ईयरली लिया तो अपने को ईयरली तो लेना है, आपने मंथली लेके प्रो रेटा किया, ये कैसे हो सकता है? चल इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो बोलो, नहीं है तो फिर मैं उस पे जाता हूँ 145 पेज नंबर पे।
चलो ठीक है, तो आज के लिए वैसे तो इतना ही है, कल कंटिन्यू करेंगे इस स्टैंडर्ड को। पेज नंबर 145 पे आ रहे हैं हम लोग। सॉल्यूशन बताओ सर, ये देख लो एक बार सॉल्यूशन। सर मशीन बी का 2.8 कैसे आया? ये लिखा ना, 350,000 रुपये का मशीन था, डिवाइड बाय 7 × 6। अरे तो 3 लाख हो रहा है ना, 2,80,000 क्यों लाए आप लोग? क्या नालायक बच्चे हैं, 2,80,000 रुपये क्यों बोले? ये 3 लाख रुपये, इसलिए मैं वर्चुअल वाले बच्चों को बोलता हूँ कि ये ना, ये लाइव क्लास वाले बच्चे ना ऐसे टाइम पास करते हैं, गलत गलत आंसर देते हैं मेरे को। 3 लाख है सर, ठीक है, तो रिवर्सल चेंज हो गया, 3 लाख माइनस 266,015, 33,985। तो वर्चुअल वाले बच्चों, ये लाइव वाले बच्चे ही ना लायक है, मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम रियली वेरी सॉरी। चल हो गया। हाँ क्या है पेज नंबर 145 पे? कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अक्रूड 1.5, एवरेज कैपिटल एक्सपेंडिचर 1.5 × 7/12, 0.875, 0.5 × 6/12 वगैरह किया हुआ है, और पेमेंट बेसिस पे भी उन्होंने। अच्छा, वो जो अपन ने जो आंसर लिखा वो चेंज कर दिया क्या इंस्टीट्यूट ने? वैसा आंसर नहीं है, आजकल एनुअल बेसिस पे ही कैलकुलेशन है। अरे यार, नाइन पॉइंट फाइव का 2.74 हुआ और 4.02 हुआ, 2.74 पे 11% और 4.02 पे 11%। एक मिनट, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मेरी गलती है। मैंने मंथली इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन मेथड आप लोगों को सिखाया था, इंस्टीट्यूट ने वो मेथड को हटा दिया है, मंथली कैपिटलाइजेशन मेथड को। ठीक है, पहले मेरे को लग रहा था कि वही मंथली कैपिटलाइजेशन मेथड ही चल रहा है, वो नहीं है, इंस्टीट्यूट ने आंसर चेंज कर दिया है। कल ही पढ़ा था ना अपन ने ये, कल अपन ने ये टेबल बनाया था, वो टेबल प्लीज एलिमिनेट कर दीजिए, मेरी गलती है। ये वाला टेबल था, ठीक है, ये टेबल को एलिमिनेट कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है, मैंने मंथली इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन मेथड से आप लोगों को सिखाया था। आई डोंट नो, मेरे को ऐसा ध्यान में था कि इंस्टीट्यूट ने पहला आंसर यही दिया था, तो इंस्टीट्यूट हैज चेंज द आंसर। जो नॉर्मल तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, मैं तरीका बता रहा हूँ। हमने खर्चा किया 3 लाख, तो 3 लाख का खर्चा हुआ सितंबर में, सितंबर बिगनिंग दिया था कि एंड दिया था क्वेश्चन में, और काम खत्म हुआ था मार्च में, तो आई थिंक सितंबर बिगनिंग दिया था, तो 7 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन। अब इन्होंने यहाँ कैसे किया है, इसके आगे आप बस एक 11% का रेट भी ले लो, तो 3 लाख × 11% × 7/12, आप सीधा सीधा ऐसे मल्टीप्लाई करते चले जाओ, आपका आंसर इंस्टीट्यूट के आंसर से मैच हो जाएगा। ठीक है, तो 1,70,000 पे 6 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन, 2,50,000 पे 5 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से गलती हुई है, इंस्टीट्यूट ने आंसर जिस तरीके से रखा, मतलब हमने बाकी क्वेश्चन में भी इसी तरीके से सॉल्व किया, तो इसी तरीके से आंसर को रखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आंसर चेंज कर लेना, एक बार ये क्वेश्चन सब लोग देख लेंगे। और किसी का और कोई डाउट है यार? ये वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बोलिए। अच्छा हुआ राघव जी आपने देख लिया, नहीं तो गलत आंसर ही चले जाता और एग्जाम में आ जाता तो गड़बड़ हो जाती। कल वापस क्लास में सॉल्व कराइए, नहीं कुछ नहीं है। देखिए, आपने हर महीने खर्चा किया है, पहले महीने आपने 3 लाख खर्चा किया है, तो आप क्या करोगे? 3 लाख पे 11% का इंटरेस्ट 7 महीने के लिए कैपिटलाइज होगा, फिर अगले महीने आपने 1,70,000 रुपये खर्चा किए, तो 1,70,000 पे 11% 6 महीने से कैपिटलाइज होगा। ठीक है, नहीं बाकियों को भी ये बात तो समझ ही गई होगी ना, अपन ने इसी बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। किसी को नहीं समझा है तो अभी बोल दो भाई कि नहीं समझा है। ठीक है, जबरदस्ती कल क्यों लेके जाना है इसको?
चलिए ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ एंड करते हैं, कल इंडिया 36 कंटिन्यू करेंगे। देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आज अपन ने दो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन किए, एक एलिया वाला और एक वो बजट वाला, बजटरी कंट्रोल वाला। ये दो क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे। बजटरी कंट्रोल वाला जो क्वेश्चन था वो प्रैक्टिस कर लेना एक बार, प्रैक्टिस यानी आंखों के ऊपर वापस एक बार देख लेना। और एक वो जो क्वेश्चन था 20 साल 10 साल वाला, वो एक क्वेश्चन देख लेना। ये दो में से एक मैं कमिंग एग्जाम में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, May 23 में इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है चलो, तो आज की क्लास यहीं एंड कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा कि जो इम्पेयरमेंट लॉस होता है वो तब रहता है व्हेनेवर द कैरिंग अमाउंट इज मोर देन रिकवरेबल अमाउंट। तो रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है? हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, मतलब दोनों में से जो भी दे रहेगा रिकवरेबल अमाउंट। अगर रिकवरेबल अमाउंट कम है कैरिंग अमाउंट से, डिफरेंस को हम इम्पेयरमेंट लॉस मानते हैं, जो पीएल में जाता है। अगर आपके पास रिवाइल सरप्लस अवेलेबल है तो रिवाइल सरप्लस से एडजस्ट कर देंगे उसको। ठीक है, फिर हमने देखा कि वैल्यू इन यूज़ कैसे निकलता है। आपको फ्यूचर कैश फ्लो दी भी रहेगी, आपको उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। प्रेजेंट वैल्यू कभी भी प्री टैक्स रेट से निकालते हैं, टैक्स रेट दिया है तो इग्नोर करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया था, याद रखिएगा, इग्नोर करना। आपने मल्टीप्लाई कर दिया, क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। फिर फ्यूचर में एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह, वो सब इग्नोर किया जाता है जब आप वैल्यू इन यूज़ निकाल रहे हैं। तो वैल्यू इन यूज़ के लिए जो रेट होता है वो भी प्री टैक्स होता है। अगर एंड में कोई स्क्रैप वैल्यू है तो उसका भी प्रेजेंट वैल्यू लिया जाता है वैल्यू इन यूज़ के अंदर में। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल दिया रहेगा जो डिडक्ट करते हैं। ध्यान रखिए, क्वेश्चन में अगर फेयर वैल्यू दिया है तो इंडिया 36 का क्वेश्चन नहीं है, वो इंडिया 16 या 38 का क्वेश्चन होगा। अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या रिकवरेबल अमाउंट वर्ड यूज़ हुआ है तो फिर वो इंडिया 36 का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग पढ़ रहे थे कि कैश जनरेटिंग यूनिट होता है मिनिमम नंबर ऑफ एसेट दैट कैन इंडिपेंडेंटली जनरेट कैश फ्लो। अगर इसमें कोई गुडविल एलोकेटेड है तो कैश जनरेटिंग यूनिट को हर साल इम्पेयरमेंट टेस्ट लगता है। अगर गुडविल एलोकेटेड नहीं है तो जब उसमें इंटरनल एक्सटर्नल कंडीशन बनेगी तब इम्पेयरमेंट टेस्ट होगा उसके ऊपर। अगर इम्पेयरमेंट टेस्ट हो रहा है और इम्पेयरमेंट लॉस निकल रहा है तो सबसे पहले गुडविल को एलोकेट होता है, फिर बाकी के एसेट्स में प्रोरेटा। कोई एलोकेबल एसेट अगर है तो एलोकेबल एसेट को जो भी रेशियो दिया रहेगा वो रेशियो में एलोकेट कर दिया जाता है, जैसे ऑफिस बिल्डिंग वगैरह होता है। अगर नॉन एलोकेबल एसेट है तो इम्पेयरमेंट दो स्टेप पे होगा। पहले एलोकेबल एसेट को एलोकेट कर दीजिए, इम्पेयरमेंट टेस्ट कर लीजिए, इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर लीजिए। उसके बाद एंटिटी एज अ होल सारे के सारे एसेट्स ले लीजिए वो नॉन एलोकेबल एसेट के साथ, और फिर उसके बाद में इम्पेयरमेंट लॉस निकालिए, वापस से प्रोरेटा सब एसेट्स में बढ़ जाएगा। कभी कभी कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिन एसेट्स का अपना इंडिपेंडेंट कैश फ्लो अपने को पता होता है। ठीक है, मशीन है, मशीन भी वाला एग्जाम्पल था। तो ऐसे में इम्पेयरमेंट लॉस रेस्ट्रिक्ट हो जाता है कि उसको जितना कैश फ्लो से वो कितना उसका अपना कितना वैल्यू इन यूज़ है या रिकवरेबल अमाउंट है, मैक्सिमम इंपेयरमेंट लॉस उसको एलोकेट उतना ही हो सकता है, उससे ज़्यादा इंपेयरमेंट लॉस एलोकेट नहीं हो सकता। बचा हुआ इंपेयरमेंट लॉस दूसरे एसेट्स के अंदर में एलोकेट होता है। ठीक है, अगर बाय चांस फ्यूचर में जाके वो जो एक्सटर्नल इंटरनल कंडीशन थी जिसके कारण इंपेयरमेंट हुआ था वो एग्जिस्ट नहीं करती एनी मोर, ठीक है, तो फिर हम रिवर्स कर देते हैं जो इंपेयरमेंट लॉस बुक किया था। इंपेयरमेंट लॉस ऑन गुडविल कैन नॉट बी रिवर्स्ड, एक बार इंपेयर हो गया तो हो गया। जो दूसरे एसेट्स हैं उनके ऊपर रिवर्स करने के लिए हम पहला निकालते हैं। अगर पहली बार जब इम्पेयरमेंट हुआ था वो नहीं हुआ होता तो एसेट आज कितने पे दिख रहा होता, यानी इम्पेयरमेंट लॉस एलिमिनेट करके उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकालते हैं। तो वो डेप्रिशिएटेड वैल्यू को आज की कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करते हैं, दैट इज द मैक्सिमम रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस दैट कैन बी डन। तो यहाँ तक के हम लोगों ने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36 को पढ़ा था। अब अपन है पेज नंबर 7.305 पे, आज से अपन रिवर्सल का कॉन्सेप्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। रिवर्सल के कॉन्सेप्ट में एक बात ध्यान रखो, क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। एक क्वेश्चन आपको पूछेगा बताओ रिवर्सल करना है क्या, और दूसरा क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको बोलेगा रिवर्स करके बताओ। ठीक है, ये बताओ रिवर्सल करना है क्या वाला जो क्वेश्चन होता है ना, उसके अंदर में कॉन्सेप्ट ये रहता है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ कंडीशन जिसके कारण अपन ने इंपेयरमेंट किया था। एक था एक्सटर्नल कंडीशन, एक था इंटरनल कंडीशन, याद होंगे भाई। कोई रीजन था जिसके कारण इंपेयरमेंट हुआ, तो बोलते हैं कि अगर वो रीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर आप रिवर्स कर दीजिए, जो इंपेयरमेंट लॉस आपने बुक किया था आप उसको रिवर्स कर दीजिए। वो रीजन का एग्जिस्टेंस खत्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आई होप आप समझ पाए सभी लोग। तो अभी तो फिलहाल अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं, पर जब हम TYK में जाएंगे आपको ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। संडे लगता है बहुत लेट तक बना रहे थे, जो आए हैं वो नींद में और आए भी कम है। चलो चलो ध्यान दो यहाँ पे। 1 अप्रैल 2001 वीनस अक्वायर्ड 100% ऑफ सैटर्न लिमिटेड फॉर ₹4 लाख। द फेयर वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स इज 3,20,000। इसका मतलब 80,000 का गुडविल है।
Saturn Limited is in coal mining business. Government has cancelled the license, giving it to only few states. As a result, Saturn Limited revenue reduced by 30%. तो एक external condition बन गया impairment test का. The adverse change in marketplace and regularity conditions is an indicator of impairment. फिर उसने बोला Venus Limited straight line method से depreciate करता है. The useful life of Saturn Limited assets is estimated to be 20 years. No residual value. No independent cash flows are identified. तो एंटायर एंटिटी अपने आप में एक सी जी यू है, उनका कहना है वैल्यू इन यूज़ है 212,000, वैल्यू इन यूज़ 212,000. तो एसेट 4 लाख रुपए का था, यूजफुल लाइफ थी 20 इयर्स, जब लिया तब से अब तक 2 साल हो गए हैं. तो ये एसेट का आज कैरिंग अमाउंट कितना रहा होगा बताइए बताइए. एसेट का वैल्यू था 2,88,000. ठीक है, मैं रफली सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोगों को पता है एग्जाम में आपको क्या करना है, आपको कैरिंग अमाउंट पूरा निकालना है. ग्रॉस वैल्यू वॉज 4 लाख रुपीज, डेप्रिसिएशन ऑन द सेम, नेट वैल्यू 2,88,000 रुपीज. आपने निकाला वैल्यू इन यूज, अब ऑब्वियस ही बात है ये तो एसेट की वैल्यू हो गई, इसमें गुडविल भी है 80,000 रुपये का, तो ओवरऑल वैल्यू हो गई 3,64,000. ठीक है, अब आप बोल रहे हो वैल्यू इन यूज है 2,12,000, सो देर इज सम इम्पेमेंट लॉस. ठीक है, कोई है जो नहीं निकाल पाया 2,88,000? वन फिफ्टी टू होगा राम जी, कुछ गड़बड़. अच्छा, मैंने टोटलिंग एरर की है. ठीक है, 156, 1,56,000. सबसे पहले लॉस एलोकेट करेंगे गुडविल को, ठीक है, और फिर बाकी का लॉस एलोकेट हो जाएगा एसेट को. चल इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन देखिए, गुडविल अदर एसेट्स टोटल, तो ये 368 दे दिया उन्होंने आपको, फिर उन्होंने आपको जो भी डेप्रिसिएशन का एलिमिनेशन था वो दिखा दिया. जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से टेबल बनाना है अपने को. चलो अब अपन आगे बढ़ रहे हैं, और 2 साल हो गए, और 2 साल हो गए, एसेट अपने बुक्स में दिख रहा है अभी फिलहाल आपने 76,000 से वैल्यू कम कर दी थी. ठीक है, 76,000 से वैल्यू कम कर दी थी, एसेट दिख रहा है हमारे बुक्स में 2,12,000 का, और 2 साल हो गए. ठीक है ना, 31 मार्च 2005, अब कैरिंग अमाउंट क्या रहा होगा? चलो इस दिन वैल्यू 1,88,444 रहा, आई होप ये सबको आया है. 2,12,000 डिवाइडेड बाई 18 ईयर्स, 18 साल थे तो 2 साल हो गए. गवर्नमेंट री इंस्टेट्स द लाइसेंस, मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स अ फेवरेबल चेंज इन नेट कैश फ्लो, दिस इज इंडिकेटर ऑफ इम्पेमेंट लॉस हैज रिवर्स्ड, द रिकवरेबल अमाउंट इज एस्टिमेटेड टू बी वैल्यू इन यूज 3,04,000, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 2,90,000, यानी रिकवरेबल अमाउंट 3,04,000. अगर ये एसेट डेप्रिशिएट नहीं हुआ होता, इम्पेयर नहीं हुआ होता, तो कितने पे दिख रहा होता? करेक्ट 2,56,000. इतना रिवर्स कर देंगे शाबाश. इन्होंने 68,000 लिखा है राउंड ऑफ करके, क्योंकि उन्होंने 1,88,000 लिया है, हम एग्जाम में राउंड ऑफ नहीं करेंगे. ठीक है, चलो अब फ्यूचर में डेप्रिसिएशन चार्ज कितना रहेगा, सबसीक्वेंट डेप्रिसिएशन देयर ऑन, ये लाइन छूट जाती है बहुत बार एग्जाम में करने के लिए. अब से फ्यूचर में डेप्रिसिएशन कितना रहेगा? 16,000. बस यहां तक के बता के आना है, ये ध्यान रखिएगा एग्जाम में.
चल तो वी आर मूविंग हेड। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट अभी समझ में नहीं आएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। ये क्वेश्चन हो गया था, मतलब ये वो रिवैल्यूएशन सरप्लस एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 20 देखिए, पेज नंबर 7.321। एक्स वाई जेड लिमिटेड हैज अ कैश जनरेटिंग यूनिट प्लांट ए हैविंग कैरिंग अमाउंट 1000 करोड़। प्लांट ए वॉज अक्वायर्ड अंडर बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड गुडविल ऑफ 200 करोड़ वॉज एलोकेटेड टू इट। डिप्रिसिएशन एज स्ट्रेट लाइन बेसिस, लाइफ है 10 ईयर्स विद नो रेसिडुअल वैल्यू। 31 मार्च 2002 कैरिंग अमाउंट क्या था प्लांट का? हजार करोड़ में प्लांट खरीदा था आपने, 10 साल की लाइफ है, स्ट्रेट लाइन मेथड डिप्रिसिएशन है 900, ठीक है। रिकवरेबल अमाउंट 600, गुडविल था 200 का, अभी आपने किया सिमिलर क्वेश्चन है। तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना हुआ बोलिए? आप लोग क्या कर रहे हो? रिकवरेबल अमाउंट 600 है, रिकवरेबल अमाउंट 600 है, प्लांट का कैरिंग अमाउंट 1100 हुआ ना, गुडविल भी तो ऐड करो, ये 900 में गुडविल थोड़ी इंक्लूडेड है, 200 गुडविल से एडजस्ट करेंगे 100 प्लांट में जाएगा, इंपेयरमेंट लॉस ही 500 का है। एग्जाम में ऐसा करके आओगे क्या आप लोग? 500 का इंपेयरमेंट लॉस है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 21, ये सब क्वेश्चन अभी नहीं समझ में आएंगे, एक मिनट को देख लेता हूँ पहले, ये नहीं समझ में आएंगे अभी। तो इम्पेयरमेंट का एक हिस्सा हम लोग बाद में करेंगे जब हम लोग बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन पढ़ लेंगे। चलिए टीवाई के पे आइए, सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। एपेक्स लिमिटेड एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग स्टील यूटेंसिल्स, ओन्स अ बिल्डिंग एज हेडक्वार्टर, द बिल्डिंग इज फुल्ली ऑक्यूपाइड फॉर इंटरनल यूज। यहाँ पे ध्यान दीजिए। However, recently the company has undertaken a massive downsizing exercise, as a result of which one third of the building is vacant. One third of the building is vacant. Vacant portion is given on lease for 6 years. क्या हम बिल्डिंग को इंडिपेंडेंट CGU बोल सकते हैं? बिल्डिंग है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हमारी कैरी आउट होती थी, बिकॉज ऑफ सम रीजन हम लोगों ने वन थर्ड जगह खाली हो गई और किराए पे दे दिया, ठीक है। सर गुडविल का कॉन्सेप्ट वापस से बता दीजिए। गुडविल का कॉन्सेप्ट सिंपल है, गुडविल जिस CGU को एलोकेट होता है उस पर हर साल इंपेयरमेंट टेस्ट होता है, और जो भी इंपेयरमेंट निकलता है वो सबसे पहले गुडविल को एलोकेट होता है। अब आपको कंफ्यूजन इसलिए हुआ राघव जी क्योंकि उस क्वेश्चन में आपने वो 200 के गुडविल को अलग से ऐड नहीं किया, आपने सिर्फ 900 से कंपेयर कर लिया रिकवरेबल अमाउंट को। तो ऐसा कोई अलग स्पेशल कॉन्सेप्ट नहीं है गुडविल का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका था। हाँ ऑब्वियसली गुडविल को ऐड करके ही कंपेयर करेंगे ना, सिर्फ एसेट को कंपेयर करके क्या करोगे? गुडविल तो इंपेयर हुआ ही है, उसी CGU से रिलेटेड है। मैं आपको कल से एक ही बात बोल रहा हूँ कि गुडविल का रिकवरेबल अमाउंट नहीं होता है कुछ, वो किसी CGU का पार्ट बनेगा तो ही रिकवरेबल अमाउंट होगा। कल हिमालय के एग्जाम्पल पर इतना टाइम क्यों दिया फिर हमने? चलो ये भी बाद में होने वाला है, ये हो चुके हैं। नहीं एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिए। ए लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन फॉर 100 करोड़, मशीन की लाइफ है 5 साल, निल रेसिडुअल वैल्यू। ए अडॉप्ट स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अब आपको दिया हुआ है 4 साल का डेटा, डिस्काउंट रेट है 10% और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 70 करोड़ रुपीज़। फटाफट प्रेजेंट वैल्यू निकालिए। राघव जी ने क्वेश्चन पूछा है कि सर टीवाई के 1 में आगे से जब बिल्डिंग इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट कर रहा है तो क्या वो अपने आप में CGU होगा? फिलहाल तो 1/3 ही बिल्डिंग कर रहा है जनरेट, तो CGU नहीं हो सकता। पर
पर जिस दिन पूरा का पूरा बिल्डिंग जनरेट करने लग जाए कैश फ्लो, तो डेफिनेटली आप उसको सीईओ बोल सकते हैं। ठीक है, चलो 75.31 आ रहा है, जो प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है वो 75.31 आ रहा है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 70 है, तो विच एवर इज हायर रिकवरेबल अमाउंट 75.31। एसेट का वैल्यू था 100 करोड़, 5 साल की लाइफ थी, तो एसेट का कैरिंग अमाउंट कितना है, 80। ठीक है, तो 80 को 75.31 से कंपेयर कर रहे हैं, 4.69 का इम्पेयरमेंट लॉस है। ठीक है, चलिए एक और एक एक सवाल है ऋषभ जी की तरफ से। क्या सर पूरी की पूरी बिल्डिंग ही किराए पे जाना चाहिए आप लोगों के लिए? हाँ, प्रैक्टिकल कहानी बहुत अलग होती है, आप लोगों के लिए हाँ अपन बोल सकते हैं कि हाँ पूरी की पूरी बिल्डिंग किराए पे जाना चाहिए। ठीक है, चलो ये दो क्वेश्चन मिलके एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपने एक इम्पेयरमेंट लॉस निकाला और आपने बताया कि एसेट का कैरिंग अमाउंट अब 75.31 हो चुका है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखिए। अब क्या हुआ, अज्यूमिंग अबव क्वेश्चन ऑन 31 मार्च 2003, तो पहले तो बताओ 31 मार्च 2003 को कैरिंग अमाउंट कितना हो गया होगा? सिक्सटी तो नहीं चुका होगा यार। कुसुमाक्षी जी, मैं 31 मार्च 2003 को बोल रहा हूँ, आप डेप्रिशिएट ही नहीं कर रहे। 56.48। ठीक है, ध्यान रखिए आप लोगों को डेप्रिशिएट करना है। ठीक है, 31 मार्च 2002 की आपने वैल्यू निकाली थी, 31 मार्च 2003 डेप्रिशिएट हो गया होगा, 4 साल की रिमेनिंग लाइफ थी, है ना, 5 साल टोटल लाइफ थी, 4 साल की रिमेनिंग लाइफ थी, 56.48 की वैल्यू हो गई। देर इज नो चेंज इन एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लो, एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लो अभी सेम है, जो ऊपर दिया हुआ है वही है, एंड डिस्काउंट रेट इज सेम, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 40 करोड़ हो गया। यानी वो बोल रहा है कि ये वाला कैश फ्लो तो हो गया, अब ये वाला कैश फ्लो बचा है। ठीक है ना, एक कैश फ्लो तो हो गया ना, वो तो आपने अचीव कर लिया होगा, 31 मार्च 2003 पहुंच गया, तो आगे के 3 साल का आपको कैश फ्लो दे रहा है और बोलता है कि अभी फिलहाल रिकवरेबल अमाउंट 40 करोड़ है, हाउ शुड द सेम बी डेल्ट विद इन इंडिया 36। ये वो क्वेश्चन है जिसमें वापस से वैल्यू इन यूज निकालने मत बैठ जाना। ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सब्र रखो। यही वो क्वेश्चन है जिसमें वैल्यू इन यूज निकालने मत बैठ जाना। उसने क्या बोला, कोई कैश फ्लो में चेंज नहीं है, कोई डिस्काउंट रेट में चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है, मतलब किसी तरह की एक्सटर्नल इंटरनल कंडीशन जिसके कारण हमने इम्पेयरमेंट किया था वो चेंज नहीं हुई है। आप समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि वो इंटरनल कंडीशन या एक्सटर्नल कंडीशन जिसके कारण आपने पहले इम्पेयर किया वो रिवर्स हो गई है, वो जा चुकी है, डिस्काउंट रेट भी सेम है, यानी ऐसा भी नहीं कि इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट है, तो ऐसे में रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस नहीं होता। मैंने आपको क्या कहा था, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस में एक्सटर्नल इंटरनल कंडीशन का रिवर्सल होना जरूरी है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर सिर्फ एक ही क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का, सिर्फ एक ही क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए, 4-5 इसके सामने लिख के रखो, अगर एक्सटर्नल इंटरनल कंडीशंस रिवर्स नहीं होती तो रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस नहीं होता, ऐसा लिख के रखो 4 और 5, ऐसा कंबाइन करके। ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं, अरे अभी तो बोला लिख के रखो ना यही चीज़ ऋषभ जी, ये दोनों क्वेश्चन के सामने लिख के रखो यही चीज़, यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, लिखिए आप लोग। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने टेबल बनाया है, क्या बात कर रहे हैं, देखना पड़ेगा ये तो, रुको। अच्छा, पहले एक बार का उन लोगों ने टेबल बना दिया, फिर उन्होंने यहां पे लिखा है ना, देयरफॉर शुड नॉट बी रिवर्स्ड, एग्जाम में टेबल बनाते मत आ जाना, काम नहीं है, जबरदस्ती टाइम वेस्ट कर रहा था इंस्टीट्यूट आप लोगों का, बोले चलो निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू, ऐसा हो गया, पर देखो कंडीशन तो नहीं हुई तो तुम रिवर्स नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो अब तो क्या नेक्स्ट ईयर सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एंड नो इम्पेमेंट? अब राघव जी यहाँ इम्पेमेंट नहीं है, आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5, फोकस कीजिए पहले तो, कि आपका जो पीवी आपने तो निकाल ही लिया था 67.84 है और कैरिंग अमाउंट 56.48 है, तो इम्पेमेंट तो है ही नहीं आपके इसमें, हम तो रिवर्सल ऑफ इम्पेमेंट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। इम्पेमेंट होता तो डेफिनेटली मैं आपकी बात मानता, इम्पेमेंट होता तो मैं कर देता, पर यहाँ इम्पेमेंट की बात नहीं हो रही। और एक बात याद रखिए, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि फर्स्ट ईयर इम्पेमेंट हुआ चलो नेक्स्ट ईयर वापस इम्पेमेंट हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोगों को, आपको सिंगल ईयर इम्पेमेंट आएगा, डबल क्वेश्चन आएगा तो रिवर्सल ऑफ इम्पेमेंट का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो रिवर्सल ऑफ इम्पेमेंट नहीं होगा, मैं यही तो समझा रहा हूँ आपको। फिर ऋषभ जी का कहना है स्पेसिफिकली लिख के देंगे कि कंडीशन रिवर्स हो गई है,
नहीं ऋषभ जी, स्पेसिफिकली लिख के नहीं देंगे। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें स्पेसिफिकली लिखा होता है। जैसे हमने जब इलिया लिमिटेड का क्वेश्चन पढ़ा, क्या वहाँ लिखा था कि रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस हो रहा है? ठीक है, नहीं लिखा हुआ मिला होगा। आज हमने क्वेश्चन किया, कल हमने क्वेश्चन किया था, आज के क्वेश्चन में तो भी लिखा हुआ था कि हाँ भाई गवर्नमेंट ने जो लगाया था टैक्स रेट उसको कम कर दिया, तो हमको समझ में आ रहा है कि हाँ एक्सटर्नल कंडीशन रिवर्स हो गई है। आज के क्वेश्चन में तो भी समझ में आया था, कल के क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था, तो ऐसा नहीं लिखा रहेगा। तो सर हमको कैसे समझेगा? जैसे एक क्वेश्चन होता है जिसके अंदर में ये दिया रहता है कि भाई पॉइंट समझ में आ रहा है कि मतलब इसके कारण रिवर्सल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या तो डेटा ही नहीं दिया उन्होंने, या डेटा दिया है तो डेटा को एनालाइज करो। ठीक है, अब जब आप लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे कल मशीन है मशीन भी का, यहाँ पे ध्यान दो, अभी सवाल पूछते मत रहो। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो एक बार। जब हम कल मशीन है मशीन भी का क्वेश्चन कर रहे थे इलिया लिमिटेड का, तो उसमें कहीं डेटा नहीं दिया था जिससे आपको ये पता चल रहा है कि रिवर्सल हो रहा है या रिवर्सल नहीं हो रहा है, ऐसा कोई डेटा नहीं दिया था, कंप्लीट डेटा वॉज मिसिंग। तो एक प्योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि पहले इंपेयर करो बाद में रिवर्स करो। आज हमने जो सबसे पहला क्वेश्चन किया उसमें आपको डेटा दिया था कि गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बढ़ा दिया, तो हमको समझ में आ रहा था इंपेयरमेंट है। फिर उसके बाद में उन्होंने डेटा दिया कि देखो गवर्नमेंट ने वापस से टैक्स रेट को रिड्यूस कर दिया है, तो हमको समझ में आ रहा है हाँ रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस है। अब आप समझिए कल का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन था उसमें तो ये भी नहीं दिया था कि एक्सटर्नल इंटरनल कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है जिसके कारण आपको इंपेमेंट करना है, ये भी तो नहीं दिया था। आप समझ पा रहे हैं, आपने सीधा इंपेमेंट कर दिया, आपने चेक थोड़ी किया कि हाँ भाई ये एक्सटर्नल कंडीशन रही होगी या इंटरनल कंडीशन रही होगी। सो देखिए देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, अ क्वेश्चन दैट गिव्स यू द डेटा टू एनालाइज, एंड सेकेंड क्वेश्चन जो कोई डेटा नहीं दे रहा है वो आपको सीधा बोल रहा है भाई तू प्रैक्टिकली सॉल्व कर। ये क्वेश्चन आपको डेटा दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 आपको डेटा दे रहा है देर इज नो चेंज इन एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लो। जो बोल रहा है जो पहले कैश फ्लो थी वही रही होगी। देखो अगर कोई एक्सटर्नल इंटरनल कंडीशन चेंज होती है, रिवर्स होती है, तो कैश फ्लो तो बदलेगा। अच्छा हमको एक इन कंडीशन दी गई है कि मार्केट रेट ऑफ इंक्रीजेस, वो भी उसने बोल दिया नो डिस्काउंट रेट चेंज। डेटा इज वेरी क्लियर, आपको क्लियरली बता रहा है कि देखो इंटरनल एक्सटर्नल कंडीशन चेंज नहीं हुई है, तो आप रिवर्स कैसे कर सकते हैं इंपेमेंट लॉस? आप समझ रहे हैं, ये डेटा को एनालाइज करना है, यही चीज तो समझा रहा हूँ। और ऐसा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट की तरफ से, ये वाला, सिर्फ ये एक लाइन के कारण हम लोग इस एनालिसिस को कर रहे हैं। चलो अब किसी को कोई सवाल है तो बोलो, बीच में मैंने बहुत सारे सवाल नहीं पढ़े। तो कुछ भी होता है तो राघव जी का एक ही रहता है, अरे यार रट लो खत्म करो बोले, अभी सबको जम रहा है, किसी को प्रॉब्लम है? देखो क्या होता है ना, जब क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं और फिर उसी के बाद क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। बहुत लोग बोलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में आपने बोला नहीं करने का रिवर्सल, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं उसके बाद में, अभी अपन पढ़ लेते हैं तो आपको एक समझ में आएगा, आपके दिमाग में एक डाउट क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। ठीक है देखते हैं, सर सही है पर एग्जाम में जल्दबाजी में ये गलती हो जाती है। ठीक है राम जी, ये बात सही है, इसीलिए अपन बोलते हैं कि क्वेश्चंस को एक बार देख लिया करें। तो अभी जैसे अपन ने क्लास में अभी एक बार देख लिया तो एक बार याद रहेगा, अभी आप एक बार रिविजन कर लोगे, तो इसीलिए मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 के सामने ऐसा लिख के रखो कि अगर मतलब कैश फ्लो वगैरह चेंज नहीं होता है तो ऐसी रिवर्सल ऑफ इंपेमेंट लॉस नहीं करते, तो जब आप रिवाइज कर रहे होंगे आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं देखोगे, पर ये लाइन आप पढ़ लोगे ना तो आपके दिमाग में आएगा अरे हाँ यार ये एक चीज सर ने बोली थी कि ऐसा रहता है तो रिवर्सल नहीं होता। अब यही क्वेश्चन आप एग्जाम में आने दो, क्लिक होगा। देखिए आप जब एक बार कोई पूरा क्वेश्चन देख लेते हो तो रिविजन ऐसा नहीं होता कि आप पूरा क्वेश्चन वापस से देखते हैं, आप सिर्फ उसका एक क्रक्स जो रहता है ना वो पढ़ते हैं और उसको आपको क्लिक हो जाता है पूरा का पूरा, हाँ ये पूरे क्वेश्चन में ये चीजें हुई थी। आपको सिर्फ अपने माइंड के अंदर में जो चीज की थी उसको वापस से रिएक्टिवेट करना है, बस और कुछ नहीं करना, उसके लिए बस एक क्रक्स लाइन सफिशियंट है। इसीलिए तो बोलता हूँ कि वो लाइन लिख दिया करो, सर अगर कुछ नहीं लिखा रहेगा तो हम रिवर्स कर जाएंगे। हाँ कुछ नहीं दिया चुपचाप रिवर्स करा जाओ, जब डेटा बोल रहा है रिवर्स करना है तो करो रिवर्स, सिर्फ डेटा दिया है कोई और कुछ नहीं, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, नंबर्स दिए हुए हैं तो रिवर्स करके आओ खत्म करो। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, थोड़ा और समझ में आएगा। ए लिमिटेड परचेज एन एसेट फॉर 100 लाख 1 अप्रैल 2001, लाइफ है 4 ईयर्स, रिकवरेबल अमाउंट आपको दी हुई है। ये क्वेश्चन अभी तक 2 बार एग्जाम में आया है और बच्चे इसमें ना भरपूर गलती करते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान है, क्यों गलती करते हैं मेरे को भी समझ में नहीं आता। कभी कभी लगता है इजी क्वेश्चन रहता है तो आपको ये नहीं समझ में आता अरे इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो एसेट 100 का था, ग्रॉस ब्लॉक, इसका कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा बोलो?
सर क्या यहाँ पे रेवेन्यू को ही कैश फ्लो बोल रहे हैं? अगर कभी भी एक ही डेटा दिया रहता है तो हाँ वही कैश फ्लो होता है। 75, ठीक है, उसने बोला रिकवरेबल अमाउंट 60। अब देखो इससे पहले भी हम ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं जहाँ पे हमारे पास कोई डेटा नहीं था कि इंटरनल एक्सटर्नल कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, हमने सीधा उठा के इंपेयर किया है क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, सिर्फ डेटा दे रहा है, नंबर्स दे रहा है और कुछ नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आपने बोला कि रिकवरेबल अमाउंट है 60, ठीक है, तो इसका मतलब इम्पेयरमेंट लॉस है 15 का, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट इसका मतलब 60 हो गया। ठीक है, अब ये एसेट का कैरिंग अमाउंट कितना हुआ नेक्स्ट ईयर? फोर्टी। मैं सही बता रहा हूं, बच्चे यहां पे 50 लिख के आए। आपने क्या किया, आपने पहला टेबल पहले बना दिया 175 50 25, अब बाजू में रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करके लॉस लिख रहे हो। अरे क्या कर रहे हो यार, ऐसा थोड़ी सॉल्व होता है। ठीक है, जब बेसिक क्वेश्चन आ जाता है ना तो ऐसी गलतियां होती है बच्चों से। तो चलो अब नया कैरिंग अमाउंट 40 है, 40 ये ध्यान रखिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, इंस्टीट्यूट को पता है बच्चे इसमें गलती करते हैं। रिकवरेबल अमाउंट भी 40 है तो वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नेक्स्ट ईयर कैरिंग अमाउंट कितना हुआ? 20, 28 का रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, 28 का रिकवरेबल अमाउंट, 3 का रिवर्सल। क्या राघव जी, मतलब क्या ही सॉल्व करते हो यार आप। एट का रिवर्सल, ठीक है। अब यहां डाउट आता है बच्चों को कि सर ऐसे कैसे, कैश फ्लो तो चेंज नहीं हुआ, कैश फ्लो तो चेंज नहीं हुआ, यहां पे आपने रिवर्सल कैसे कर दिया? अरे बॉस, किसने तुमको कैश फ्लो दिया इस क्वेश्चन में, सिर्फ रिकवरेबल अमाउंट दे दिया। अब रिकवरेबल अमाउंट चेंज हुआ नहीं हुआ हमको कुछ नहीं पता, कोई डेटा नहीं है, कुछ नहीं है, वो लाइन ही नहीं है कि भाई कैश फ्लो चेंज नहीं हुआ या क्या हुआ। आपको सिर्फ नंबर्स दिए हैं, आपको सिर्फ बोला है बता कितना इंपेयर करेगा, बता रिवर्स कितना करेगा, उसके आगे उस ज्ञान ही नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। चलो ऋषभ जी बोल रहे सर 5 का रिवर्सल होना चाहिए। हाँ ऋषभ जी ने मेन मुद्दा पकड़ा, क्या मुद्दा पकड़ा आपने ऋषभ जी, बताइए समझाइए। अरे आपने तो पूरा ही गलत बोला था, आपने 3 बोला था, 3 कहां से उठा के लेके आए थे आप? चलो अगर एसेट पहली बारी इंपेयर नहीं हुआ होता, यानी इस पॉइंट पे आपने इंपेयर किया था, अगर एसेट इंपेयर नहीं हुआ होता तो आज कैरिंग अमाउंट कितना होता, आज कैरिंग अमाउंट कितना होता? इफ एसेट नॉट इम्पेयर्ड तो 75, डिप्रिसिएशन अभी तक का 50, तो कैरिंग अमाउंट 25। तो कैरिंग अमाउंट 25 को 20 से कंपेयर करना है। रट्टू तोते बन गए हैं यहाँ पे लोग, नालायक कहीं के। तो कैरिंग अमाउंट 25 तक के ही रिवर्सल हो सकता है, 28 तक रिवर्सल नहीं हो सकता। तो रिवर्सल इज नाउ रेस्ट्रिक्टेड टू 5, रिवर्सल इज नाउ रेस्ट्रिक्टेड टू 5, 20 इज बीइंग कंपेयर्ड टू 25। ये 25 को 28 से कंपेयर कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल चल रहा है इन लोगों का। इसलिए बोलता हूँ इतना चिल्ड चिल्ड मत किया करो नालायक। शाबाश ऋषभ जी, यू डिजर्व अ 5 स्टार। अरे यार अभी कहां से ढूंढूंगा, ये रहा। चल हो गया, सब लोग समझ गए, किसी को कोई दिक्कत है? ये आपको जलाने के लिए ज्यादा दिया गया है राघव जी। कुसुमाक्षी जी का कहना है सर मैंने पहले आंसर दिया था, ये 5 स्टार मुझे मिलना चाहिए। ठीक है कुसुमाक्षी जी, आज आपको भी मिलेगा ये लो, पर राघव जी को नहीं मिलेगा। राघव जी पॉइंट उठाने से कुछ नहीं होता है, ये क्या रटने का तरीका है? सर 25 को मैंने 28 से कंपेयर किया और 3 रिवर्स करके आ गया, ये करके आओगे एग्जाम में? ऐसा नाम डुबाओगे सरदार का? चल
तो अब हम आ जा रहे हैं फाइनली फॉरेन करेंसी वाला, जो मैंने बीच में डेटा छोड़ दिया था। चलो यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पे आ जाओ सबके सब। अरे कल जितने बच्चे सारे के सारे वापस आ गए, मेरे को तो लगा था संडे हैंगओवर होगा, आज नहीं आए होंगे, कमाल हो गया। चलो चलो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो रहा है कि आपका जो एसेट है वो फॉरेन में पड़ा है, ठीक है, एसेट फॉरेन में पड़ा है। अब रिकवरेबल अमाउंट तो डॉलर्स में पता चल रही है, क्योंकि एसेट यूज फॉरेन में हो रहा है, तो उसका वैल्यू इन यूज डॉलर में, बेचेंगे तो डॉलर में, यानी सारा पूरा जो डेटा मिल रहा है वो डॉलर में मिल रहा है, और अपन बैठे इंडिया में, तो अपनी कहानी INR में। आप मुद्दा समझ रहे हैं, टाटा मोटर्स के लिए रेंज रोवर, लैंड रोवर यूरोप में है फैक्ट्री, तो कार पूरी की पूरी वहां पे मैन्युफैक्चर हो रही है, तो वहां की पूरी मशीन्स का वैल्यू इन यूज इन यूरोस, और सेलिंग प्राइस इज इन यूरोस, एवरीथिंग इज इन यूरोस। तो अब ऐसे में मैं इम्पेमेंट लॉस के लिए इंडिया में जब बैलेंस शीट बना रहा हूँ INR में, तो कंपेयर कैसे करूँ? क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज आप समझिए, एक पॉसिबिलिटी है मेरे पास कितना कितना वैल्यू इन यूज है फॉरेन में आने वाला, वो पता है मेरे को, फॉरवर्ड रेट्स पता है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले INR में कन्वर्ट करता हूँ फिर PV निकालता हूँ। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मैं डॉलर्स में ही PV निकाल लेता हूँ और फिर आज के स्पॉट रेट से कन्वर्ट कर लेता हूँ। आप समझ रहे हैं, देर आर टू पॉसिबिलिटीज, एक फॉरवर्ड रेट के बेसिस पे PV निकालना, और एक होता है आज के स्पॉट रेट के बेसिस पे PV निकालना। कौन सा सही लग रहा है, स्पॉट रेट या फॉरवर्ड रेट? तो राघव जी को स्पॉट रेट वाला सही लग रहा है, राम जी को भी स्पॉट रेट सही लग रहा है, कंचन जी को भी स्पॉट रेट सही लग रहा है, स्पॉट रेट तो ऑलमोस्ट सभी लोगों को स्पॉट रेट सही लग रहा है। हाँ स्पॉट रेट बेसिस ही होता है, तो वेरी गुड वेरी गुड, करेक्ट। अब आपकी ना क्रेडिबिलिटी दो कंट्रीज में सेम हो सकती है, पर रेट ऑफ डिस्काउंट अलग अलग हो सकता है। जैसे US में द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी लेस, जबकि इंडिया में ज़्यादा है। इंडिया में तो सेविंग्स के अंदर में पैसे पड़े हैं तो उसके भी बैंक आपको ब्याज देता है, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में अगर आप लोगों ने सुना होगा, बैंक में पैसे रखने के पैसे लगते हैं, बैंक पैसा लेता है आपसे कि आपने बैंक में पैसा रख के रखा है, ठीक है, उल्टी कहानी है। बहुत जल्द जब आप लोग भी बड़े हो जाओगे, आपके बच्चे हो जाएंगे, तो आपके टाइम भी यही चीज़ इंडिया में भी आ जाएगी, ठीक है, जापान में भी यही होता है। ओके, तो वहां करेंसी रेट अलग है, तो डिस्काउंट क्या रेट से करूं, इंडिया का रेट कि US का रेट, क्या रेट से डिस्काउंट होना चाहिए? आपके सामने दो रेट है, 15 और 10, US के रेट से होना चाहिए। शाबाश, तो आप क्वेश्चन पूरा समझ गए, फटाफट PV निकालिए इस क्वेश्चन के अंदर में, कन्वर्ट कीजिए और बताइए वैल्यू इन यूज कितना है, फटाफट सभी लोग। ये देखो ये दिख रहा है, ये कल एक स्टूडेंट ने मेरे को भेजा है, रोशर लगी हुई है इसमें, रोशर रोशर, नहीं, CA बनने की खुशी में भेजा है, जॉब लग गया फाइनली उसका, तो फिर उसने मेरे को चॉकलेट्स भेजी, समझे? चलो, अरे रिकॉर्ड अपन ने स्टार्ट किया था कि नहीं किया था? हाँ किया था, किया था। हाँ इस बार पहली बार 5 स्टार नहीं भेजी। किसी ने डाउट पूछा था ऊपर, पहले डिस्काउंट करते हैं या पहले कन्वर्ट? अच्छा ऋषभ जी, फर्क नहीं पड़ेगा उस बात से, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, ठीक है। 7667.55 सबको आ गया, 7735, ठीक है, माइनर डिफरेंस है। राम जी फिर आपके आंसर में कुछ तो गड़बड़ है, बाकी सब लोगों का सेम ही आ रहा है। चलो ठीक है, तो फाइनली हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 ये टाइम पास क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 10 ये सब देखना भी मत, काट देना ये सब। क्वेश्चन नंबर 11 अपना हो चुका है, एलिया वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है, बजटरी कंट्रोल वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हो चुका है, रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए सीधा, क्वेश्चन
किशन जी को नेक्स्ट लेवल इंटरेस्ट, किशन जी क्लास में कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे, पर उसके बाद किशन जी ने आज पूछा, सर आपको किसने भेजा है, लड़की ने भेजा है कि लड़के ने भेजा है, बताओ बोले। अरे इस उम्र में लड़की भेजे या लड़का, दोनों ही केस में अपने को क्या ही फ़र्क पड़ना है, अपने को चॉकलेट खाने से मतलब है। आप लोगों को फ़र्क पड़ना चाहिए, मेरे को क्या फ़र्क पड़ना है, नालायक, शादी हो गई, बच्चे हो गए, चलो चलो यहाँ पे ध्यान दो। किशन जी अपनी सेटिंग लगाने में, सर लड़की है तो नंबर दो बोले, मेरा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। बोले कम से कम, बोले आपकी क्लास नहीं समझ में आ रही, कम से कम उससे तो बात करूँ, चलो यहाँ पे ध्यान दो। फर्स्ट जनवरी ईयर वन, एंटिटी क्यू परचेज्ड अ मशीन कॉस्टिंग ₹2,40,000 विथ एन एस्टिमेटेड लाइफ 20 years एंड एस्टिमेटेड जीरो रेसिडुअल वैल्यू, डेप्रिसिएशन इज कंप्यूटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। ये भी हो गया ना अपना, ईयर वन में रिवैल्यू किया, फिर ईयर फोर में उसके रिकवरेबल अमाउंट निकाल रहा है, तो ये होमवर्क है यार आप लोगों के लिए। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, चलो नहीं नहीं नेक्स्ट चैप्टर नहीं, एक बार क्वेश्चन बैंक देख लेते हैं। ये गवर्नमेंट वाला क्वेश्चन पेज नंबर 243, पेज नंबर 243 क्वेश्चन नंबर 6B। अब अगर आप एम्पेयरमेंट का चैप्टर देखेंगे तो एम्पेयरमेंट के चैप्टर से एक्सपेक्टेशन किसकी बनती है, जो NCI वाला क्वेश्चन है ना जो अभी हम लोगों ने छोड़ दिया, मेरे हिसाब से उसकी एक्सपेक्टेशन बनती है कमिंग अटेम्प्ट के लिए। अगर आप देखेंगे लास्ट अटेम्प्ट में इम्पेयरमेंट से क्वेश्चन आया, लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में इम्पेयरमेंट पे क्वेश्चन आया, तो इम्पेयरमेंट पे फोकस बहुत है अभी इंस्टीट्यूट का, तो क्वेश्चन पूछे जा रही है, तो इसका मतलब अपन एक एक्सपेक्टेशन अगर लेके चलें तो जो NCI वाला है ना मोस्टली वो वाला क्वेश्चन आना चाहिए कमिंग अटेम्प्ट के अंदर। चलो, हिमालय लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट। समटाइम बैक इन 2016 गवर्नमेंट पुट रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड बाय हिमालय एंड ड्यू टू दिस रेस्ट्रिक्शन इम्पेयर्ड इट्स एसेट्स। हिमालय अक्वायर्ड आइडेंटिफाइबल एसेट्स 4,000 crore फॉर 6,000 crore, द डिफरेंस इज ट्रीटेड एज गुडविल। उसने बोल दिया भाई 2000 का इसमें गुडविल है। द यूजफुल लाइफ, सर जब हम बिजनेस कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, हाँ हाँ वही वाला, द यूजफुल लाइफ ऑफ द आइडेंटिफाइबल एसेट इज 15 years, पेज नंबर 243। व्हेन गवर्नमेंट पुट द रिस्ट्रिक्शन एट द एंड ऑफ 2016, एंड ऑफ 2016 आपने खरीदा था, एंड ऑफ 2012, वर्डिंग्स ध्यान से पढ़ना, इंस्टीट्यूट ने पूरा का पूरा प्रबंध करके रखा आप लोगों की बैंड बजाने का, छोटी सी गलती और बैंड बज जाएगी। बताओ कैरिंग अमाउंट कितना था 2016? आपने गलती से एंड ऑफ 2012 में एंड अगर वर्ड नहीं पढ़ा तो आप 5 साल से डिप्रिशिएट कर जाओगे, ठीक है ना, पूरी पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, गुडविल हमारा 2000 है, कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट है 2933। पिछले बार आप लोगों ने यही गड़बड़ की थी, गुडविल को अलग से लिया नहीं था, इंक्लूड नहीं किया था, तो इस बार मैं इसलिए लिख के दे दे रहा हूँ वैसे। सो दिस इज 4933। अब उन्होंने बोला इस पॉइंट पे रिकवरेबल अमाउंट है 2720, ठीक है, इम्पेयरमेंट लॉस 2213 बराबर। ठीक है, अब वो बोलता है इन 2018, अब आप जानते हैं इम्पेयरमेंट लॉस जो भी आया पहले आपने गुडविल को एलोकेट कर दिया, गुडविल को एलोकेट कर दिया था आपने 2000, बचा हुआ 213 था अरुणा जी, 217 नहीं था, बचा हुआ 213 कैरिंग अमाउंट को आपने एलोकेट कर दिया था, ठीक है, तो एसेट की वैल्यू 213 माइनस होने का 2720 ही होगी, वो तो ऑब्वियस है। क्या रहा होगा डिप्रिशिएटेड वैल्यू 2018? कैरिंग अमाउंट कितना रहा होगा, नहीं लैग नहीं है, 2225, क्या ये सबको आया 2720, रिमेनिंग लाइफ 11 साल, रिमेनिंग लाइफ 11 साल, तो 2225 2720 पे लगेगा ना, 2520 कहां से आया, ठीक है, 2225 जो आप लोगों ने निकाला वो बोल रहे हैं रिकवरेबल अमाउंट है 3420,
रिकवरेबल अमाउंट है 3420। तो आप देख लो हमने करीब करीब चार क्वेश्चन रिवर्सल ऑफ इम्पेमेंट लॉस के कर लिए प्रैक्टिस। तो आई डोंट थिंक इस कॉन्सेप्ट में आप लोग एग्जाम में कोई गलती करोगे। तो ये बताओ अगर इम्पेयर नहीं हुआ होता तो ये एसेट आज कितने पे दिख रहा होता? इम्पेयर नहीं हुआ होता तो ये एसेट कितने पे दिख रहा होता? निकालो ना, इम्पेयर नहीं हुआ होता तो कितने पे दिख रहा होता? 2400 अजीम जी की तरफ से आया है, बाकी किसी का भी आंसर नहीं आया है। चलो बढ़िया, आई होप सबको आ रहा है। एसेट 2933 का था और रिमेनिंग लाइफ 11 ईयर्स थी। रिमेनिंग लाइफ 11 ईयर्स, तो 9 ईयर्स का हो रहा है 2400। 2400 तो 2400 मैक्सिमम रिवर्सल उतना ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा रिवर्सल अलाउड नहीं है। तो 2225 से 2400 तक का रिवर्सल होगा। चल इम्पेयरमेंट ऑफ फॉरेन एसेट्स अभी किए थे वही है ये, तो ये भी हो गया। कैश जनरेटिंग यूनिट का क्वेश्चन हो गया था एलिया लिमिटेड तक के। इम्पेयरमेंट पार्शियल गुडविल मेथड, टोटल गुडविल मेथड पढ़ना है हमको, ठीक है। तो